أعوذ بالله, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم

وللبيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام what you the, the jungle. 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 म सबको उन्नीसवें रोज़े की बहुत बहुत मुबारकबाद और कल भी हम जब इफ्तार पे मौजूद थे तो ये डिस्कशन हो रही थी कि हमें ऐसा लगता है जैसे अभी हमने ये ट्रांसमिशन शुरू की और आज जो है वो हम अठारहवें रोज़े की इफ्तारी कर रहे हैं और कल उन्नीसवा रोज़ा है और आज जब हम इफ्तार करेंगे तो उसके बाद आखिरी अशरे में दाखिल हो जाएंगे आखिरी अशरे में आ, जब हम दाखिल होते हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जो हैं वो एतकाफ में जाके बैठते हैं एतकाफ एक बहुत ही बाबरकत जिसे कहते हैं इबादत है और ये असलाह नफ्स के लिए मैं समझता हूँ कि हमें ये इबादत दी गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ में बैठा करते थे और अहतकाफ़ फरमाया करते थे जब थोड़ी सर्च किया प, पता करने की कोशिश की कि ऐसे क्या वजूहात हैं कि ये अहतकाफ़ की इबादत जो है वो हमें आ, दी गई हमें बख्शी गई तो अल्लाह के नज़दीक होने का एक बहुत ही ख़ूबसूरत मौका है आप बिल्कुल तन्हाई में एक बिल्कुल दुनिया से कट के आप अहतकाफ़ में जा बैठते हैं आ, आप एतकाफ़ में बैठ के अल्लाह की इबादत करते हैं अल्लाह से उस तन्हाई में दिन रात मदू करते हैं अल्लाह को अल्लाह से बात करते हैं अल्लाह के करीब होने की कोशिश करते हैं और इस नफसा नफसी के दौर में तरके दुनिया करके आप अल्लाह के और करीब होते चले जाते हैं और अपने खालिक व मालिक के करीब होते चले जाते हैं तो बड़ी ही खूबसूरत इबादतों में एक इबादत जो है वो अहतकाफ़ भी है बहुत सारे लोग आखिरी अशरे में कोशिश करते हैं कि वो उमरे पर चले जाएँ मुकरमा में वो अहतकाफ़ करें बहुत सारे लोगों की कोशिश होती है कि मदीने में अहतकाफ़ करें बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि जो जो उनके इलाक़ों की मसाजिद हैं जहाँ पर अहतक करने की सहूलियात मौजूद होती हैं वो वहाँ पर अहतकाफ़ करें तो एक, एक बड़ा ही खूबसूरत ये सिलसिला है जो लोग सर अंजाम देते हैं और ज़िंदगी में जब भी आप एतकाफ में बैठते हैं उसके भी कुछ शराइ थे उसकी भी कुछ चीज़ें हैं बिकॉज बहुत सख्ती से कहा गया है कि अगर आपने लोगों को पैसे देने हैं या लोगों का कोई ड्यू है या आपके पास ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी उजरत आपने दी नहीं है और आप जाके अगर एतकाफ़ में बैठ गए हैं और कोई आपसे मिल नहीं पा रहा है या बात नहीं कर पा रहा है तो उसमें थोड़ा सा आ, जो है वो मसल मसाइल हैं लेकिन ओबियसली कराम यहाँ पर मौजूद होंगे हमने आज स्पेशली इसलिए आज एतकाफ़ के हवाले से मौजू रखा क्योंकि आज रात से आ, मेरे से तरावियों के बाद से लोग जो है वो मस्जिदों का रुख करना शुरू कर देते हैं ताकि पहली सहरी जो है आखिरी अशरे की वो उसी से सिलसिला शुरू करें और क्या क्या फ़जाइल हैं और क्या क्या बरकत हैं उस बारे में हम अपने कराम से बिल्कुल जानेंगे और आज भी कराम से हमारी बात होगी लेकिन एतकाफ़ के ऊपर उनकी शराइ के ऊपर उनके फ़ज़ाइल के ऊपर उनकी बरकत के ऊपर और बड़े खुश नसीब हैं हमारे कारी साहब के वो इस आखिरी अशरे में उम्र पे जा रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन आपको बहुत बहुत मुबारक हो और एहसनल कलाम ने एक आपके लिए तोहफ़ा भी भेजा है कारी साहब बड़ा ख़ूबसूरत तोहफ़ा भेजा है ये ये आपके साथ रहेगा जी ये हजो उमरे के लिए आपके लिए एक बड़ा ख़ूबसूरत तोहफा है इसमें बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं आप सुनते रहेंगे पढ़ते रहेंगे हमें अपनी दुआओं में याद रखेंगे हमारी ट्रांसमिशन की जो एक छोटी सी कोशिश रही है उसको भी याद रखिएगा आपकी इस मैनेजमेंट का और आपकी मोहब्बतों का कि आप लोगों ने गाय ब गाये मुझे हौसला अफज़ाई की और प्यार किया मोहब्बत दी शफकत फरमाई अल्लाह पाक आप सब लोगों को सलामत रख आमीन और आपसे भी इतमास है कि जब आप वहाँ पे जाएंगे या जितने भी हमारे भाई हमारे दोस्त इस वक्त उम्र के लिए मौजूद हैं वहाँ पर उनसे हम दुआ करेंगे उनसे हम दरख्वास्त करेंगे कि वो दुआ करें उम्मत मुस्लिमा के लिए ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो इस वक्त परेशानियों में घिरे हुए हैं आज भी मैं रिपोर्ट देख रहा था तो बहुत सारे जो हमारे फ़लस्तीन के भाई हैं उनको अगवा किया गया है बायदा उनको उठाया गया है उनके लिए भी दुआ करें अपने मुसलमान भाइयों के लिए बहनों के लिए बच्चों के लिए जहाँ जहाँ भी इंसान के साथ कहीं ज़्यादती हो रही है मैं इंसान कहता हूँ जहाँ जहाँ भी किसी इंसान के साथ ज़्यादती हो रही है उनके लिए दुआ किया करें कि अल्लाह पाक उनको उन मुश्किल से निकाले आ, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे जितने भी इस्पॉसर्स हैं सबका वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क है उनकी तरफ से रोज़ाना जो हमारे जेर ज़बर और मुझे कुछ कहना है कि विनर्स होते हैं उनको वाइल्ड वेंचर की तरफ से एक लाख रुपए का फैमिली पैकेज मिलता है पूरे साल का सो थैंक यू वाइल्ड वेंचर फोटाइल हमारे साथ यहाँ पर है उनके बहुत सारे तहिफ़ जो हैं आ, वो हमारे आ, जो पार्टिसपेंट्स हैं उनको मिले हैं ख़ालिद स्वीट्स पंजनत बाई जे डॉट हर बी ऑन कोइस मॉल और इसके अलावा डोनट्स भी आए हमारे पास हैप्पी डोनट्स उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा कल उमा कराम अपने साथ लेके गए सो थैंक यू सो मच एहसनल कलाम की जानब से डिजिटल कुरान हमारे पास यहाँ पे मौजूद है वो आप लोगों के साथ जाएगा बच्चों के साथ उनका एक डिजिटल पैड है जिसमें बहुत सारी दुआएँ हैं वो बच्चों के साथ जाता है Uh, आज तो uh, कारी साहब को भी एक बड़ी खूबसूरत तोहफ़ा भेजा एस कलाम ने सो थैंक यू सो मच उसके साथ ओजी डेवलपर्स है ओजी डेवलपर्स की जानब से जो हमारे फिनाले के जो विनर्स होंगे uh, जेर ज़बर और uh, मुझे कुछ कहना है कि वो बाइक लैपटॉप और एल और बहुत सारे इनाम यहाँ से लेकर जाएंगे सो ओजी डेवलपर्स थैंक यू सो मच क्रिएटिंग एक्सेप्शनल स्पेसिस आर इंस्पायर एंड एलिवेट थैंक यू सो मच डेल और एम एन पी की जानब से दो लैपटॉप्स हैं जिनकी कुरानदाज़ी सत्ताईस रमज़ान को की जाएगी तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फ़िलहाल छोटा सा ब्रेक लेते हैं ब्रेक से वापस आते हैं फिर आके कंटिन्यू करते हैं जी हाँ असल उल्फत वेलफेयर फाउंडेशन से हमारे साथ यहाँ पे हमारे मेहमान मौजूद हैं और पूरा रमज़ान हम यही कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपस में जोड़ें ताकि लोग आपस में से आपस में जुड़ के एक दूसरे को हेल्प आउट कर सकें उल्फत फाउंडेशन वेलफेयर फाउंडेशन उन्नीस में इस्टबलिश हुई और फोर फंड पे प्रोवाइडिंग क्रिटिकल मेडिकल असिस्टेंस टू तो 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 चिल्ड्रन एंड फैमिलीज़ इन नीड अक्रॉस पाकिस्तान Uh, मेरे साथ यहाँ पे डॉक्टर सालिया जो कि जनरल सेक्रेटरी उल्फत वेलफेयर फ़ाउंडेशन है मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम आपको खुश आहद कहता हूँ डॉक्टर नुरत फारूकी uh, प्रेसिडेंट उल्फत वेलफेयर फ़ाउंडेशन ऑनर्ड विद तमगा इम्तियाज़ आपको भी मैं खुश आमद कहता हूँ और uh, क्या इसमें जो आपकी मैं बात सुन रहा था जिसमें आप मैं लोगों की आसानी के लिए ये बात कहता हूँ कि कॉम्प्लिकेशन्स uh, बच्चों के मेडिकल कंडीशन में जो होती हैं उस पर आप लोग ज़्यादा काम करते हैं मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ जी सो वो 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 बच्चे जिनको कॉम्प्लेक्स सर्जिकल कंडीशन है फॉर एग्जांपल दिल में सुराख है एनोरेक्टल मेलफॉर्मेशन पैलेट लिप है या कोई और पेचीदा सर्जिकल मसला जिसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन से मुमकिन हो हम वो कराते हैं सो so, हमारे जो अस्सी फ़ीसद बच्चे हैं उनको दिल में सुराख है और उसके साथ साथ फिर स्टन्टिन ग्रोथ हो जाती है कि वो यहाँ से वहाँ तक वॉक करके नहीं जा सकते देर ग्रे देर फेल एयर टू थ्राइव ग्रोथ नहीं होती तो so, जब आप उनकी इस किस्म के ऑपरेशन कर देते हैं तो फिर दे गो बैक टू द सोसाइटी अब वो बच्चे जो हमारे साथ 2008, 9, आठ से पुराने हो गए लेकिन वो हम उनको फॉलो कर रहे हैं साथ साथ बिकॉज हम उनको छोड़ते नहीं हैं और हम उनको मरीज़ भी नहीं कहते वी कॉल देम स्टार्स सो हम उनके साथ अभी तक कॉन्टैक्ट में हैं सो so, जो 2010 में हमने बच्ची का ऑपरेशन करवाया था नाव शी इज़ अ ग्रोन ऑफ वुमन एंड शी गॉट मैरिड एंड नाव शी इज़ अ मदर सो so, एक और बच्ची है जो कि बी फार्मेसी पढ़ रही है जो पहला बच्चा था वो डॉक्टर बनना चाहता है माशाल्लाह तो हम उन सब बच्चों के साथ कांटेक्ट में रहते हैं उनके पेरेंट्स को गाइड करते हैं क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है तो उसके साथ कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं तो माँ बाप जो हैं वो डर जाते हैं और कहते हैं अगर इसमें मरने का चांस है तो हम ऑपरेशन क्यों कराएँ तो इस वजह से हम बच्चों को भी साथ में रखते हैं उनके पेरेंट्स को भी समझाते रहते हैं कि ये इलाज कराना कितना ज़रूरी है डिफिकल्ट है नॉर्मली पेरेंट्स बहुत घबराए हुए होते हैं डरते हैं इस तरह के इस तरह की जो सर्जरीज़ होती हैं कि तालू में अगर कोई मसला है या दिल में इस्पेशली अगर सुराख हो तो वो बड़े डरते हैं और इस वजह से लोग लेके भी नहीं जाते आ, लेकिन आप लोगों को तो पूरी काउंसलिंग करनी पड़ती होगी माशाला से हमारी एक पूरी टीम है जो हमारे साथ रहती है इसमें अक्रॉस पाकिस्तान हमने ये सहूलत मुहैया की है ना सिर्फ कराची लाहौर में भी या उसके इर्द गिर्द के इलाक़ों में भी कोई इस तरह का पेशेंट आता है और हमारे इल्म में आता है तो हम उसको सर्जरी तक लेके जाते हैं आपने जिस तरह से ये कहा ना कि वालदेन की भी काउंसलिंग करनी पड़ती है तो ये यूजुअली जो बच्चों की बीमारियां हैं ये यंग पेरेंट्स यूजुअली होते हैं और अपने स्ट्रगलिंग फेज में होते हैं तो इनके पास पैसे भी कम होते हैं तो अक्सर वाले और जिस तरह की जो हमारे यहाँ पब्लिक है अवेयरनेस नहीं है वो कहते हैं कि जिस तरह डॉक्टर नुसरत बता रही थी कि ना इलाज कराएं तो उनको समझाना उनको बिठा के बताना कि ये क्यूरेबल है और आपका बच्चा अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता है चैलेंज और आ, आ, मतलब ये जब दिल का ऑपरेशन हो जाता है तो उसके बाद बच्चे नॉर्मल हो जाते हैं बिल्कुल हमने शुरू कैसे किया था हमने प्लान नहीं किया था लेकिन पहला बच्चा स्वास्थ्य जब हमें टू में रेफ़र हुआ तो उसके दिल में कॉम्प्लेक्स खराफ़ था वो आ, खान में आया ऑपरेशन हुआ दो हफ्ते में बच्चा हेल एंड हार्ट ही वापस चला गया तो हमने सोचा कि हमारा क्या गया थोड़ा सा टाइम लगा लोगों से पैसे मांगना पड़ा उसका पैसे मांगने नहीं आते थे <laughs> तो बड़ी मुश्किलों से जमा हुए लेकिन जमा हो गए थे अच्छा जी बिल्कुल उसका एस्टिमेट था तीन लाख का तो सर्जन ने कहा कि फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट तो आप डेढ़ लाख जमा कर ले अब टू थाउजेंड नाइन में ना बड़ा मुश्किल था आपको मांगने नहीं आते तो आपको थोड़ी सी हेजिटेशन होती है जब अल्लाह ने काम कराना होता है ना तो वो हो जाता है मैंने पांच दोस्तों को मैसेज किया आप यकीन करें जितने पैसे है उसको जब जमा किया तो वो डेढ़ लाख थे बच्चा आया दो हफ्ते में उसका ऑपरेशन हुआ हेल एंड हार्ट ही हमने क्या किया थोड़ा टाइम लगाया पैसे तो फिर हमने तीन महीने इस पर बैठ के होमवर्क किया कि हम क्या करें सबने हमसे कहा कि जब तुमने कॉम्प्लेक्स सर्जिकल कंडीशंस उठाई हैं तो इसी पे काम करो बिकॉज उस वक्त इस तरह के कामों के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं हाँ, थी। सच इस तरह के लिए हैं, जो हमारे हैं या। हम सबके साथ कॉन्टेक्ट में अब तो हमारी पूरा पैनल है अच्छा सो so हम कोशिश ये करते हैं कि अगर मुझे अपने बच्चे को ऑपरेशन कराना है तो मैं कहाँ कराऊंगी इट हैज भी इकोनॉमिकलीबल प्रोग्राम सो उसमें हम देखते हैं कि सर्जन अच्छा हो हॉस्पिटल अच्छा हो और फिर पैसे हम उससे निगोशियेट करते हैं हॉस्पिटल से और अब तक माशाल्लाह से कितने बच्चे 800 हैं? प्लस। 800 प्लस प्लस अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लाह अल्लाह बड़ा ये 800 प्लस तो बहुत ज्यादा बच्चे हैं uh, डिजीज बर्डन इससे भी ज्यादा है बहुत ज्यादा है जा जा हमारा एक समझे एक ड्रॉप है इन ओशन जो हम कर रहे हैं हम अगर देखना शुरू करें डिजीज बर्डन इससे भी ज्यादा है है? जादे बहुत ज्यादा है ये तो टिप ऑफ आइस वर्क है आप दिल के सुराख के बच्चों ही को ले लें तो हम तो एटी परसेंट बच्चे करा रहे हैं लेकिन अगर आप पाकिस्तान की कोई स्टडी नहीं है हमारे पास अब जैसे हम फ्लड्स में काम कर रहे थे तो वी वर रेफर ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन सिक्स ये सारे छः आपस में कजन्स थे उन सब के दिल में सुराख था और फ्लड्स उनके लिए तो ब्लेसिंग हो गया 2010 में उन सब का हमने ऑपरेशन करवाया है सो अगर हम स्टेटिस्टिक्स देखें तो आई डोंट थिंक वी हैव रियल स्टेटिस्टिक्स बट Uh, बहुत बहुत बर्डन आप लोगों की वर्किंग कैपेसिटी कितने बच्चे आप लोग ऑपरेट करवा सकते हैं साल में डिपेंड करता है कि मतलब फंडिंग क्या आ रही है या फंडिंग इज वन फैक्टर लेकिन हमें कभी अल्लाह का शुक्र है कि पैसों की कमी की वजह से रोकना नहीं पड़ा अच्छा लेकिन हमने एक साल में अस्सी बच्चे भी करवाए हैं so जो जिस तरह डॉक्टर कभी नहीं रहा लेकिन uh, जो आप चाहें कि आप अपना प्रोग्राम को सस्टेन रख सकें आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये सहूलत मुहैया कर सकें उसके लिए कंटिन्यूस फंडिंग इज़ नेसेसरी। एंड वी आर स्ट्रगलिंग थ्रू दैट हमारा खाब तो ये था कि हम हर बड़े शहर में का एक ऑफ़िस खोलें जो कि अभी तक ता अल्लाह तारा तो ने पूरा नहीं किया लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव या विजन ये है कि कोई एक बच्चा जिसको भी सर्जिकल प्रॉब्लम हो रह ना जाए इलाज से बिल्कुल तो ये हमारा मिशन है लेकिन अभी बहुत दूर है हम उससे नहीं लेकिन आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं इसीलिए हम एक तो डोनेशन के लिए भी ऑब्वियसली अपील कर रहे हैं आप लोगों से कि आप लोग डोनेट करें दिल खोल के डोनेट करें माह रमजान में जितना भी एक दूसरे का साथ देंगे जितनी भी देखें कोई एक बच्चा भी अगर आप अडॉप्ट करते हैं या नहीं कर पाते हैं तो चार पांच दोस्त मिलके एक बच्चा अडॉप्ट करके उसको ऑपरेट करवा दें दस दोस्त मिलके एक बच्चे का ऑपरेट करवा दें सो कितना कितनी दुआएँ एक ज़िंदगी जो है वो किसी को मिल जाती है या आप लोग इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो उल्फत की वेबसाइट पर जाइए उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए अगर आपके बच्चे के दिल में सुराख है या तालु में है या कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स सर्जरी है जिसके हवाले से आज ये लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तो मैं आप लोग को उससे दरख्वास्त करूँगा कि मैं रोज़ाना एक ही बात कहता हूँ कि इस बात को आगे बढ़ाएँ इस बात को आगे बढ़ाएँ हम बहुत सारी चीज़ें आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं सो दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट मैसेज जिसको आप लोगों को आगे बढ़ाना है एक दूसरे का साथ देना है एज अ पेरेंट आई आई होप कि आप अंडरस्टैंड करें इस चीज़ को कि बच्चे को जब खांसी हो uh, तो माँ बाप की क्या हालत होती है तो आप सोचें कि अगर कोई बच्चा जिसको सर्जरी की ज़रूरत है और उसके माँ बाप सिर्फ इसलिए सर्जरी नहीं करवा पाते क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते और आज कितने का होगा ऑपरेशन इसका ऐसे में चूँकि एस्टिमेटेड कॉस्ट अगर दिल का सुराख है और हमें ठीक करानी है तो आठ लाख के आसपास है आठ लाख के करीब जी और अगर स्पाइनल सर्जरी करानी है जो कि स्कोलियोसिस वगैरह के लिए होती है तो बीस से पच्चीस लाख का एस्टिमेट आता है फिर हम नेगोशिएट करते हैं हॉस्पिटल से तो वह कम होकर दस मैक्सिमम बारह मतलब दस बारह लाख तो हमें देने ही पड़ते हैं तो जाहिर है हमारे पास लिमिटेड फ़ंड्स होते हैं लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जितने हम हम चाहते हैं कि हमारे पास और बच्चे रेफर हों सो यू नो उसके अलावा हमारा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट काम है जैसे उल्फ का जो नाम है उसको मैं अगर आपको बताऊं तो इट्स एन एक्रोनिम ऑफ यूनिफाइड लाइसेंस फॉर प्रमोशन ऑफ़ हेल्थ एंड एडवांस ट्रीटमेंट यू एल पी एच ए टी सो इसमें एक तो एडवांस ट्रीटमेंट है दूसरा प्रमोशन ऑफ़ हेल्थ है और उसके हवाले से हम 2010 से मेडिकल कैंप्स कर रहे हैं इन द होल कोस्टल बेल्ट ऑफ पाकिस्तान उसके अलावा इन द एरियाज़ ऑफ हाई रिस्क यूसीज इन कराची जहाँ पे पोलियो का ज़्यादा है और हम पिछले ढाई साल से uh, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मेडिकल कैंप्स करते हैं हर संडे को हमारे दो कैंप्स होते हैं ये, ये तो, बड़ा मुश्किल होता होगा जितनी आप एक तो, फ्री मेडिकल कैंप्स तो कर ही रहे हैं लेकिन ये जो ऑपरेट करवाना है ये ये तो बड़ा चैलेंज है माँ बाप तो आ जाते हैं कि जी हमने तो आपके बारे में सुना है हुँ, सो हुँ, अब आप करके दें किसी भी तरह से नहीं तो हम करते हैं और हम उन पेरेंट्स को छोड़ते नहीं हैं अच्छा। हम ये चाहते हैं कि वो सिर्फ ऑपरेशन ना करवाएँ हम ये चाहते हैं कि वो बच्चा फिर पढ़े जो उसका बुनियादी हक़ है बिल्कुल। वो अपने स्पोर्ट्स में भी जाए वो अपनी पढ़ाई भी करे तो मैंने आपसे कहा ना हम चूँकि वो कॉन्टेक्ट में रहते हैं तो हमें पता है कि हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं बददरीज और वो क्या कर रहे हैं या क्या सोच रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल नजीबुल्ला जो पहला बच्चा था हमारा हमारा आज भी उससे कॉन्टेक्ट है और पूरी फैमिली से कांटेक्ट रहता है तो उसके भाई और अब बच्चे चूँकि बड़े हो गए तो वो व्हाट्सएप पे मुझसे बात करते हैं अच्छा जी

उनके लाइफ थ्रेट होता है यस yes, बिल्कुल होता है uh, बहुत सारे वो प्रॉब्लम्स जिनको आप हर वक्त ऑपरेशन कर दें और वो ठीक हो सकते हैं एक स्टेज पे जाके कर उनका ऑपरेशन मुमकिन नहीं रहता फिर जब वो आते हैं ना तो हमें बड़ी तकलीफ़ होती है और हमें उनको मना बिकॉज़ उस ऑपरेशन के बाद उनकी शायद लाइफ स्पेन कुछ साल बढ़ जाएगा मुकम्मल तौर से तो नहीं ठीक हो पाते तो वो जब स्टेज आ जाती है ना तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है पेरेंट्स को ये समझाना कि आप देर से आएँ सो so, मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से भी एक गुजारिश करूँगी सारे माँ बाप से कि जिन किन के बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज़ अपने डॉक्टर्स को दिखाएं और अगर ऑपरेशन है तो उसका ऑपरेशन करवाएं और ये किस एज तक बच्चों को ले आना चाहिए अंदाजा आन नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दीज थिंग्स लेकिन ये कि जैसे बहुत सारे ऑपरेशन ऐसे भी होते हैं कि जैसे हमने जो अमरवंती थी वो बारह साल की थी अच्छा। जब उसका ऑपरेशन हुआ ठीक है तो डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कौन सा है कुछ बच्चे होते हैं जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती हम डिवाइस डालते हैं और वो एनजियोग्राफिकली हो जाता है अच्छा हाँ तो हर बच्चे को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती लेकिन स्पेशलिस्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी है अब जैसे मैं अवरान में काम कर रही थी और एक बच्चा था बारह साल का वो भी था अब्दुल कादिर उसका क्लेफ पैलेट लिप था कम्पलीट अच्छा और वो कोने में रहता था स्कूल भी नहीं जाता था तो हम उसको कराची ले आए अपने साथ उसको वो तीन महीने आ रहा उसके ऑपरेशन हुए और अब वो माशाल्लाह से अपना काम करता है माशाल्लाह बेसिकली द मैसेज इज के आप इग्नोर ना करें बच्चे में कोई भी चीज़ अगर आपको नज़र आती है उसको ले कर जाए इवेलट जरूर करें ये जो दिल का सुराख है जैसे अभी आपको बताया किसी एज पे भी कुछ बच्चे बिल्कुल जैसे ही पैदाइश के वक्त ही पता चल जाता है तो उनके फिर मल्टीपल ऑपरेशन होते हैं उनका एक ऑपरेशन से काम नहीं चलता लेकिन ये कि आपने इग्नोर नहीं करना है लेके जाना है अपने बच्चे को आ, तो सीरियसली मैं मेरा तो दिमाग ही उड़ जाता है इस तरह की बातें सुन के बच्चों के हवालों से जब बात होती है तो ये कॉन्टैक्ट नंबर प्लीज़ नोट कर लें पाकिस्तान पाकिस्तान से बाहर से भी लोग भेज सकते हैं इन्हीं जी बिल्कुल भेज सकते हैं जी जो पाकिस्तान से बाहर भी इस वक्त हमारा शो देख रहे हैं उनसे भी हमारी दरख्वास्त है कि ये हमारे उल्फत के जो बैंक अकाउंट्स हैं वो भी चल रहे हैं तमाम डिटेल्स चल रही हैं आप भी मैम अगर कोई अपील करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग भी मैं आप सबसे यही अपील करूंगी कि इस माह रमज़ान की जिस तरह से हम इबादत करके लुत्फ उठाते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं आप हमारा हमारे साथ ताउन करें और जित जिस तरह से भी दिल खोल कर आप हमें अपने अतियात दे सकते हैं दें ताकि हम पाकिस्तान के फ्यूचर को सिक्योर करें और हर बच्चे का इलाज करा सकें आमीन आम आपको मैसेज देना चाहेंगे मैं इसी बात को एम्फोसाइज करूँगी कि बच्चे हम सबके बच्चे हैं और बच्चों की तकलीफ किसी से बर्दाश्त नहीं होती है एक माँ की हैसियत से अगर थोड़ी देर के लिए ये सोच लें कि अगर आपके बच्चे के साथ ऐसी कोई चीज़ हो और आप सिर्फ अफोर्डेबिलिटी की बुनियाद पे उसका इलाज ना करा सकें सो इससे ज़्यादा तकलीफ़ की बात कोई नहीं हो सकती दिल खोल के एहतियात दें अपना बच्चा समझ के एहतियात दें बिल्कुल जी जाहिर सी बात है ये बड़ी मुश्किल सिचुएशन है एक तो सबसे पहले पेरेंट्स को काउंसिल करना उनको समझाना कि ये हो सकता है आ, फिर उनका इस बात पे हौसला बांधना कि ये ऑपरेशन कामयाब होगा इतने सारे ऑपरेशन हुए हैं इतने सारे बच्चे जो आज अल्लाह के फ़लोक करम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं आ, वो सब करना फिर उनके उस यकीन को उस उम्मीद को जो वो ले के उल्फत के पास पहुँचते हैं आ, कि जी हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा आ, और फिर वो ज़ाहिर सी बात है चैलेंज है आप सुन रहे हैं कि कोई ये इतना सस्ता इलाज नहीं है इट्स इट्स अ वेरी वेरी कॉस्टली प्रोसीजर और उन तमाम लोगों की उन उम्मीदों पे पूरा उतरना फिर उस बच्चे की ज़िंदगी में एक बाकायदा अपना किरदार अदा करना उसकी तालीम तरबियत तक तो ये मेरे ख़्याल से दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब और इस हवाले से मैं यही कहूँगा कि अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत कामयाब करे आप लोगों का बहुत साथ दे. हम बार बार एक ही बात कह रहे हैं जाहिर सी बात है हम जब भी इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं तो रेटिंग के लिए या और चीज़ों के लिए कि लोग हमारा शो देखें हम सेलेब्रिटीज़ को बुलाते हैं हमने कहा नहीं यार हम ये जो हमारे 25-30 मिनट हैं हम कोशिश ये करें कि हम ऐसे लोगों को यहाँ बुलाएं ऐसे लोगों से बात करें जिनसे लोगों को फ़ायदा हो तो यही रमज़ान का एक बहुत बड़ा मकसद है कि जी हम सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी सोचें एहसास ही इस पूरे रमजान की रूह है जी अगर आप अंडरस्टैंड करें तो थैंक यू सो मच मैम थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच ब्रेक है ब्रेक से वापस आते हैं कंटिन्यू करते हैं कहीं मत जाइएगा जी वालेकुम एक दफ़ा फिर आपको राय ने कि मैं खुश आमदेद कहता हूँ अनवर मकसूद साहब के आपने अल्फाज सुने अनवर साहब का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि वो किसी का स्क्रिप्ट ही नहीं बोलते उन्हें जो कहना होता है वो खुद ही कहते हैं अपनी मर्ज़ी से कहते हैं और जहाँ दिल चाहता है वहाँ पे वो कहते हैं और पिछले कुछ दिनों में अनवर साहब के बारे में एक बात मशहूर हुई थी वो बिल्कुल फ़ेक थी मैंने भी उनकी वीडियो शेयर की और मैंने दोस्तों से भी कहा कि वो वीडियो शेयर करें तो अनवर साहब ने जिस तरह के अल्फाज कहे जे के बारे में वाकई हम तो गवाही देते हैं इस बात की कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है पूरे पाकिस्तान में जे इस वक्त जिस तरह काम कर रहा है दिन रात जफ़र को हम जिस तरह से भागते दौड़ते देखते हैं दिन रात हम जिस तरह से इनकी बातें सुनते हैं वहीं पे जब अल्लाह ताला इतनी कामयाबी किसी इंसान को दे रहा होता है तो बहुत सारे माशाल्लाह से लोग होते हैं जिनकी कोशिश होती है कि यार ये इतना काम कैसे कर रहा है लोग इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं चलो इसकी थोड़ी सी टांग खींचते हैं तो वो वाला सिलसिला भी शुरू हो गया बीच में तो जफ़र भाई मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं अल्लामक खुश आमदेद माशा ऑलमोस्ट एटी प्रोजेक्ट्स आप लेके चल रहे हैं हम लेबोर्ट्री की बात करते हैं स्कूल्स की बात करते हैं घरों की बात करते हैं खाने पीने की बात करते हैं कुर्बानी के हवाले से बात करते हैं राशन के हवाले से बात करते हैं फिर आपने सिर्फ यही नहीं किया उसके अलावा पाकिस्तान भर में जो लोग महंगी चीज़ें बेच रहे हैं आप उनके भी ख़िलाफ़ एक पूरी मुहिम चला रहे हैं तो जाहिर सी बात है इतनी बड़ी माफिया से आपने पंगा लिया है तो यार असल माफिया का तो आपने नाम ही नहीं लिया ये जो लैब माफिया है जो हमारे खून के टेस्ट सत्रह सत्रह रुपए वाले साढ़े चार चार हजार के और चंद सौ रुपए वाले टेस्ट लाखों रुपए के करते हैं हमने उनके खिलाफ अमली इकदाम किया तो ये तो साल पहले हमने लोगों को फिर किया। आप, आप शिकायत क्या कर रहे हैं मैंने किसी से शिकायत की नहीं फिर मैंने किसी से शिकायत नहीं की आप देखें मैंने जब उन तंजीमों की आइडिया उनके लोगों को भेजी मैंने कहा आपकी तंजीम दुनिया जान से चंदा लेती है आपको क्या जरूरत पड़ गई कि अब आप माफिया से पैसा लेकर मेरे खिलाफ पेड़ कैंपेन चला रहे हैं वेरी ट्रू तो लोग शर्मिंदा हुए कल भी एक साहब मेरे ऑफिस आए उन्होंने कहा मैंने आपके खिलाफ एक झूठी वीडियो बनाई व्यूज़ के लिए और एक मुझे ये देखें दो कॉलें आई हैं पूरी रिकॉर्डिंग उन्होंने सुनाई जिसमें उनको अगला कह रहा है कि आप अपने अकाउंट समझ दें नंबर अकाउंट आईडी हम आपको प्रोपिकेट करेंगे आपको फिर पैसा लगाएंगे स्पॉन्सर लगाएंगे आपकी पोस्टों पे बस आप सिर्फ जे के खिलाफ दिन में चार वीडियो दो वीडियो झूठी बनाते रहें फिर हमने मैंने मैंने इससे पहले जितने लोग भी माफ़ी मांगने आए किसी की वीडियो डाली नहीं अगर किसी की डाली तो दो मिनट के अंदर डिलीट कर दी फिर मैंने उनकी वीडियो डाल के बोला कि मैंने कहा भाई ये सुन लो जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ ऐसा मुमकिन नहीं है कि मैं आप आपका एहतजाज ये हो गया तुमने सब फल वाले के पैसे फल माफिया के पैसे कम क्यों कराए भाई मैंने इसलिए कम कराए गरीब का बच्चा भी अवतार करे उसको सौ रुपए दर्जन वाला केला सौ रुपए दर्जन मिले क्यों खरीदेगा छः सौ रुपए दर्जन बिल्कुल और आपका एहतजाज ये कि जी वो सेठ ने तीस हजार वाली चीज़ डेढ़ लाख की और पाँच करोड़ की क्यों खरीदी तुम सेठ के वफ़ादार क्यों बन रहे हो इतना तुम्हें सेठ से इतनी मोहब्बत क्यों हो गई है क्योंकि तुम्हारे पीछे माफिया ने पैसा लगाया मैंने ये पूरा रमज़ान आप अगर नोट करें देखिए बाजारों में लोगों ने जाकर डायरेक्ट बोला है फल वालों से रेट लिस्ट दिखाओ नहीं हम तुमसे नहीं ले रहे रेट लिस्ट दिखाओ देखिए लोगों को अवेयर कर दिया लोगों के जहन खोल दिए यही शहर था ना जो हर बारिश में पोलों से चिपक के लोग मरते थे बिल्कुल क्या किया मैं सिर्फ रोड पर निकला मैंने बारिश से एक हफ्ते पहले अवेयर किया उस इदारे को कि अगर इस बारिश में कोई मरा तुम्हारे मालिकान की नाम से एफ होगी सत्ताईस एफ आई आरें कटवाईं अस्सी लोग जो मरे थे उनकी साढ़े छह लाख पोलों पर अर्थिंग हो गई अट्ठानवे अरब रुपए लगे उस इदारे के अब किसी भी माँ का इकलौता बेटा ऑफिस से आते हुए बारिश में पोल से चिपक के नहीं मर रहा हम नहीं देख रहे डिफेंस के तीन नौजवान बाइक समेत चिपके में पोल से हर दस मिनट बाद एक नौजवान कांपता हुआ उठता है बचाओ फिर गिरता है फिर दूसरा वाला उठता है जब जब करंट का भाव कम ज़्यादा होता है और दो घंटे बाद वो तीनों वहीं मर गए और एक ही बिल्डिंग में रहते थे तीनों फ्लोर में जाते हैं क्यों अब क्यों नहीं मर रहे क्योंकि हमने स्टैंड लिया लेकिन जब आप इन माफियाज के खिलाफ रोडों पर निकलते हैं तो हमने देखा इनफरादी लोगों को भी और तनजीमों को भी फंडिंग करती हैं फिर ये ऐसी तनजीमों को ढूंढते हैं जो इंतहा पसंद हो जो नफरत का बयानियाँ फैला सकती हों जो लिसानी सकती जो जो फैला सकती जो फरक़ा वारियत फैला सकती हों फिर ये गंदगी ढूंढते हैं कहते हैं कोई गंदगी तो मिले अब वो जब गंदगी ढूंढने निकले उन्होंने देखा कि सरजानी से लेकर लियारी ले तक हर चौक पे इसने फ्री डायलिसिस से से सेंटर खोल हाँ, दिया उन्होंने कहा सराब बोर्ड से लेकर मलिर काला बोर्ड तक लिया डाखाना गुलशन हर मरीज पे दस साल में साढ़े करोड़ रुपये खर्चा है हर एक दिन बाद मरीज को जिंदा रहने के लिए साढ़े सत्रह हजार रुपए का कर डायलिसिस करना है हर Very एक true. दिन बाद वेरी ट्रू क्या true. एक डायलिसिस करा सकता है कोई जिसके no. हम पंद्रह पंद्रह महीने के कर रहे हैं उन्होंने कहा इसमें वो खून का टेस्ट जिससे लैब माफिया खरबों रुपए कमा रही थी इसने दुनिया की लेटेस्ट तरीन मशीन है जो इस वक्त पाकिस्तान के किसी ना प्राइवेट अस्पताल में ना सरकारी अस्पताल में वो लागे नुमाइश चौरंगी पर लगा दी और कल एक और मशीन लगाई है इतनी बड़ी जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में किसी के पास नहीं उसका इफा हुआ है आ, गवर्नर साहब ने उसका इफा किया है और उसके बाद वहाँ पर जो साहब आए हुए थे अली शेखानी उन्होंने सौ मिलियन रुपये डोनेट भी किए उन्होंने कहा मैंने अमेरिका में ये मशीन नहीं देखी यार ये तुम क्या कर रहे हो अब बात सोचने वाली ये है मैंने क्या ऐलान किया मैंने कहा आपका इलाज आगा खान में हो रहा है आपका इलाज ढाओ में हो रहा है आपका इलाज लियाकत नेशनल में हो रहा है ओ एम आई में हो रहा है जिना सिविल अब्बासी कतर या कराची में मौजूद जो गली गली डिस्पेंसरियाँ होती हैं ना लाख डेढ़ लाख कोई भी डॉक्टर आपको जो खून का टेस्ट लिख के दे रहा है अगर वो खून का टेस्ट आपकी स्तार से बाहर है और इसलिए आप अपना इलाज नहीं शुरू कराओगे और बीमारी को यहीं रोक लोगे और समझ रहे हो बीमारी रुक गई बीमारी नहीं रुक गई अब मौत का सफर और स्पीड में शुरू हो जाएगा बीमारी तो अंदर पल रही है तुम जान इसलिए नहीं रहे तुम्हारे चालीस हजार रुपये नहीं है तुम्हारे आप डेढ़ लाख नहीं है तुम्हें ये पता ही नहीं है डेढ़ लाख वाला टेस्ट असल में शायद चंद सौ चंद हज़ार रुपये का है हमने क्या कहा हमने कहा जितने प्राइवेट सरकारी अस्पताल ओपीडीज है किसी ने भी टेस्ट आंख बंद करो कायदे के मजार पर उतरो सामने बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ है फ्री में खून के टेस्ट करा लो तुमसे ना अंदर कोई तुम्हारा नाम पूछेगा ना तुम्हारे बाप का नाम पूछेगा ना तुम्हारा मसलक पूछेगा ना तुम्हारा मजहब पूछेगा और अगर तुम पैसे वाले होकर यहाँ से करा रहे हो तो हमारे साथ ख्यान नहीं कर रहे अल्लाह के साथ कर रहे हो हाँ बिल्कुल आओ यार मैं पैंतीस पैतीस हजार खून के टेस्टों में घर जाके मालूमत नहीं करूंगा सीधा सीधा लिख दिया चैरिटी रहा है खून के टेस्ट फ्री है कराओ और ये भी चैलेंज है कि जहां इस मुल्क का सबसे अमीर आदमी टेस्ट कराता है उससे भी ऊपर की मशीन लगा दिए जाओ तो माफिया तो पागल होगी ना यार बाहर बैठा डॉक्टर बोल रहा है मैं पैंतीस साल से यहां डॉक्टर हूं कनेडा में मेरी एंपायर नहीं है इतनी बड़ी बड़ी ये मेरा दोस्त है इसने एक छोटी सी लैब खोली है आज इसकी पंद्रह बिल्डिंग है कैनेडा में इसकी सोलह बिल्डिंग है तो भाई इनको थोड़ी पता कि हमारे लोग इस माफिया की वजह से मर जाते हैं किसी के बच्चे को ब्लड कैंसर हो गया उससे पूछे तो कि तूने ने अस्सी लाख रुपए कहां से लाया तो कहेगा नहीं बेटे के मरने के बाद मैंने ग्यारह लाख उतारे जवान बेटा मेरा मरा मैंने वीडियो भी डाली है और सिक्सटी नाइन लाख का मकरूज हूँ खाली <laughs> तो वो बाप जिसकी कलौती है औलाद मर गई ब्लड कैंसर में जिसके टेस्ट ही लाख डेढ़ लाख के थे उसको अस्सी लाख का मकरूज करके मारोगे तो बात ही इस माफिया के खिलाफ जब आप निकलेंगे तो वो इंतहा पसंद तनजीमों को माफियाज यूँ करके पैसा देती हैं मैंने तो नाम बताए लोगों के जिनके मैंने सुने कि कोई एक साहब थे उनका नाम बताया मैंने कि ये मतलब मीडिया में ढूंढ रहे हैं लोगों को और कुछ लोगों ने और लगे हुए सब बयानियाँ चला रहे हैं मतलब हमारे साथ तो इतनी बड़ी जाती हुई कि हमने दो महीने पहले कुछ मीडिया के लोगों ने कैंपेन चलाई अच्छा तो कोई सॉरी मैं बात काट रहा हूँ केस वेस नहीं किया आपने हमें पीका का आर्डीनेंस मौजूद है छः साल तो शायद जमानत भी नहीं होगी लेकिन फिर उसके बाद इन्हीं कि माँ बाप बहन भाई अभी एक वीडियो में खाली बोला हल्का सा कि जिन्होंने हेट स्पीच की है ना जिन्होंने हमारे मरीज़ जो इलाज करा रहे हैं उनका मजाक उड़ाया वीडियोज़ में या उन वीडियोज़ को लगा के गाने बनाए लेकिन जब इन्होंने शुर्मुर्ख की कैंपेन शुरू की थी ना मैंने उस दिन एक बात बोली थी मैंने कहा शुर्मुर्ख सेठ एक अरब का खरीदे एक खरब का खरीदे किसी भी शख्स को प्रॉब्लम नहीं होगी एक छोटी सी मिसाल है मैंने इससे पहले बोले शायद आपके हो, आपके हाथ में घड़ी कितने की है, मतलब है।, अंदाजन है। मैं मुझे देखें मैं अपने लड़के से बोल रहा हूँ ये घड़ी लो ले जाके मार्केट में बेचो डेढ़ सौ रुपए की प्लास्टिक वाली घड़ी लो टाइम देखना है ना खाली हाँ वो घड़ी इनको ला के दो बाकी पैसे गरीबों में बांट दो कैसा लगा लगता है ना नहीं नहीं गुस्सा आ, आ, आ रहा है नहीं आता मतलब एक होता है ना कि यार ये क्या बात कर रहे क्यों जब वो शख्स जिसकी हैं और वो गरीबों को साल में एक दिन अच्छा खाना खिला रहे हैं और तुम तो उसकी माँ बहनों की तस्वीरें लगा के चला रहे हो कि ये है वो कुत्ता सेठ ये है वो जलील सेठ जिसने आज लोगों को अच्छा खाना खिलाया उस पर क्या गुजरती होगी सही बात अब समझ में आया क्यों फैलाया जा रहा था झूठा बयानिया मैं आपकी छोटी सी घड़ी अपनी मर्जी से लेके बोल रहा हूँ बेच दो सस्ती है ना हाँ। तो वो सेठ जिसके पास पहले पचपन हजार लोग नौकरी कर रहे हैं मुलाजिम उसकी ग्यारह फैक्ट्रियों में तो उसने एक दिन अच्छा खाना खिला दिया गरीबों को अपने लोगों को और कह के खिलाया कोई जकत खरात नहीं है तुमने उसकी तस्वीर लगा के कुत्ते बिल्ली लगा के चला रहे हो ये पिछले पच्चीस दिन से कर रहे हैं मेरे साथ तो फिर हमें बाद में समझ में आया पूरी कैंपेन चली है पूरी कैंपेन पैसा लगा है कल लोगों ने बैठ के मेरे ऑफिस में बोला वीडियो पेज पे मौजूद है कि हमें ये सुने ऑडियो रिकॉर्डिंग कॉल रिकॉर्डिंग सुने ये उनके नंबर हैं हमने आपके सामने रख दिया है हमें खुली ऑफर कर रहे हैं कि सिर्फ सुबह से शाम तक तो झूठी वीडियोस बनाओ कि फ्री डायलिसिस से सेंटर बंद करें माफिया ये परेशान है कि हम एक एक गुर्दे के मरीज़ अब समझे मैं एक डॉक्टर हूँ आप मेरे पास आए कोई मरीज़ लेकर आए मैंने देख लिया भाई इसको तो है कैंसर की पहली स्टेज मैंने उसको बोला भाई ये लें दवाइयाँ और ये टेस्ट करा लें वो तो टेस्ट कराने के उन्होंने जी टेस्ट आपके हो जाएंगे और रिपोर्ट आपको ये रिपोर्ट दो दिन बाद मिलेगी ये चार दिन बाद मिलेगी आठ दिन बाद मिलेगी अभी आप कुछ एडवांस देने दें पचास हज़ार वो अगला बोलेगा भाई सिर्फ मेरे टेस्ट किए बोलेंगे हाँ पचास हज़ार एडवांस है बाकी सत्तर हज़ार जब रिपोर्ट लेने आएंगे तब तो बोले पर्चा दीजिएगा वो लेगा चला जाए मुझे कैसे मालूम हुआ हमारे यहाँ जो मरीज आ रहे हैं चाहे किसी भी प्राइवेट अस्पताल से आ रहे हैं उसके ऊपर छः छह महीने पुरानी डेट लिखी हुई है कि भाई फरवरी दो का टेस्ट है तो वो जो इतनी सी बीमारी थी आज जब तुम तो मार्च 2024 में आओगे वो इतनी सी होगी अगर वो कैंसर पहली स्टेज पे तो आज कौन सी स्टेज पे होगा कम कम से दूसरी पे तो आ जाएगा तो मैटर सिर्फ इतना है हमने क्या किया हमने बोला हमारे लोग मर रहे हैं आप रहम कर नहीं रहे हो कोविड में आप सारी लैब खरबोपति बन चुके हो रहम नहीं आपको याद होगा मैंने कोविड में भी एक वीडियो बनाई थी मैंने कहा ये टेस्ट के पैसे जो तुम हजारों रुपए ले रहे हो आठ आठ दस हजार रुपए यार ये तीन सौ रुपए का टेस्ट है इतना जुल्म तो नहीं करो हाँ साढ़े छह हजार सात रुपए का याद है मैंने वीडियो बनाई थी पूरी मैंने कहा भाई इसमें करना क्या थूक के हिलाया रिपोर्ट आ गई यही तुम भी कर रहे हो पैसे किस चीज के ले रहे हो तो मैटर ये कि जब आप माफियाज के खिलाफ खड़े होंगे फिर ये उन सोशल वर्कर्स को ढूंढते हैं अब देखें हर दूसरा सोशल वर्कर कौन सा भाई तेरा क्या काम है जी वो मैंने छः रुपये किलो तरबूज़ खरीदा और लोगों को दे रहा हूँ दो रुपये किलो अच्छा कितना लिया है दस हज़ार किलो लिया है क्या नहीं तीन किलो लिया था उस तीन किलो पे तुम पूरी दुनिया से चंदा मांग रहे हो तुम सही हो और उस तीन किलो तरबूज दिखाने की वीडियो में तुम एक घंटे जेड सी हो गालियाँ पक रहे हो क्यों वो कॉन्टेंट नहीं बस सिर्फ गालियाँ पकड़े 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 जब अब जब हमने एफ के थ्रू कैंपेन शुरू किए हम सबका वो कर रहे हैं माफिया भी मांग रहे हैं आके लोगों के नाम बता रहे हैं कि मुझे तो फला आदमी ने बोला था मुझे तो फला ने बोला था अरे भाई से बोला था ना अब आप वहां साबित करना आप मैं तो इस बात परेशान हूं कि भाई आप कैसे पैसा कैसे खर्च कर सकते हो भाई ये घड़ी अपनी महंगी पहन के घूम रहे हैं तो भाई आज से फैसल कुरैशी साहब का मजाक उड़ाना पूरा पाकिस्तान शुरू कर दे आप भी पागल हो जाओगे मेरा पैसा मैं मेहनत कर रहा हूँ मैं मजदूरी कर रहा हूँ मैं पूरे दिन जागता हूँ पूरी रात जागता हूँ मेरी इतनी जिंदगी की स्ट्रगल है मैं घड़ी नहीं ले सकता तो वो आदमी जो साल में कमा रहा है दस अरब रुपये वो अगर एक दिन वो वह ना मेरा दीन कह रहा है यार तेरे बच्चे मंदी खाते हैं ऐलान कर कि परसों तू मंदी खिलाएगा जिस जिसने ज़िंदगी में नहीं खाया आ जाए यार मछली की मंदी अगर एक फैमिली के दस लोग जाके खाएं आपको पता होगा बाईस से चौबीस हज़ार का बिल बनता है बिल्कुल प्रॉन मंदी कितने का बनेगा इससे ज़्यादा बनेगा एक सेठ ने प्रॉन मंदी खिलाई उसके मालदीव में रेस्टोरेंट है दो दुबई में रेस्टोरेंट है दो अभी दो और खुलें दुबई में कराची में चार बड़े रेस्टोरेंट है और उसमें सबसे बड़ा रेस्टोरेंट भी उसका है उसकी तस्वीर लगा के और उसपे कार्टून बना के रहे और संजीदा तरीन लोग। लेकिन इसमें मसला क्या है है मसला, अगर देखो, है मसला मसला क्या है अगर मैं मैं बहुत सारे जब हमने साथ में कुछ ड्राइव्स की हैं जब मैं बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन से मिला जिनकी मैं शक्लें देख रहा था कि वो तुम्हारे आगे पीछे फिर रहे आपने आते हैं दो दो सौट क्यों काटता हूँ ताकि लोगों तक गोश्त पहुंच सके भाई सात लाख रुपए की पांच मन की गाय आ रही है आ? मैं सात लाख में सात बड़े ऊंट ले आता हूँ पंजाब से तोसा से क्यों गरीब का बच्चा जिसने पूरे साल घर में सुना कि बिरयानी सब्जी की होती है बिरयानी आलू की होती है उसकी माँ भी मैं एक किलो गोश्त के बजाय उस सात लाख में पांच पांच किलो गोश्त उनके घरों में बेचता हूँ तो उनके घर में भी हफ्ता दस दिन तक गोश्त की डिशें बनती है उनकी माँ बोलती है बेटा कोरमा गोश्त का भी होता है लेकिन बकरीद पे जेडीसी वालों ने गोश्त भेजा और हम क्या करते हैं जितनी एन जितने उलमा जितने हम सबकी गाड़ियाँ भर देते हैं ट्रक भर देते हैं ले जाओ बाटो जिस गली में बांटना हर घर में देना ये नहीं पूछना आपका मसला क्या है आपका मसला क्या है नो 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 सबको दो हमारी लाइन ये हमारा मसला है कि हम लोगों से उनकी जबान नहीं पूछते हमारा कसूर ये कि कोविड में हमने तीस पैंतीस पैंतीस हज़ार बुरे राशन रोजाना क्यों बांटा चार महीने दस दिन तक हमने सैलाब में पाकिस्तान की सबसे बड़ी राशन ड्राइव क्यों की हम चाहते हम भी खेमे लगाते बारह और एक बहुत बड़ा बोर्ड लगाते अपने दायरे का किसी बड़े अफसर को बुलाते रिबिन कटवाते एक रिबिन नहीं कटवाया सैलाब में सबसे बड़े और तो तो भी बहुत मैटर थे मैटर ये होता है आप ट्रक भेज रहे तो, तो अच्छा, अच्छा, र... रुक रहे ना एक प्रॉब्लम यह भी है अगर हम भी नहीं भेज रहे होते हमारे ट्रक हम सब लेकिन मैटर से इतना अगर आप काम करेंगे और माफियाज के खिलाफ और आपसे इतना लोगों को मरने नहीं दूंगा अब हमने ओ लेवल स्कूल बना दिया फ्री में अभी यार आपने अगर इस एड में नोट किया और टीचर बोर्ड पे उंगली से यूं करके हिला रही थी तो अल्फ़ाबेट हिल रहे थे इंटरेक्टिव बोर्ड साढ़े तीन तीन लाख रुपए का सिर्फ वो बोर्ड है जिसपे टीचर लिखती है हर बच्चे का जाति लैपटॉप है हर बच्चे का सब्जी वाले का बेटा है पढ़ा कौन रहा है बीकन हाउस की टीचर वेल्डर का बेटा है पढ़ा कौन रहा है बीकन हाउस की प्रिंसिपल छोटे स्कूल का नाम तो नहीं ले रहा नहीं म्यूजिक टीचर बीकन हाउस स्विमिंग इंस्ट्रक्टर फाइव स्टार होटल का कि मैं तमाम बैंकों के मालिक जो बच्चे हैं उनके बच्चे छोटे उनको स्विमिंग कराता हूँ एक वक्त में सोलह बच्चे उतरेंगे तो कह रहे हैं तुमने स्विमिंग पूल जिमनेजियम एक्टिविटी रूम आर्ट रूम ये बच्चों के लिए जो कुर्सियाँ हैं तीस तीस हज़ार की इम्पोर्टेड क्यों मंगवाएँ गरीब का बच्चा है इसको बगैर खिड़की वाले कमरे में पढ़ना चाहिए था ये एक कैमरा मैन का बच्चा है ये एक क्लर्क का बच्चा है ये एक छोटे से बैंकर का बच्चा है तुम इसको वो इज्जत क्यों दे रहे हो जो किसी सेट को मिलती है तो भाई ये कसूर है क्यों बनाया तूने पाकिस्तान में पहला स्कूल ऐसा आप स्कूल तो देखें आके हम तो चैलेंज कर रहे हैं ना कि हमने तो देखें हमने तो लोगों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान वो बना दिया है अभी आखिरी स्टेज पे कि पचास साल कब्र गायब नहीं होगी कुत्ता बिल्ली कब्रों पर नहीं घूम रहे होंगे ग्यारह सड़कें हर ब्लॉक तक गाड़ी जाएगी मतलब आप निजाम चेक करें ना मुर्दे रखने के लिए जो हमने कोफिन मॉर्चरी बनाई है पूरी दुनिया में एक हज़ार मैयतों की मॉर्चरी नहीं है और हर मैयत का अलग बॉक्स है कोई ऐसा सीन नहीं है कि आपको मैं बोलूं मैं आऊं मेरा बाप मरिया मैयत वो बोले जाए अंदर जाए मैं अंदर जाऊं दरवाजा बंद कर दें देखें निकल ली अब मैं 300 सौ मैतें ज़मीन पर रखी अकेला खड़ा हूं और तीन सौ मईतों का कफन उठा के देखूंगा अब्बा कौन से पहली उठाई एक्सीडेंटल बॉडी दूसरी उठाई किसी की सड़ गई थी बॉडी चार दिन पुरानी मिली है पांचवीं उठाई किसी बच्चे की बॉडी सातवां कफन उठाया किसी जली हुई लेडी की बॉडी तो आठवें के बाद में अपने प्यारे की बॉडी देखूंगा और रख दूंगा लेकिन दिमाग बंद है नहीं पहचान पाऊंगा बाहर आगे चीखूंगा मेरी बॉडी किसको दे दी भाई हमने क्या किया हमने बैक्टीरिया लेस एसेस से एक हजार मैतों का मुर्दा खाना दुनिया का सबसे बड़ा फव्वारे तक लगा दिए हैं कि अगर तुम्हारी बेटी अमेरिका से आ रही है ना तो वो डरेगी नहीं वो आएगी सिक्सटी वन नंबर बॉक्स खोलेगी वहीं जैसे ही बॉक्स खोलेगी मरूम के सर के ऊपर लाइट जल जाएगी जा बात की माफ़ी मांगी जो कुछ हुआ सैय नमाज जनाजा तो पहले फैमिली ने देखा मैयत बाहर निकालनी है हाइड्रोलिक स्ट्रेचर है बटन दबाया तीसरे फिट पर आ गई निकाला अगर दूसरी मंजिल में मैयत जानी है शीशे की लिफ्टें लगा दिए गसल जब आपकी बॉडी को हो रहा होगा तो सौ लोग खड़े नहीं देख रहे होंगे जिसकी भी वेटिंग में मैयत है सही है भाई जोर की नमाज के बाद पच्चीस मरूम इनकी एक साथ है गसल होना है चार गसल खाना बना दिए अलग अलग जिसकी बॉडी को गसल हो रहा है उसकी फैमिली के दो लोग और एक बंदा अंदर होगा बाकी कोई नहीं होगा ये निज़ाम बनाया है फ्री मैयत रखना फ्री गसल फ्री कफ़न फ्री मैय बस हीनो कंपनी की तीन तीन चार चार करोड़ की उसका नाम क्या प्रिंट करवाया है फ्री मैय बस सौराब ग सरजानी से टावर तक बसें चल रही हैं फ्री ट्रांसपोर्ट सौराब गोड से कैदाबाद तक चल रही हैं फ्री ट्रांसपोर्ट क्यों भाई जो औरंगी टाउन से या किसी सरजानी से किसी ऑफिस जा रहा है अगर अस्सी अस्सी रुपये करके वो दो एक सौ साठ रुपये देगा जाने का और एक सौ साठ रुपये आने का नौ हज़ार ये हो गया तनख्वाह कितनी होती है पच्चीस हज़ार अच्छी तनख्वाह सिक्योरिटी गार्ड की तो बारह चौदह हज़ार होती है तो अगर नौ हजार दे देगा तो तीन हजार में महीना आप मैं कोई गुजार सकता है नहीं कोई नहीं कोई तो जुल्म की जिंदगी जीने जब आप जुल्म के खिलाफ खड़े हो तो ये सब माफिया कह रहे हैं हम तुम्हें मजाक बना देंगे पहली कैंपेन जब इन्होंने शुरू की थी ना छोटा सा ब्रेक लेते हैं वापस आते हैं जी असला जफरबाज साहब हमारे साथ यहां मौजूद हैं जब ऑबली जफ़र साहब से बात हो रही होती है तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं और आज के ज़माने में हम पूरे पाकिस्तान में जब बात करते हैं या तो हम उसकी बात करें ना जिसको हमने देखा ना हो काम करते हुए आए दिन देखते हैं चाहे वो राशन ड्राइव हो सैलाब के दिनों में भी जितना काम किया या आज पूरे पाकिस्तान में जो जो सिस्टम मौजूद है आप लोगों को यकीन नहीं है मैं आवाम से ये रिक्वेस्ट करूँगा मैं आपसे ये कहूँगा आप, आप सिर्फ़ वीडियो पे ध्यान मत दें कि लोग क्या बात कर रहे हैं या मीम्स क्या बन रही हैं या चीज़ें क्या हो रही हैं खुद निकलें जी के जो मकाम हैं चाहे वो लेबॉट्रीज हैं चाहे वो स्कूल हैं चाहे वो जो भी इनके इदारे हैं वहाँ पे आप जाइए अपनी आँखों से जाके देखें खामोशी से जाएं, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ऐसे डिस्गज़ होकर जाएं कि आप अपने काम के लिए गए और जाकर खुद जासूसी करें ये भी जफर भाई का चैलेंज है कि खुद जासूसी करें और खुद देखे जाके कि माँ क्या हो रहा बहुत दफा तो आ, है बहुत दफ़ा तो होता है ना अरेंजमेंट कर ली जाती है है भी देखें हमार तो हमसे डायरेक्ट ना आप देखें आवाम अभी जो जिन लोगों ने कैंपेने चलाई कमेंट्स में तो देखते हैं लोग इनकी माँ बहनों को गालियाँ कैसे दे रहे थे कोई लिख रहा है मेरे बाप का आखिरी डेढ़ साल इनकी मशीनों पर डायलिसिस हुआ है भाई हमारा घर बिक गया हमारी गाड़ी बिक गई। में लोगों की जायदादें बिक जाती है ना अब वो लोग लिख रहे हैं ना नीचे कि हमारा घर बिक गया हमारी गाड़ी बिक गई हमारा सब कुछ बिकने के बाद हमें पता चला कि यार जे का सरजानी टाउन में डायलिसिस सेंटर था हम क्यों नहीं पहुँच पाए जे का फाइव स्टार चौरंगी पे अच्छा सब सेंटर चौरंगियों में बनाए मैंने जे डी सी का डाखाने पर सराफा बाजार के बराबर में डायलिसिस सेंटर था मेन रोड पे जे डी सी का कालाबोर्ड पर डायलिसिस सेंटर है जे डी सी का लियारी में डायलिसिस सेंटर है जे डी सी का सुलझा बाजार में अल्नूर मजेदार हलीम के बराबर में हम यहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाए अच्छा फिर भाई अगर एक दिन में पैंतीस हज़ार खून के टेस्ट फ्री हो रहे हैं तो वो कम से कम भी तीन चार हज़ार मरीजों के होंगे जी वो मरीज़ हर आबादी से पाँच पाँच दस दस होंगे आवाम साथ है लोगों ने देख लिया ये एक तंजीम थी एक तंजीम वो तंजीम जो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करती है लोगों को रुला रहे हैं बड़ा दर्द है सारी दुनिया का उनके ऑफिशल्स ने चलाई कैंपेन अब मैं मैंने फिर बोली अभी बात कुछ जगहों पर भाई मैं आपका कोई फंड अपनी तरफ नहीं लेता मैंने हमेशा आप लोगों की तारीफ़ें की हैं ये क्या है क्यों इंतहा पसंदी आपके अंदर इतनी कब आप लोग इससे बाहर निकलोगे भाई ये मुल्क नहीं झेल सकता अब इंतहा पसंदी वेरी ट्रू लेकिन बात वही वाली बात है कि मैं किसी के जहन से नफ़रत का बयान मैं नहीं ख़त्म कर सकता अगर कोई लोग ऐसे हैं माशरे में कभी कोई ठप्पा लगा देते हैं कभी सर कोई ठप्पा कोई नहीं है जिस दिन पहले दिन उन्होंने कैंपेन शुरू की थी ना कि जे डी सी ने शत्रुमरख खिला दिया मैं चुप रहा मैं देखता रहा पहले जब मैंने देखा कि ये तो एक पूरी तंजीम है यार तो और लोगों को गुमराह कर रही है फिर मैंने मुफ्ती नहीम साहब की आज से छः साल पहले की वीडियो लगाई जब वे डी सी के दस्तर खान पर आए थे जाम बनौ आलमिया के सरबरा सरबराह जोत मरूम उनकी मफरत फरमाए उन्होंने आगे बोला कि ज़फ़र अब्बास तुमने जो दस्तर खान कायद के मदार के सामने सजाया है सैरी के नाम पर और तुम अल्लाह की मखलूक को वो डिशें खिला रहे हो इस इन हालात में तो लोगों का दाल चावल मुश्किल है भाई खाना तुम शहरी में इनका पेट भर रहे हो दिन भर पेट भरे पेट से रोजा रखेंगे और तुम इनको शुदुरम्ल खिला रहे हो खुदा तुम्हें इसका अजर देगा और बस एक काम कर दो दस्तर खान को पूरे पाकिस्तान में फैला दो मुझे यकीन नहीं आ रहा के कराची के इन हालात में तमाम लोग यहाँ पर लसानी तासब और फिरक वारिया छोड़ के बैठे हैं और एक साथ अवतार कर रहे हैं ये वीडियो पेज पर लगी है देख लें उन्होंने उस वक्त ये बात बोली थी कि इंतहा पसंदों को मुल्क दुश्मनों को ये मोहब्बत पसंद कभी नहीं आई तो जब इन लोगों ने अभी साल पहली कैंपेन चलाई कि भाई शतुरम खिला दिया जे ने मैंने तीन दिन देखा जब मैंने देखा तो तंजीम है तो मैंने एक वीडियो बनाई मैंने कहा मैंने तो नहीं खिलाया वो तो सेठ ने खिलाया तो ये नादान थे ये फ़ौरन इन्होंने फिर जेडीसी को छोड़ के सेठ के पीछे लगे नहीं तो ये इदारे के साथ डैमेज करने के लिए पूरा मुनज़म इन्होंने गेम सजाया था फिर इन्होंने इसमें जो लोग भी माशरे के बीमार जहनी मरीज उन सबको इन्वॉल्व किया पैसे दिए

उसमें भी हम एनडीएमए के थ्रू सामान भेजेंगे हम हर महाज पे काम कर रहे हैं लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है, वो कह रहे हैं खुल के क्यों कर रहे हो किसी एक जबान बोलने वाले की मदद करो एक बहुत बड़ा सा अस्पताल बनाओ उसमें सिर्फ एक कम्युनिटी का इलाज करो सीखो ऐसे काम होता है शहर में मैंने कहा नहीं मैं ईदी साहब की लाइन पर काम करूँगा मैं अदीबूल हसन की लाइन पर काम करूँगा आपको तो नहीं रोक रहा ना मैं आपको जिसके लिए करना है करो अल्लाह आपको इज्जत देगा यार और अच्छी बात है अगर कोई सिर्फ अपनी कम्युनिटी अपनी बरादरी के लिए काम कर रहा है इसका बहुत अजर है यार तुम्हारे घर की तुम्हारे खानदान तुम्हारे कबीले तुम्हारी बरादरी की कोई औरत भूख की वजह से घर से बाहर नहीं आएगी तुम घर बैठे उसको मसला कर रहे हो वो बच्चे जो तालीम नहीं हासिल कर पा रहे घर बैठे बराबरी उनका मसला करो तुम्हें इसका इतना अजर मिलेगा इंतया नहीं लेकिन इसके अगेंस्ट में तुम मेरे खिलाफ पैसा क्यों कम कर रहे हो खर्च कर रहे हो भाई ईदी साहब के पास अगर किसी की भी मैयत लाई गई क्या उन्होंने गसल नहीं दिया बिल्कुल क्या उन्होंने दफनाया नहीं बिल्कुल क्या किसी का भी एक्सीडेंट हुआ उनकी एम्बुलेंस आज भी नहीं उठाती

ट्रांसप्लांट किया किसी हिंदू अभी, अभी, अभी भी हमारे पास कॉल है वालेकुम वकास बात कर रहा मैं कराची से जी वकास साहब जी मेरा सवाल यह है देखे अभी काफी बातें कर रहे हैं जफर भाई ठीक है तो उनकी वीडियोस वगैरह भी हम देखते रहते हैं आती रहती है हर मसाइल पे जैसा आजकल चित्रमुट भी बड़ा वायरल चला तो हर मसाइल पे आती रहती है बट मेरा सवाल अभी उनसे ये है कि इन्होंने इतना काम किया है तो उनको ये सारा डेटा पब्लिक करना चाहिए

कि ये डायलिसिस सेंटर्स हैं ये स्कूल्स हैं ये ओ है ये आई सिटी है अभी मैं क्या करूँ मैं क्या एक अरब रुपये का टी वी पर ऐड चलवाऊँ बोलूँ लाओ गज़ा के नाम पर मुझे पैसा दो उन पैसों से मैं एक अरब का ऐड चलवाऊँगा या मैं कोई और कह भाई अब अंदाज़ा लगाएं मैं एक हज़ार परसेंट जान सकता हूं कि ये कॉल क्या थी हुँ. और आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कॉल क्या थी भाई बात सिंपल सी है या मौजूद किसी आदमी को पकड़िए और पूछें कि कोविड में इस मुल्क में सबसे बड़ी राशन ड्राइव किसने की एक ही नाम मिलेगा आपको सैलाब में पूछे कौन था जो एक एक वक्त में एयरफोर्स के थ्रू पचास हजार बोरे पाकिस्तान एयरफोर्सी के थ्रू नेवी के थ्रू पाकिस्तान नेवी के थ्रू पच्चीस हजार बोरे सिंध रेंजर्स के थ्रू पचास हजार बोरे बो, मतलब उनका भी मकसद हो सकता है कि नेट, नेट पे आप अपना जेडीसी से बड़ा समाजी पेज पाकिस्तान और इंडिया में किसी का भी नहीं है समझिए वेरी ट्रू हम अगर एक वीडियो तेज आवाज में डाल देते हैं तो एक घंटे में एक लाख शेयर होती है व्यू नहीं तो बात यह कि आप समझे ना वो कितनी अच्छी प्यारी बातें कर रहे हैं शादी शादी के जे ने क्या काम किया आज तक हमने देखा ही नहीं आप फैलाएं काम मुझे जितना फैला दिया वो लोगों को हजम नहीं हो रहा है <laughs> <laughs> मजीद फैलाऊंगा <laughs> आप गालियों वाली कॉल करोगे <laughs> 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 तो भाई शराब आप देखे ना अभी बेचारे जो कोई भी होंगे वो मैं निकल रहा हूँ मुझे गुस्से में देख रहे होंगे नहीं <laughs> नहीं वो असल में शायद डेटा उन तक पहुँचा नहीं है मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ी सी खुद भी मेहनत करनी होती है हमें जब शको शुभात होते हैं किसी बात पे नहीं ना आप बात को समझिए देखें क्या पाकिस्तान की तारीख में किसी फलाई इधारे के खिलाफ पेड कैंपेने चली हैं हाँ या नहीं में बताएं नहीं आज तक नहीं चली ना, ना। आपके सामने मॉर्निंग शोज में बच्चे बेचे जा रहे हैं शादियाँ कराई जा रही हैं दुनिया का काम हो गया सी एन एन बीबीसी उछल गया या ये क्या काम हो रहा है मॉर्निंग शोज में किसी के खिलाफ कुछ नहीं चलता वो इदारा जो कह रहा है मैं लोगों की जिंदगी फ्री में आसान कर रहा हूँ बगैर जबान और मसलक पूछे उसके लिए फोन करके कह रहे हैं क्या आप पैसा खर्च करके थोड़ा काम खेलाएं दुनिया को दिखाएं तो, तो भाई मेरा काम दुनिया देख रही है देख रही है इसलिए तो तकलीफ हो रही है और सच्ची बात है कि ऐड चलाने की ज़रूरत नहीं है आ, उसकी वजह ही है कि ऐड पे ठीक ठाक पैसे लग जाते हैं सो अल्लाह का शुक्र है कि बग़ैर ऐड चलाए बगैर कुछ किए लोग अभी बल्कि कल एक ख़बर बड़ी गर्म थी हर तरफ के ऑलमोस्ट सौ मिलियन सौ मिलियन अली शेखानी साहब अली अमेरिका शेखानी साहब जो ज और सिर्फ अमेरिका से आए इसलिए लिए किन ने देा कि जे डी सी के खिलाफ माफियाज़ पैसा खर्च कर रही हैं तो उन्होंने अमेरिका से फ्लाइट ली आए दो दिन की सैरी उन्होंने कराई है और उन्होंने सौ मिलियन रुपये लैब के लिए दिए और जो हम कैंसर का औरतों का फ्री अस्पताल बना रहे हैं बनाने जा रहे हैं उसके लिए भी वो कह रहे हैं मैं अपनी वालदा के नाम से मेरी फाउंडेशन ने सपोर्ट करूँगा और बल्कि उस वक्त तनवीर साहब भी वहाँ आ गए थे अमेरिका से आए हैं उन्होंने सयालकोट वाला फ्री डायलिसिस सेंटर बनवाया है उन्होंने अभी एक बड़ी यूनिवर्सिटी को नौ मिलियन डॉलर दिए हैं उन्होंने कल रोजगार की बाइकें दी वहाँ खड़े होकर लोगों को ताकि अपने फैमिली पाँव पर खड़े अभी मैं यहाँ से सीधा औरंगी टाउन जाऊँगा वहाँ पर सौ खानदानों को अली शेखानी साहब जो है वो दे रहे हैं रोजगार ठेले दे रहे हैं ताकि दिन का बारह चौदह सौ डॉलर वो रुपए लोग कमाएँ तो ये सारा काम है हमारा तो हम तो रोडों पर काम कर रहे हैं और मैं उनका नंबर दे इनकी कॉल आई है मैं इनको देट्सअप किया करूँगा डेली वीडियो आप आपका नंबर दे दीजिएगा फैसल भाई ठीक है मुझे नाम दे दें ताकि ये एक रिप्रेजेंटेटिव है हमारे जो मुझे भी बहुत मैसेजेस करते हैं इनका ये, दे ये भी निकलेंगे। <laughs> इन्होंने सवाल किया, नहीं सही। इनकी कटे की, अच्छा नहीं इनका नंबर दें जरा ताकि डेली जो है वो, वो भेजते तस्वीरें डिस्क्रिप्शन वीडियो बगैर एडिट वाली शादी वाली मैं भेजता रहूंगा बिल्कुल बिल्कुल फिर इनका शिकायत दूर हो जाएगी फिर शायद हो जाए हाँ फिर इनकी शिकायत उनको मिठाई भेज दूंगा ईद पे कि नाराजगी खत्म करें अल्लाह तुझे खुश रखे अल्लाह कामयाब करे थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच हम ब्रेक पे जा रहे हैं ब्रेक से वापस आते हैं अल्लाम दीन और दुनिया और मज़ेदार रफ्तार एक साथ शुरू कर रहे हैं डॉक्टर नुजा साहबा हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम आज हमने बात करनी है वेस्ट के ऊपर आज थर्टीथ मार्च है और आज इंटरनेशनल वेस्ट डे है ठीक है सलाम कर लें वालेकुम जी और हम आज एक नए एपिसोड और पुरानी सोच के साथ कुछ नया नहीं है लेकिन ये नया साल है क्योंकि पिछले ये जो लास्ट ईयर ट्वेंटी में इट वॉज सेलिब्रेटेड फर्स्ट इंटरनेशनली और वेस्ट डे तीस मार्च का जी जी साथ में ये देखें काम भी शुरू हो गए हैं <laughs> क्या ये दुनिया भर में अगर मैं वेस्ट के हवाले से बात करता हूँ तो लोग तो बहुत सारा पैसा कमाते हैं उस पर जी ग्लोबली अगर आप देखें तो तकरीबन दो बिलियन से ज़्यादा का वेस्ट सॉलिड वेस्ट जनरेट किया जाता है और कहते हैं कि दुनिया में जो सबसे बड़ा गोल्ड के बाद जो बिज़नेस है वो वेस्ट का बिज़नेस है और रिसाइकलिंग, रिप्रोड्यूसिंग री का इंटरनेशनली काफ़ी बड़ा बिजनेस है और पाकिस्तान में ये बिज़नेस जो है वो है और बहुत लोग इसके साथ जुड़े हैं लेकिन गवर्नमेंट इसके साथ बहुत कम जुड़ी है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन पैसा कमाने के लिए आ, हम अगर देखें कुछ छोटे छोटे से हमने क्लिप्स और चीज़ें बनाई हैं कि हमारे यहाँ तकरीबन कितना वेस्ट जनरेट होता है इसे शुरू की थोड़ी पहले वाली अगर आप ले लें फर्स्ट वाली से पहले वाली दिखाइए तो, आप, आप देखें तकरीबन ये तो उसकी बात है तीस मार्च सेकेंड इंटरनेशनल वेस्ट ज़ीरो वेस्ट डे है क्या आपको अपने ऐसे इनिशिएटिव लेने चाहिए जिसमें जो वेस्ट जनरेशन है वो मिनिमम हो हो सके अच्छा ये ग्लोबल एशिया का फिगर्स हैं और ये कहते हैं कि जो वेस्ट जनरेट होता है उसमें तकरीबन थर्टी परसेंट जो है वो फूड वेस्ट है और उसके बाद प्लास्टिक ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एशिया में जो फूड जो वेस्ट जनरेट हो रहा है वो तकरीबन थर्टी परसेंट है और उसके बाद प्लास्टिक जनरेट हो रहा है इसका मतलब है कि हम दो चीज़ों में बड़े फोकस्ड हैं एक खाने में और एक प्लास्टिक खाने में आज है बेल विद चिलीज अच्छा शिमला मिर्च के साथ अच्छा और इसमें जो खास बात है वो हम आज डालेंगे नॉर्खा चिकन क्यूब जो कि असली चिकन का मसा देता है वाह वाह बड़ा कुछ बन रहा है यानी के चिकन में चिकन हाँ। जी अरे तो, मेरे बेटे ने आना था वो आ ही नहीं रहा आप हाँ तो हम बात कर रहे थे कि इतना बड़ा वॉल्यूम है दो बिलियन के करीब एनुअली और कराची में बहुत कोई करेक्टेड फिगर नहीं है क्योंकि हमारे एट सोर्स कलेक्शन होता भी हो नहीं भी होता और बहुत सारी जगहों पे जो रिसाइकलर्स हैं इनफॉर्मल कम्युनिटी जो है वो एटसोर्स वो कलेक्ट कर लेते हैं तो जो हमारे नंबर्स हैं वो तकरीबन कोई सात हज़ार से लेके नौ हज़ार कोई कहते है, दस हज़ार तो अभी तक कराची की कोई एब्सलूट नंबर्स हम नहीं कह सकते कि जी ये जनरेशन है डिफरेंट स्टडीज़ जो हैं लेकिन हर आदमी तीन हज़ार के तीस सिक्स थाउजेंड के करीब कैलकुलेट करता है कहीं मैं आज देख रही थी लिटरेचर तो वो कहते हैं कि कोई टन पर कराची में एक हजार टन तीन करोड़ की आबादी है वो पेपर में नहीं है तीन की करोड़ बात कहते हैं कि दो करोड़ की आबादी जो है वो तो, तो पौने दो करोड़ कह रहे थे दो पब्लिश डेटा हम जब बात करते हैं तो किसी पब्लिश डेटा की बात करते हैं वो कहते हैं कि कोई

थोड़ी सी अगर आप एक दफ़ा स्लाइड सिखा दें जो स्लाइड दिखाइए दिखा दिखा फैसल भाई काम तो पे लगे हैं दिखाई नज़र आएगा कि हमारा ये तो हम बता रहे थे कि को कोई आठ तीन से आठ बिलियन अराउंड है वही लगे रहते स्लाइड्स तो आठ बिलियन के करीब है और कराची का तकरीबन कोई बीस बिलियन देखिए ना बीस मिलियन के करीब लोग हैं और वो कोई सोलह कोई कहता है कि जी नौ है कोई सोलह की बात करता है तो ये वेस्ट जनरेट होता है अच्छा इसमें ये कहते हैं जिम्मेदारी के साथ अब मुझे नहीं पता ये फोर्टी परसेंट कितना करेक्ट है कि फोर्टी परसेंट जो है वो मैनेज हो रहा है और सिक्सटी परसेंट जो है वो मैनेजमेंट से बाहर है वाह अब इंटरेस्टिंग बात यह कि क्या ये फोर्टी परसेंट कौन मैनेज कर रहा है ये हो रहा है देखिए इस वक्त काफ़ी एक्टिवली सिंध गवर्नमेंट जो है वो कचरा उठा रही है चीज़ें कर रही है जो लैंडफिल्ड साइट्स हैं जो कि अन साइंटिफिक लैंडफिल्ड साइज हैं इंजीनियर्ड नहीं है वहाँ तक जा रही हैं और जाम छापड़ों में कुछ जा रही हैं कुछ दूसरी जगहों पे हैं जहाँ वो जाती हैं वो ऑल ऑफ ओवर सडन ढेर सारी कम्यूनिटी के आसपास जमा हो जाती हैं और उसमें से अपने वैल्यूबल रिसोर्स को निकालते हैं और उनका लिविंग वहाँ शुरू हो जाता है तो मेरा हमेशा ये सवाल रहा है हम कोई बीस पच्चीस सालों से वेस्ट के साथ काम कर रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि जी गवर्नमेंट इससे क्यों नहीं फ़ायदा उठा रही है और एक चीज़ जो सबसे इंटरेस्टिंग इस वक्त इन रमज़ानों में है और जो हम रिपीटेडली बात पी टी ए से फ़ायदा उठा रही है पीटीए से भी उठाए इसमें भी तो पैसा है ना इसमें क्या कम पैसा इसमें कम पैसा नहीं है भाई मैं बता तो रहा हूं। और आप ये कहते हैं कि जी सेग्रीगेशन नहीं हो रहा तो ये जो कचरा बीनने वाले लड़के हैं ये क्या कर रहे हैं ये सेग्रीगेट कर रहे हैं ना आप देखें कोई बंदा होगा जो कागज चुन रहा होगा कोई शीशा कोई पेपर कोई प्लास्टिक ये सारी चीजें में वो नहीं चाहते लोगों की रोटी रोजी लगी हुई है उनको फॉर्मलाइज कर दें उनको और बेनिफिट दे दें जो इनफॉर्मल है उसमें उनको कम पैसे मिल रहे हैं वो माफ़िया के हाथों में काम कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट उन्हीं को लेके और इसको फॉर्मलाइज कर दे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा एक चीज़ क्योंकि अभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे कुछ स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट की बात करेंगे कोई हॉस्पिटल वेस्ट की इस दफ़ा जो हम बात करना चाहते हैं कि इसमें जो वेस्ट है दुनिया क्या इनिशियटिव ले रही है जो आज का दिन भी है ज़ीरो वेस्ट ज़ीरो वेस्ट का मतलब यह है कि जो आपके इनिशियटिव हैं चाहे वो आपका घर हो आपकी इंडस्ट्री हो या आपकी गवर्नमेंट सेक्टर हो या आपके एजुकेशन सेक्टर हो हर एक को जो प्रीच करनी है वो ज़ीरो वेस्ट या ज़ीरो वेस्ट की होनी चाहिए कि आपका जो ऐसे प्रोसीजर्स होने चाहिए कि वो ज़ीरो वेस्ट की बात करें और ट्वेंटी थर्टी तक हमें ये डिसाइड करना है हमें ये हमें वो इनिशिएटिव लेना है जो हम नेट ज़ीरो पे आ जाए अब वो नेट ज़ीरो के क्या इनिशिएटिव है हम किसी और प्रोग्राम में और क्या इनिशिएटिव हो सकते हैं दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और आप जब घर का इतना फूड वेस्ट की बात करते हैं हमने रिपीटेडली कहा है कि जो आपके घर का जो वेस्ट होता है जो वैल्यूबल फूड है वो किसी को दे दें किसी का पेट भर जाएगा उसका जो वेस्ट है उसके साथ आप खाद बना लीजिए मैं आपको एक बात बताऊं मैं उस दिन एक जगह चला गया मैं नाम नहीं ले सकता मैंने लोगों को खाना <coughs> निकालते हुए देखा है और मैंने टेबल पर देखा है कि वो चार लोग कोई नहीं भी नहीं थी आई एम नॉट लाइंग कोई बीस लोगों का खाना रख के बैठे हैं तो मैं ये देख रहा था कि इतनी हिर्स किस चीज़ की है भाई बिल तो उतना तो तो ही है हाँ। जितना आप इतना खाएँ इतना ले लें जब आप इतना ले लेते हैं तो खाया तो नहीं जा रहा वो वो किसी के हिस्से में भी नहीं आ रहा और वहाँ लिखा हुआ है जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं डोंट वेस्ट फूड डोंट वेस्ट फूड लोगों को कोई असर नहीं है मुझे वो जर्मनी वाला याद आता है हमारे कुछ तीन चार पाकिस्तानी थे उन्होंने जाके ऑर्डर किया वो खातून देख रही थी जिन्होंने इतना ऑर्डर किया वो खाना खा के बिल दे के बाहर निकले तो पुलिस वालों ने पकड़ लिया उनको <laughs> तो उसने कहा भाई क्या हो गया बिल तो हम दे गया उसने कहा ये बात नहीं है तुम लोगों ने खाना वेस्ट किया है लुक एट दैट तो वहाँ पे बायदा पुलिस ने आके अरेस्ट किया है <laughs> कि आप इतना खाना वेस्ट क्यों कर रहे हैं हमने बात की थी कि जो हम खाना वेस्ट करते हैं उसमें सिर्फ खाना नहीं है उसमें बिजली पानी रिसोर्सेज वो भी तो वेस्ट कर रहे हैं ना और ये हम बात कर चुके हैं जो आप वेस्ट की बात करते हैं मैं सारे अपने रेस्टोरेंट्स वालों से ये हम्बली रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो ये बाहर ये शुरू हुआ है वो क्या करते हैं बुफे है आप जो मर्ज़ी खाएँ जो आप बचाएंगे उसका वो वे करेंगे और उसको यू हैव टू पे फॉर दैट अच्छा आपका बुफेट अगर एक्स अमाउंट ऑफ मनी है तो आप पे करिए लेकिन जो आपके प्लेट में बचेगा उसका वे किया जाएगा और उसको यू हैव टू पे अच्छा कुछ रेस्टोरेंट में ये है कि वो आप जितना खाना निकालते हैं वो वेट के हिसाब से आपसे बिल लेते हैं

उसमें मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड करी थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करी हाफ अ टी स्पून मैंने इसमें ब्राउन शुगर ऐड करी थोड़ा सा कैरमलाइज के लिए फिर चिकन को मैंने स्टेव फ्राई कर लिया जब किचन गल गया उसमें मैंने सॉल्ट डाला ब्लैक पेपर ऐड किया थोड़ा सा सोया सॉस थोड़ा सा चिली सॉस ऐड किया और बस फिर मैंने इसको बना लिया थोड़े से बेल पेपर्स के साथ हरा धनिया अगर पार्सले है तो पार्सले डाल दीजिए वरना हरा धनिया यूज़ कर लें और साथ में कुछ कैप्सिकम्स करके मैंने इसको अपना सिजलिंग प्लेटर पर सर्व कर लिया वाइट राइस के साथ थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच छोटा सा ब्रेक ब्रेक। वालेकुम महकती कलिया के साथ मैं आपकी खदत में हाजिर हूं और प्यारे 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 ढेर सारे बच्चे यहाँ मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम क्या नाम है आपका खतीजा और आपका क्या नाम है

सुनाइए नहीं माइक ले ले आयत सुनाए आयत सुनाए इनना तायना कल गाव सर फसल ले रे रब्बे का मन हरे शानिया का वल अबतर सदकल्लाउल सदकल्ला। अजीम सदकल्लाउल अजीम भाई को दें आपका क्या नाम है सैयद इबाद अली जी सैयद इबाद अली जी भाई आप क्या सुना रहे हैं <coughs> मैं सूरह की तिलावत जी اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين انعمت عليهم लावत है आपकी अलग आपका नाम सैदी मोहम्मद okay, कि, किस बात की परेशानी है भाई हैेशानी है फिर कुछ नहीं क्या सुना रहे हैं आप हम सूरत सुनाइए अलम तर के फ़ाल रबू का फ़ी अलम यजल के तुम फ़ी तसी वसलाम तुम अबाबी तरमी हिम भी जारत मिनसिची फ़जा अलम का माकूल सुबह अल्लाह सुबह अल्लाह सुबह अल्लाह ये माइक बहन को दीजिए यहाँ पे आप आप कुछ सवाल लेकर आई हैं आज हाँ, वो तो आपको बाद में बताऊंगी आप फैसल भाई कल परसों मैं मैं आपका डायलॉग भूल गई थी नहीं मैं डायलॉग भूल गई थी ना बेटा मैं की भू, भूली थी क्यों भूल गई थी क्योंकि वो तो आपका डायलॉग था तो तो आज मैं आपको सही से करके दिखाऊंगी हां चलो सही से करके दिखा दो एहसान करना मुझ पे ये गोली मोली मेरे यहां मरना दिल पे नहाते रहता है आखिरी बार बता दे तो हमसे मोहब्बत करते अल्लाह <laughs> सद के जाऊँ मैं आपके क्या बात है अच्छा तो भाई आप कल पर से बोल लेते ना कि मेरी मम्मा बताती मुझे सवाल नहीं मेरी मम्मा नहीं बताती वो मैं खुद जोड़ जोड़ के बनाती हूँ खुद जोड़ जोड़ के बना लेती हूँ आप जैसे कि आप मुझे कोई सा भी बर्थडे पेंसिल कॉपी कुछ भी दे तो उसका वर्ड बना दिखाऊंगी क्या दूँ कोई सा भी वर्ड दे अच्छा कोई सा भी वर्ड दें कौन सा वर्ड दें वो उसका वर्ड बना के बताइए हमें पूरा जुमला बना के बताइए टेबल बोल दे हैं टेबल टेबल वो कौन सा टेबल है जिसमें हम लोग खाना नहीं खाते टेबल वो कौन सा टेबल वो जो टेबल होते हैं हैं टेबल टू का टेबल हैं टू का टेबल टू का टेबल टेबल हम खाना नहीं खाते ना। वालेकुम आपका क्या नाम है ईशा ईशा आप क्या सुना रही हैं? मैं रोजा रंगने की नियत सुनाऊंगी। रमजान ए अल्लाह की की क्या बात है प्यारी, आपने कोठी पहनी हुई हैं माइक में बताएं मामा ने दिलाई मामा ने दिलाई आपने पसंद नहीं की थी तो आपने पसंद की थी तो मामा ने दिलाई है ना कि आपको अच्छी लगी थी हाँ। कहाँ से ली मैं मैं भी, भी पहनू ऐसी मैं पहनूंगा अच्छा लगूंगा ना ऐसा तो भाई आ, आप कोई लड़की नहीं है जो आप ये ये पहनेंगे मैं जरा इसको मर्दाना करके पहन लूंगा ना मर्दाना करके नहीं ये तो छोटा है हाँ, आ, ये छोटा है कपड़े तो आपको पसंद आएंगे हाँ आप क्या सुना रही हैं मैं याद किया था इमाइ खुल जाएगा बेटा हाँ क्या सुना रही हैं चलो याद आ जाएगा थोड़ी देर में है याद आ जाए तो बता देना ठीक है बहन को दें भाई अस्सलाम आपका क्या नाम है क्या सुना रही हैं आप अरे माशाल्लाह सुनाइए

अच्छा, अच्छा सा लेके आऊंगी अच्छा सा लेके आऊंगी सही है माशाल्लाह। याद आया? क्या सुनाना है लेकिन मैं अपने पसंद का लेके आऊंगी अच्छा और हैप्पी डोनट्स की तरफ से बहुत सारे ये हमारे पास डोनट्स हैं। ये आज आप लोगों के साथ जाएंगे ये आप लोग घर जाइए जाके ये डोनट्स खाइए मजे मजे के हैं खाइए आप लोग आप लोगों की उम्र है भाई आप लोगों की उम्र है आप लोग, लोग डोनट्स खाइए हम तो सिर्फ देख ही सकते हैं सही कह रहा हूं मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूं ये लीजिए आज कल आप ये बोले कि डॉलर अवतार की बात खाएगा हाँ तो तुम लोग तो कुछ छोटे हो ना जिनका रोजा नहीं होगा वो तो अवतार से पहले खा सकते हैं मेरा रोजा है हैं मेरा रोजा है तुम अभी तो यहाँ पे खाना खा रही थी यहाँ पे खड़े हो गए यहाँ पे हाँ नहीं गए मैं जी हैप्पी डोनर्स की तरफ से पता है मुझे यकीन नहीं आ रहा यकीन नहीं आ रहा नहीं जी। हाँ जी और मौलम टैब है जी हमारे पास बच्चों की दीनी और अखलाक तरबियत के लिए ये एक बेहतरीन डिवाइस है जो बच्चों को हर रोज़ जाती है और इसमें बहुत कुछ है बच्चों के सीखने के लिए आप दोनों के लिए ये शेयर करना ठीक है ये शेयर करना दोनों आपस में इसमें बहुत सारी दुआएं दुआएँ नमाज पढ़ने का तरीका है बड़ा कुछ है इसके अंदर आप दोनों शेयर करेंगी लड़ेंगी तो नहीं आपस में हैं? लड़ेंगी तो नहीं नहीं आपस में ना, आप दोनों हमारा टैबलेट से घर पे टूटा-फूटा है। पड़ा। है। आपने तोड़ दिया होगा। मैंने तोड़ा, तोड़ा। ने किसने दोड़ा? मैं दोड़ा? रग रग के। अरे यार थोड़ी रखना था उसको भाई को बताऊंगी तुम ये रखने की चीज नहीं है जो तो हम लोग तोड़ रहे गुना मिलेगा उसको बोलो उसमें इतना अच्छी अच्छी चीजें और वैसे भी इस तरह की चीजों पे तो बिल्कुल भी ये तोड़ते थोड़ी हैं संभाल है। हाँ, तो, का, है? बाबा बाबा का नहीं है ये लोग खुद ही तो बाबा के पैसे का लाते हैं? ना चीजें बाबा लाते लेकिन टेबलेट तो टीवी वन से मिलता है ना यही होता है ना मुफ्त की चीज दे दी इनको कदर ही नहीं है भाई ने कभी अपना मोबाइल तोड़ा नहीं तो बस तो, एक बार तोड़ा हुआ है वो भी तोड़ा हुआ भाई लेकिन उसको चप्पल से पिटाई लगती है नहीं नहीं अपने टॉयज का ख्याल रखा करें <laughs> अपने टॉयज हाँ अपनी चीजों का ख्याल रखना रखा करेंगे याद आया क्या सुनाना था सुनाए ये हैप्पी डोनेट मिला तो याद आया और क्या सही तरह से याद आया माशाल्लाह कितनी अच्छी आवाज़ है आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ाया आपने थैंक यू आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ रहिए बस ब्रेक पे यूं जा रहा हूँ और यूं आ रहा हूं Assalamualaikum जी जेर जबर के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ मुकाबले की तरफ़ और उससे पहले हमने कल भी एक सवाल किया था डेल और एम एन पी की तरफ़ से हम रोज़ाना आपसे एक सवाल करते हैं जिसके जवाब में आप हमें अपने जवाब भेजते हैं उसकी कुरान अंदाजी सत्ताईस रोज़े को होगी और सत्ताईसवें को दो लैपटॉप जो है वो जीतेंगे कुरानंदाज़ी से कोई दो खुश नसीब कल हमने सवाल किया था कि कौन से पैगम्बे थे जो स्किन की यानी कि चमड़ी की बीमारी में मुबतला हुए थे हज़रत सलाम सही जवाब है और आज का जो सवाल है कि हज़रत इदरीसम कितनी ज़बानें समझ सकते थे हज़रत इद्री सलाम कितनी ज़बानें समझ सकते थे सही जवाब देने के लिए हमारे व्हाट्सएप पे और हमारे इंस्टा पे आप जल्दी जल्दी मैसेज शुरू कर दें जितने ज़्यादा मैसेज आएंगे उतने ज़्यादा आपको मौाक़ हासिल होंगे कुरानदाजी में शामिल होने के मेरे साथ आज भी यहाँ पर डॉक्टर वजात पलवानी साहब हैं सीनियर डिबेटर हैं विनर हैं बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स के आपको खुश आमदेद कहता हूँ दोस्त आपको सिलसिले का पता ही है जहर जबर में लेकिन आप लोगों को भी बता दूं आप लोग भी अब चूंकि आगे बढ़ चुके हैं क्वार्टर फाइनल शुरू हो चुका है तो आप लोगों को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है आ, मेरे साथ इस वक्त यहाँ पे ताहिर बुरेरो हैं कराची यूनिवर्सिटी से जौहर अब्बास हैं एफजी कॉलेज से और मोहम्मद नासिर हैं रशीद से आ, आप लोगों से पहले आ, हम कोई वीडियो दिखाएंगे ऑडियो सुनाएंगे उस हवाले से सवाल होंगे सवाल सुनने के बाद बज़र दबाना ठीक है ये मैं बता दूँ सवाल सुनने के बाद बजर दबाएंगे आप लोग पहले बज़र दबा दी मैं सवाल नहीं पूछूंगा जी पहले ऑडियो सुनाइए हैदर भाई आपने भी लोगों को कहा है सपोर्ट बहादराबाद तो मैं आपकी कॉल लूंगा इस वक्त क्या बात कर रहे हैं आप यार आपके मैंने देखे हैं मैसेजेस जी देखे हैं हैदर भाई घंटी बजा दी तुमने सवाल तो पूछने देते आवाज किसकी है ए फारूक सतार बिल्कुल सही जवाब किस से कॉल पे बात कर बी रिजवी बिल्कुल सही जवाब इस वीडियो में कुछ बहादुर कह रहे हैं क्या वाक्य हुआ कौन है बी टारगेट किलिंग क्यू एम के दो मरक़ बन गए थे पी आई बी और भाद्रवा जी खैर है अब तो हो गए सवाल फारूक सत्तार कराची में पी आई बी में रहते हैं पी आई बी का फुल फॉर्म कोई बताएगा किन के नाम पर यह कॉलोनी है पी आई बी अच्छा सवाल है जी एनी वन नो वन ठीक है जी पीर इलाही बख्श अब राउंड में सदर पाकिस्तान की सरकारी रिहाइशगाह को कौन ए, है C. सदर। बिल्कुल सही पाकिस्तान के मौजूदा सदर का नाम ए आसिफ अली इनसे पहले यानी बी आरिफ अलवी बिल्कुल सही जवाब आरिफ अलवी ए पाकिस्तान के ट्वेंटी थर्ड

फील गलत जवाब सूरह मुदसर रईसनाफिक बिल्कुल सही जवाब जी अगली ऑडियो या वीडियो ऑडियो वी, भाई सवाल सुन के बजाना सवाल ज़ाया मत करवाएं जी चूहे आपके पेट में दौड़ रहे होंगे तो खाना बनाया नहीं बनाया और खाना तो बनाया चूँकि अब हम चले गए हैं ऑस्टेलिट की तरफ तो आप में से कोई अपना साहिब रसीद खाने का बिल भी आप ही दे, दे देंगे तो किसकी आवाज़ है सी शहबाज शरीफ जी वीडियो की तरफ जाएंगे चूहे आपके पेट में दौड़ रहे होंगे तो आ, आ, खाना बनाएंगे बनाया और खाना तो बनाया चूंकि अब हम चले गए हैं हॉस्टेलिटी की, की तरफ तो आप में से कोई अपना साहिब रसीद खाने का बिल भी आप ही दे, दे, दे देंगे तो वीडियो आप लोगों ने देखी इस वीडियो में बहुत सारी शख्सियात थी किसी एक का नाम बता दें ए अयाज सयाज सक इस वक्त C. इस वक्त आ, स्पीकर है मरियम शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का रिश्ता शहबाज शरीफ उनके चचू है मतलब चाचा चचा भतीजी बिल्कुल सही जवाब चचू अच्छा था प्यार में जरा जी नंबर के लिहाज से नंबर के लिहाज शहबाज शरीफ कौन से वे वजीर अजम है जी देखो अगर आप निगरान वजीरजम को शामिल करें तो फिर तो तैंतीसवें हैं अगर वैसे शामिल करें तो चौबीसवें नंबर बिल्कुल सही जवाब क्या बात है यार क्या बात है <coughs> बजर की तरफ एफ एस के बीच एडमिनिस्ट्रेटल ट्राइबल एरियाज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अक्टूबर सी ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान सही जवाब मुहावरा मुकम्मल कीजिए आसमान से गिरा सी आसमान से गिरा खजूर में अटका। सानिया पिशावर के बाद कौन सा बीस सानिया पिशावर के बाद कौन सा बिल अच्छा वो एक वो हुआ था नेशनल एक्शन प्लान बिल्कुल सही जवाब क्या बात है यार क्या बात है जी ताजमहल भारत के किस शहर में है सी आगरा बिल्कुल सही जवाब शाहजहां ने ताजमहल अपनी मुमताज के लिए बनाया था बिल्कुल सही शेर मुकम्मल कीजिए हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं उह, ना नाकर आसान है दीवारों पे भी लिखा होता है दीवारों पे लिखा होता है भाई ये तो बहुत आम है रक्षों पे लिखा होता है हालांकि चीजें लटक रही होती है लेकिन ट्रक वाले ने भी लिखा हुआ होता है हमको मिटा सके जमाने में दम नहीं हमसे जमाना है हमसे जमाना खुद है जमाने जमा, से हमने हमसे है जमाना पता नहीं क्या लिखा हुआ यहाँ है हमसे जमाना खुद है जमाने से हमने क्या सही हम है? है हमने। ही? ही तो हमसे है जमाना जमाने, जमाने, है जमाने हम है से है हमने जी सही वही तो मैंने कहा हमसे है जमाना जमाने से हमने इस मशहूर शेर के शायर का नाम बताइए ऑप्शन दे रहे हैं क्वार्टर फाइनल है क्वार्टर फाइनल है दे दो भाई कल कह रहे हैं ऑप्शन मैं दे देता हूँ दे दे। फैज अहमद फैज जिगर मुरादाबादी या हबीब जाने फैज़ अहमद जिगर मुरादाबादी जी मैं भी बड़ा पक्का हूँ पूरे एक्सप्रेशन देखे करता हूँ भी कहूँ कैसा बस आया जी <laughs> <laughs> तस्वीरें तो दिखाएंगे आपको जी तस्वीरें दिखाए पहले ए के लिए फिर बी के लिए फिर सी के लिए e. जी कौन है भाई ये सायम अयूब बिल्कुल सही जवाब क्या बात है हाय 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 जी अगली तस्वीर ये कहाँ की टोपी है गिलगित बिल्कुल सही जवाब जी मंटो क्या बात है यार साँगे साँगे। क्या, बात है, क्या बात है क्या बात है क्या बात है जी बी आपकी बारी है जमान। बिल्कुल सही जवाब अजरक। बिल्कुल सही जवाब कहाँ का कल्चर है कहा का कल्चर वाह वाह वाह। हाँ हाँ बिल्कुल सही, yes, सही जवाब क्या बात है तुम ना लेते ना नाम मुझे गुस्सा आ जाना था जी भैया आपकी बारी है हारिस। बिल्कुल सही बलोचिस्तान बलोच बिल्कुल सही बिल्कुल सही अशफाक अहमद बिल्कुल जी अशफाक oh, अहमद oh, साहब क्या बात है क्या बात है क्या बात है वेरी गुड आगे बढ़े जल्दी जल्दी सवाल करें हमारे पास आज वक्त कम है मुकाबला है क्या करें पचास सेकंड का रैपिड फायर है पहले ए के लिए फिर बी के लिए फिर सी के लिए जल्दी जल्दी करेंगे कोवेद की पार्लियामेंट का मखसूस नाम बताएं को पार्लियामेंट नेशनल असेंबली पहाड़ी चोटी केटू का दूसरा नाम बता दें पास गॉडविन गोडविन खुशबू की शायरा किसे कहा जाता है पास पाकिस्तान के कदीम तरीन मस्जिद कौन सी है मस्जिद मस्जिद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बानी नवाब सलीम खान का ताल्लुक किस शहर से था पास ढाका मुल्क क्यूबा कौन से बरअज में वाक है पास अमेरिका किस काफिर की मजम्मत में एक पूरी सूरह नाजिल हुई अबुलहब बिल्कुल सही अल जिन कुरान मजीद के कौन से पारे में उन्नीस में उनतीस में हाल ही में कायम होने वाली इमाम गजाली यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के किस शहर में कराची बिल्कुल सही कुरान मजीद में किस वाहिद साहफी का नाम आया है? पास। जैन बिन हारसा रजी पी एस एल आठ पेशावर जलमी के कप्तान कौन थे बाबर आजम बिल्कुल सही हो गया टाइम अच्छा हो गया हो गया जी आप तैयार हैं

Well जी टाइम ले रहे हो तुम लोग यार इस, ये अब तो देखो आगे जा रहे हैं टाइम लेना इतना बनता नहीं है जरा स्पीड पकड़नी पड़ेगी शारक्रम का पुराना नाम क्या है शार पाकिस्तान शारेशम की पार्लियामेंट का मखसूस नाम क्या है नेशनल दो हजार सात का टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप कहाँ खेला गया आ, अफ्रीका बिल्कुल सही जनूबी अफ्रीका दुनिया की पहली बकायदा खातून नर्स कौन थी फ्लोरेंस नाइटिंग बिल्कुल सही पी एच डी के मुकफ़ है डॉक्टर ऑफ़ बिल्कुल हज़रत के वालद का नाम क्या था बिल्कुल सही हज़रत बाबा फरीदगंज शक्कर का मजार कहाँ वाक्य uh, बिल्कुल सही तरतीब के अतबार से रबी कौन सा इस्लामी महीना है uh, तीसरा बिल्कुल अब्दुलसतारी का योम वफात बताए दो uh, हजार सोलह सही है अठारह जुलाई दो हजार सोलह पाकिस्तान के कौमी तराने का दौरानिया कितना है अस्सी सेकंड एक मिनट बीस सेकंड बिल्कुल सही बारिश के लिए कौन सी नमाज अदा की जाती है बिल्कुल सही पी एस एल नाइन मोहम्मद रिजवान किस टीम के कप्तान मुल्तान दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी किस मुल्क की है बिल्कुल सही अमन की अलामत कौन सा परिंदा है अच्छा हाँ सही है मैं भी इतनी स्पीड से पढ़ रहा होता हूँ यार वो जो सामने होता है ना फिर वही नजर आ रहा होता है बिल्कुल सही बोला तुमने और याद रखा है इसने यार कितना पक्का है ये दूसरा सवाल था हैं? दूसरा सवाल था, था। उड़धन की पार्लियामेंट का उड़धन की पार्लियामेंट उड़धन कौमी असेंबली बिल्कुल सही बिल्कुल सही अब स्कोर आ रहा है भाई लेकिन उससे पहले मैं बता दूं जो हमारे दूसरे रनर अप होंगे खाली स्विट्स का गिफ्ट हैम्पर उनके लिए जो पहले रनर अप होंगे खाली स्विट्स और हरबियन का गिफ्ट हैम्पर उनके साथ जाएगा और जो पहले हमारे आज के विनर हैं जिन्होंने क्वालिफ़ाई किया है सेमीफाइनल के लिए उसी डेवलपर्स की तरफ से उनके लिए गिफ्ट हैम्पर है और साथ में वाइल्ड वेंचर की तरफ से पंजनत भी है भाई पंजनत भी है आज तो आपके लिए जो विनर है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमें पता लग गया है कि कौन विनर है तो रिज़ल्ट आ रहा है और ये तमाम चीज़ें जी आ गया आ गया आ गया टीम ए नब्बे पे टीम बी सौ पे और टीम सी दो सौ चालीस पे क्या बात है यार वाटा वन वॉटर वन कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन जल्दी से मेरे दोस्तों ये पकड़ लो क्योंकि आज हमारी डिबेट का सिलसिला जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है खालिद स्वीट की तरफ से आपके लिए ये खालिद स्वीट और हरबन की जानब से ये बाहर आ जाए आप तुम बाहर आओ मैं तुम्हें बताता हूँ जी पंजनाथ और ओ सी डेवलपर्स की तरफ से ये दो तोहफे आपके साथ जाएंगे और सिर्फ यही नहीं बल्कि आज यही है आज, आज वो नहीं है आज है वाइल्ड वेंचर की तरफ से आपके लिए वाइल्ड वेंचर आज नहीं है आज नहीं है, आज नहीं है भाई आज नहीं है भाई वो अब फाइनल में जाएगा बाइकें वाइकें जीतनी है क्या इनको क्या समंदर में डाल दें क्या करें कितना पानी में डालें कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर सेमीफाइनल विश यू ऑल द बेस्ट यू प्लेड रियली वेल मैं जा रहा हूँ छोटी सी ब्रेक पे ब्रेक से वापस आते हैं हमारे साथ जुड़े रहिए जी आ, मुझे कुछ कहना है मैं आप सबको खुश आमदेद कहता हूँ आज बड़ा जबरदस्त मुकाबला होने वाला है आज आमने सामने दो लोग डिबेट में डिबेट वाह वाह दरअसल रूल्स एंड रेगुलेशन रूल्स एंड रेगुलेशन हम बता दें कि डिबेट में कोई मौजू नहीं होता उसमें करारदाद होती है और उस करारदाद के हक़ में दो लोग बात करते हैं और दो लोग मुखालफत में बात करते हैं और फिर उसमें एक बुनियादी असूल यह है कि डिबेट में ना कभी कुरान हदीस की कोई दलील पेश की जाएगी ना कोई इस्लामी दलाल पेश किए जाएंगे क्योंकि मुखालफत वाला फिर उसको रद्द नहीं कर पाएगा डिबेट में सबसे ज़्यादा अहमियत होती है रद्द दलील की और आपके दलाइल की इसमें अंदाजे बयाँ को इतना जज नहीं किया जाता जिस तरह डेक्लेमेशन में अंदाजे बयाँ होता अगर कोई सिंपल भी आके अपने चार दलाइल दे दे और दो रद्द दलील दे दे तो उसको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं सही तलफ के साथ ठीक है और आप तो माशाल्लाह से ये जो आज करारदाद है दो हजार चौदह में डॉक्टर साहब आप जीते हैं इसमें बिल्कुल ऐसे आमिर भाई के शो पे और आमिर भाई अल्लाह तला के रहमत करे जब पहला मुकाबला आमिर भाई ने किसी नेशनल टेलीविजन पर करवाया तो उसकी करारदाद भी यही करारदाद थी बिल्कुल और वो मुकाबला जो है वो चीज़ ने जीता जी तो करारदाद है हमें निसाब में इश्क का मजमून चाहिए, चाहिए। आए, हाए, 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 हाए। ये करारदाद बहुत लोगों की होगी वैसे लेकिन चले जी जी आ जाए आ जाएँ मेरे साथ हामी हैं जो कि जी सी यू पंजाब से हैं वो फेवर में हैं और आशिर ख़ान हैं लम्स जमशोरों से वो ऑपोजिट है साथ जी। इजाजत वाला, जेर बस करारदाद में तीन अल्फाज काबिल गौर हैं। पहला हम हम से मुराद पाकिस्तानी दूसरा निसाब निसाब से मुराद सीखने के अमल का खाका जनाबे वाला तीसरा लफ्ज है इश्क मतलब इंसानों की बाहमी मोहब्बत चौथा लफ्ज़ है चाहिए चाहिए से मुराद तलब की तरफ इशारा गोया मफूमे को लिए यह तय पाया कि जनाबे वाला पाकिस्तानियों को अपने सीखने के अमल में इंसानों की बाहमी मोहब्बत का सबक चाहिए जनाबे वाला चूँकि करार हकीकत के करीब तरह है सो मैं इसकी भरपूर मुफ्त करता हूँ जनाब वाला करार को अगर अगली लिहाज से परखा जाए तो जनाब वाला करार में मौजूद लफ्ज़ चाहिए मुतालबा है सो मुतालबा उसी चीज का किया जाता है जो बकदर जरूरत मौजूद ना हो सो जनाबे वाला यह ट्रांसमेशन देखने वाला हर जी शान इस बात को तस्लीम करेगा कि जीवाकार इस वतन अजीज में उस तरह ब्बत नहीं पाई जाती जिस तरह होनी चाहिए थी सोजी वकार ये करारदात मंजूर होती है जनाब वाला अगर इस करारदादादा को समाजी एतबार से देखा जाए तो जनाब वाला माशरे में फ़िरका वारीत और जनाब वाला लसानी तासुब के इस दौर में सुन्नी शिया का दुश्मन शिया सुन्नी का दुश्मन जनाब वाला पंजाबी पठान का दुश्मन और जनाब वाला इसी इसी लिए चंद रोज़ पहले सानहा टोबर टेग सिंह देखा इस बात की गवाही है कि जनाब वाला अगर इश्को निसाब का हिस्सा बना दिया जाए तो, तो जनाबे वाला मुआरे में अमन और मोहब्बत का प्रचार होगा जनाबे वाला अगर अगर इस अगर इस करारदाद को माशी एबार से देखा जाए तो जनाबे वाला मुआरे में धोखा दही करप्शन माली बदवानी इस कदर बढ़ चुकी है कि हमें पैसे से मोहब्बत है ना कि इंसानियत से जनाब वाला इश्को अगर निसाब का हिस्सा बना दिया जाए तो जनाबे वाला ये आप भी देखेंगे मैं भी देखूंगा कि जनाबे वाला मुआरे में अमन और एसार की मिसालें देखने को मिलेंगी और माशरे में अमन और मोहब्बत का प्रचार होगा जनाबे वाला बैन अवी अमन की बात की जाए तो जनाबे वाला यकीन कीजिए कि इश्क को अगर निसाब का हिस्सा बना दिया जाए तो जनाबे वाला मुल्क का सत्तर फीसद बजट बच सकता है और जनाबे वाला मोहब्बत में अमन और अमन और मोहब्बत की फजा कायम की जा सकती है और इसी के साथ साथ हर साल जंग की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जनाबे वाला अगर अब भी हिसब इख्तलाफ़ इस बात से इतफाक़ नहीं करती और माशरे में को परवान चढ़ाने में मुआवन नहीं साबित होती तो जनाबे वाला इसमें इनकी जहनीत का कसूर है क्योंकि ये इस तरह के लोग वही हैं जो माशरे में जुल्म की मो बरबरीत को प्रमोट करते हैं सो जनाबे वाला सो जनाबे वाला मैं सोजनाबे वाला आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे मेरे मुखालिफ बोलने वाले जितने भी लोग अगर इश्क़ इश्क़्क को वर्ड क्लास मुहब्बत मोहब्बत करार देंगे सो वाला इनके लिए यही कहना चाहूँगा कि इन अकल के अंधों को इन अकल के अंधों को उल्टा नज़र आता है मजनू नज़र आती है लना नज़र आता है शुक्रिया जी भैया इजाज़त इश्क अगर खाक ना कर दे तो खाक इश्क हुआ हयात इंसानी को खाक करने वाले इसी इश्क के पुजारी आज पूरे मुल्क को ख़ाक में मिलाने पर तुले हैं कि जनाबे वाले जवान में ज़र बहस करारदाद हमें निसाब में इश्क का मजमून चाहिए मैं मौजूद लफ्ज़ हमें से मुराद मैं आप और बाईस करोड़ पाकिस्तानी निसाब से मुराद किसी भी इदारे में पढ़ाई जाने वाली मुंतब कोतुब और इश् मुराद मोहब्बत का अला तरीन दर्जा कि जिसकी ज़्यादा आशिक को जुनूनी और बदहवास बना दे

क्योंकि मैं ठहरा तिबका मगर तिब के हज़ार नुस्खों के बाद वो आए मुस्कुराए शिफा हो गई जनाबे वाला ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं मगर दर हकीकत ये इश्क अक़ल के मालिक कैस को सहराव में मजनू बना देता है मुगलिया सल्तनत की बादशाही को ख़ाक में मिला देता है और मेरे शहर हैदराबाद में लॉ की तलबा यसरा का कत्ल करवा देता है कि यश नहीं है आसा इतना ही समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है तो फिर कैसे मैं अपने मुल्क के मेमारों का मुस्तबिल आग में झुलस कर राख होता देखूँ किसी वकार नौ सालों से इस करारदाद का जेर बहस होना और मेरे मुफहिमत में आने वाले मुकर का वही पुराने दलाल दौराना इस बात का मु बोलता सबूत है कि इश्क कभी सिखाने से सीखा नहीं जा सकता तो इस करारदाद की रूह यही दम तोड़ जाती है इस जी, दन, आगे बढ़े अब मराखा कुरैशी हैं गवर्नमेंट कॉलेज से जो कि हक़ में बात करेंगी और शहबाज आरंद हैं तबानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी से जो उनके मुखालिफ बात करेंगे तो जी मलाइका इजाज़त है इजाजत सर वक़ार ऐवान बाशोर में पेश करदा करारदादा हमें निसाब में इश्क का मजमून चाहिए कि भरपूर हिमायत करती हूँ जनाबी वाला निसाब एक वो जो तदरीसी अमल को मुकमल करने के लिए दिया जाता है एक वो न जो जिंदगी के आदाब तौर तरीके सिखाता है वो निसाब जो सही गलत की पहचान करवाता है करारदात का अगला अहम लफ्ज इश्क तो कौन सा इश्क वो इश्क जो अतिशय नमरूद को गुलोग गुलजार कर दे वो इश्क जो तपती रेत पर आहद आहद पुकारते बिलाल को सरकलू कर दे वो इश्क जो आहद की पहाड़ी पर अपनी जान निछावर कर दे वो इश्क जो यसरब के 313 के लश्कर को कामयाब कर दे सर जी वकार अजहदी हाजिर हमसे तकाजा करता है कि हमारे निसाब में इश्क का मजमून होना चाहिए अगर हमारे निसाब में का मजमून होता तो आज इसराइल की के के बावजूदी बहन तो भाई हमारी तरह मुबारक की इबादतें करते रोजे रखते अवतार करते तैयारियां करते अगर हमारे निसाब में का मजमून होता तो तेरह हजार फलस्तनी बच्चे जाम शहादत नोश करते अगर हमारे निसाब में इश्क़ का मजमून होता तो हमारी कश्मीरी माए कश्मीरी बहने अपनी झोलियां फैलाकर हमसे मदद की भीख ना मांग रही होती करारदाद की मुखालफत करने वालों को फकत इतना ही कहूंगी कि इन के अंधों को सब उल्टा नजर आता है मजनू नजर नजर आती है, नजर आता है। लैला आता अरे हकीकत को देखो और आंखें खोलो सच कहने की जरूरत नहीं तो सच सुनने का सलीका तो होगा इश्क के माने फकत दो लोगों की रकाबत नहीं है बल्कि इश्क तो वो है जो आपको अल्लाह से मिलवाता है इश्क तो वो है जो आपके अंदर इंसानियत पैदा करता है सरजीवा आज अगर हमारे खून में वो बनबला वो जज्बा वो गैरत ईमानी होती तो आज मुसलमान कौम मुतहिद होती एक होती और फिर पूरी दुनिया में किसी की भी जरूरत ना होती कि वो किसी किसी भी 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 मुसलमान मुसलमान मुल्क की तरफ किसी भी को आंखें देखता अरे हम वो आंखें निकाल ना देते हम वो हाथ काट ना देते मगर अफसोस अफसोस रजिवा कि हमारी निसाब में इश्क का मजमून नहीं है इसलिए मैं बबंगी दाहौल आज ये मुतालबा करती हूँ कि हमें निसाब में इश्क का मजमू चाहिए जी सदर अली वक्र तारीखी एतवार से करारदादादा का जायजा लिया जाए तो हमें मालूम होगा इश्क इंसान को ालिम बना देता है यही वजह है कि नासिर सिंघार की किताब द राइज एंड फॉल ऑफ मुगल एम्पायर के मुताबिक शाहजहां ने जब ताजमहल बनाया तो उसने मजदूरों के हाथ काट कर निसाब में शामिल करना इससे बड़ा जुल्म है लिहाजा करारदाद मुस्तरद होती है दिवाकर करारदाद के अल्फाज लग्जी अतबार से तो वादे हैं लेकिन जिस तश्ीर की जरूरत है वो ये है कि इश्क जो खलल है दिमाग का उसे निसाब तालीम में शामिल करने का मुतालबा किया जा रहा है चूंकि यह करारदादादा हकीकत के बर खिलाफ है इसलिए मैं इसकी भरपूर मुखालफत करता हूँ दीवकार इश्क इलम नफसियात के मुताबिक इंसान को फैंटेसी वर्ल्ड में ले जाता है जबकि निसाब में शामिल मजमून का सा आगा करता है। हकीकी दुनिया दुनिया के मुतजादा किसी काम नहीं आ सकते हैं है। और जुनी शुकसान कर बैठा है वो किस तरह जिनब सत्रह सो छियासठ में वारिस ही सस्ती पुंदों में लिखते हैं जब पुनो को पता चला ही मिलने आ रही है तो इस खबर की ताब नाते हुए छलांग लगाकर अपनी टांग टूटवा ली उसने अपना नुकसान कर दिया जो इश्क अपना नुकसान

नामी फरिश्ता नामी औरत ने सर्किट न्यूज को बताया कि वो अपने महबूब के पेट्रोल तक के पैसे अपनी तनख्वाह से दिया करती थी अब जो इस इंसान का बुरा हाल कर देता है जिससे इंसान बेहाल हो जाता है उसे निसाब शामिल करने से ये बेहाल करना चाह रहे ये अदा करारदाद मुस्तरद होती है दिवाकर इश्क जो है वो माशरे में बेहयाई का भी बाइस है क्योंकि इस माशरे में लोग इस इश्क की वजह से जो खल का अपनी नाजेवा तस्वीरें बेचते हैं जिस वजह से करारदाद मुस्तरद होती है चारों को बुला लें भाई भैया मेरे कान में कहा गया थोड़ी मेरी आवाज़ खोलें मेरे कान में कहा गया कि अगर कोई भी अच्छा नहीं है नहीं ले जाएं दो अच्छे हैं दो ले जाएं एक अच्छा है एक ले जाएं जाए हमारे लिए आसानी हो गई है जी यानी। आज की जो करारदात थी वो पॉलिसी करारदात थी करारदादात की भी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं जब हम किसी चीज़ का मुतालबा करते हैं कि ये चीज़ होना चाहिए तो उसको पॉलिसी करारदात कहते हैं तो बहुत अच्छी आप लोगों ने जो है वो इस पर अपने दलाइल पेश किए ख़ास पर जो हजब मुखालफत वाले थे उन्होंने ज़्यादा बेहतर अंदाज़ में जो है वो अपने दलाइल पेश किए सबसे पहले तो मैं आपकी आपकी बात करूँगा कि डिबेट में जो है ना सबसे पहले करार ये जब तक नंबर कैलकुलेट हो रहा है इसीलिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ सबसे पहले वज़ात होती है फिर उसके बाद दावा होता है उसके बाद फिर दलाइल होते हैं फिर रद्द दलील होती है और फिर आखिर में अपील होती है <coughs> तो ये पूरा जो है एक स्ट्रक्चर है डिबेट का तो जरी आप जरी तमाम जरी बच्चों में ख़ास तौर पे देखें एक इल्ज़ामी जवाब होता है रद्द दलील में और एक रद्द दलील में जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हम जवाब दे रहे होते हैं तो लिहाजा आज जो है वो हमारे नज़दीक हज़ब मुखालफत वाले ज्यादा उनका पलडा भारी है और एक और चीज़ मैं बता दूं फैसल भाई चूंकि आगे भी डिबेट्स हैं, तो एक इसमें साहिब सदर होता है जो कि आवाम से ये पूछता है कि आप बताएं आखिर में अवान में जैसी करारदाद पे दलाइल खत्म होते हैं तो साहिब सदर आके पूछता है आवाम से कि आप बताएं कि क्या आप इस करारदाद के हक में हैं या मुखाल्फत में तो हाँ आप लोगों लो से पूछ रहा हूँ आपके पास वक्त है ब्रेक में आप हमें फोन करके बताएं कि आप लोग किसके हक में है हम आपका भी फैसला साथ में जोड़ेंगे तो फिलहाल छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं ब्रेक से वापस आके यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं देखते हैं कि हमारे साथ सेमीफाइनल में कौन जा रहा है और कौन घर वापस जा रहा है जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक हम इस वक्त फंसे हुए हैं फैसला लेने पे हमारे जज साहिबान कहाँ तक पहुँचे शहबाज भाई पहले आप से पूछते हैं, जी। हैं फिर आते डॉक्टर साहब की तरफ। जी।, जी, तो ओवरऑल आज अच्छा मुकाबला देखने को मिला बस मैं एक दो चीज़ें कहना चाहूँगा कि ये बात करी या बात इसको बात की कहा जाता तो ज्यादा बेहतर था और इसमें एक और चीज़ के एक बात की गई कि लॉ स्टूडेंट जो हैदराबाद में जिनको शहीद किया गया उनको इश्क के साथ जोड़ा गया तो मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी ये दरिंदगी या जहालत कही जा सकती है उस बदे की जिसने उस बच्ची को कत्ल किया इसको इश्क के साथ हम नहीं जोड़ सकते तो ये बातें मुझे दो करनी थी इसके अलावा मैं चाहूँगा कि आज वजात भाई ही बात करें जी वजात भाई अच्छा जी बड़ा अच्छा मुकाबला देखने को मिला और काफ़ी दिन बाद कन्वेंशनल डिबेट जो है वो सुनने को मिली बहुत से बात किसी मुकाबले में जाने का मौका मिला है आज कन्वेंशनल डिबेट एक हिमायत में एक मुखालफत में तो एक तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई दूसरा ये कि पहले मुकर्र हमारे हामी साहब अब्दुलरहमान हामी साहब हामी चौथे घेर में थे शुरू से बिल्कुल चौथे घेर में और फोर एक्स की स्पीड के साथ तुमने जो शुरू किया है और उसके बाद तुम अपनी तकरीर भूलते गए भूलते गए हाँ भूलते गए और फिर कभी माइक ऊपर कभी माइक नीचे उ तो हाँ बस कहा देख के तो स्पीड शुरू से इतनी तेज़ नहीं होनी चाहिए थी बाकी करारदाद मंजूर आपने नहीं करवानी आपने करारदाद को साबित करना है ठीक है आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि करारदाद मंजूर हो गई आपने मंजूर नहीं वो तो इस ऐवान ने मंजूर करनी है आपने करारदाद को साबित करना है और ये जुमला बस जनाब सदर करारदाद यहीं साबित होती है ये ठीक है इसी तरीके से जो मुखालफत में आए उन्होंने कहा कहना चाहिए कि करारदाद रद्द होती है ठीक है या करारदाद साबित होती है ठीक है अच्छा इसके अलावा इश्क कौन सा इश्क भाई इश्क में तुमने बहुत सारी दलीलें दे दी बहुत सारे तुमने चीज़ें गव... हमें गिनवा दी है लेकिन इश्क को डिफ़ाइन तो करो कौन सा इश्क है किस इश्क में जो है वो ये हुआ किस इश्क में ये हुआ किस इश्क में ये हुआ हमें कौन से इश्क की ज़रूरत है हमें ज़रूरत है या नहीं हमें अमूमी तौर पर इश्क की ही ज़रूरत नहीं है या इश्क की ज़रूरत है और कौन सी कौन से किस्म के इश्क की ज़रूरत है ये तशनगी रह गई माइक बार बार ऊपर नीचे हो रहा था बहरहाल अच्छा एक चीज़ और ये कि इश्क में और मोहब्बत में फ़र्क होता है ठीक है इश्क किसी को लालच से भी हो सकता है किसी को तमा से भी हो सकता है किसी को दौलत से भी हो सकता है मोहब्बत भी इन तमाम चीज़ों से हो सकती है तो इसको डिफ़ाइन करना है हमें ठीक है कि ये कौन से इश्क की बात हो रही है और आप अपनी करारदाद को किस जुमरे में लेके जा रहे हैं ठीक है क्योंकि आप मुफ़कत से थे अच्छा दूसरे मुकर हमारे आए हाशिर जिन्होंने मुखालफत में दलाइल दिए दलाइल बहुत अच्छे थे वो आए देखा और शिफा हो गई तो वो हम डॉक्टरों का तो वैसे ही इन्होंने धंधा बंद कर दिया <laughs> बहरहाल अच्छे दलाईल अच्छा, अच्छा है जो चेहरे पे, चेहरे, पे चेहरे पे रौनक वो समझते हैं कि बीमार का हाल बीमार का अच्छा इसके बाद मलायका मलाइका आपने बहुत अच्छी तकरीर की लेकिन हम तीनों जजेस का जो मुतफ़ा फैसला है उसके मुताबिक हमें ऐसा लग रहा था कि आपने अपने पत्तों को इस्तेमाल किया है इश्क कौन सा इश्क मैं फिर वही सवाल के इश्क अच्छा मुझे मुझे ये समझ नहीं आई कि इश्क कैसे फ़लस्तीन में ज़ुल्म को ख़त्म कर सकता है इश्क कैसे जो है वो तेरह हज़ार बच्चों के कत्लेआम को रोक सकता था इश्क कैसे कश्मीर को जो है वो फतह कर सकता है अगर 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 मजमून होता आज की करारदाद होती कि हमें जिहाद का मजमून चाहिए तो फिर तो मैं आपके दलाइल को बड़ा अच्छा समझ लेता कि जी अगर जिहाद है जिहाद का मजमून होता तो कश्मीर भी फतेह हो जाता मुसलमान बच्चे भी फ़लस्तिन में ना मरते शहीद होते तो उसको डिफाइन तशने की रह गई अच्छा उसके बाद शहबाज शहबाज बता दिया हमारे साथी मुनसिफ ने कि बात करी नहीं होता बात की जाती है ठीक है अच्छा दलाइल बहुत अच्छे थे फैक्ट्स एंड फिगर्स थे तुम्हारी जानब से लेकिन तुम बात करते में इतने ज़्यादा जज्बाती हो गए थे कि तुम से बिल्कुल पे चले गए, ठीक है? तो इस चीज़ का ख्याल करो दलाइल बहुत अच्छे थे रद्दे दलील, और बिल्कुल मौके पे तुमने दिए बहरहाल बेस्ट ऑफ द लक टू ऑल फोर्स हो जाता है बिल्कुल ऐसे नतज थर्ड पोजीशन पे टाई हमारे Fourth. पास तो अब्दुल रहमान हामी जीसीयू यूनिवर्सिटी लाहौर से और मलाइका कुरैशी आप दोनों थर्ड पे हैं जी तो uh, जी दोनों के ये साथ ठीक है स्वीट्स के, के, के आपके साथ और हरभियन का गिफ्ट हैम्पर हामी भाई के साथ जी जी हामी भाई के साथ हामी भाई के साथ मच so और अब दूसरी पोजीशन और आज फैसल भाई हम दो बच्चों को जो है वो सेमीफाइनल में लेकर जा रहे हैं ठीक है तो आज दूसरी पोजीशन पर हिजब मुखालफत में आखिर में आने वाले ऑफ अकाउंटेंसी से शहबाज कादरी शहबाज ने कराया मिल गया और ओ सी डेवलपर्सान भाई ये हाथ जोड़ के कह दो वो कहते हैं कि उर्दू का बेड़ा गर्क कराची वालों ने किया है तो आगे से वो कहते हैं हमने कब करा <laughs> तो ये नहीं करो भाई ये हाथ जोड़ के कह रहा हूँ मैं ये करा करी निकाल दो जिंदगी से हाँ करी सिर्फ सालन में ही होती है सो यू ऑल द बेस्ट आप दोनों को मुबारक हो आप दोनों आगे जा रहे हैं बट मलाइका एंड हामी आई थिंक हार्ड लक लिटिल बिट थोड़ा सा हो जाता है और आप लोगों का मेरे ख़्याल से ये ज़रा फेवर में बात करना होता भी ज़रा हमायत में बात करना होता भी ज़रा सा मुश्किल है दलाइल ज़रा ज़्यादा मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग चाहिए होते हैं उसके लिए

हमें बताते हैं कि हम से क्या मुराद है एक-एक लफ्ज जो है वो अहमियत का हामिल है और इसमें सबसे ज्यादा जो अहमियत का हामिल है वो है इश्क ठीक है अब इश्क जो है वो हमें कब कहाँ, किस वक्त कैसे किस फॉर्म में चाहिए वो हमें बताना है ठीक है तो इश्क बहुत तरह के मैंने फिर उस ए, उसी हवाले से आपसे गुफ्तगू की कि इश्क की कई एग्जाम है लेकिन हमें कौन सा इश्क किस वक्त कहां किस जगह चाहिए ये आपने बताना भाई सबसे बड़ी एग्जाम तो ये है ना माँ सारी जिंदगी कहती रहती है सिगरेट छोड़ दो सिगरेट छोड़ दो बच्ची आधे घंटे पे कहती है बंदा कहता है लानत भेजो आइंदा पीऊंगा ही नहीं ये इश्क होता है बॉस सॉरी <laughs> ये होता है इश्क <laughs> माँ की सारी जिंदगी सुनी बच्ची की एक मिनट में सुन ली

अब तो स्नैपचैट पे हाँ ऐसी ऐसी पिक्चर्स आ जाती हैं के बाद खत जो मिला नाज़नीन का हाँ। मारे खुशी के डाकिया का गाल चूम लिया वाह 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 क्या बात है भाई ये ये निकालिए ये किताब <laughs> जी, जी ये तो आजकल के जमाने की सुपर हिट किताब हो गया थैंक यू सो मच आप तीनों का बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत शुक्रिया बड़ा जबरदस्त आप लोग चल रहे हैं और कल भी आ, मेरे ख्याल से तो हम भी डिबेट है डिबेट पे और जा कल रहे? की करारदादा भी मैं बता दूं कि सदारती निज़ाम पार्लिमानी निज़ाम से बेहतर है अच्छा कल हम इस पर बात करेंगे इस पर बात करेंगे अठारहवीं तरमीम पर सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी जी हाँ। सही है थैंक यू आप लोगों का बहुत शुक्रिया और जो लोग हमारे साथ आगे जा रहे हैं उनको भी हम कहेंगे और जो आज नहीं जा सके हार्ड लक दैट्स ऑल आई कैन से होता है कभी कभी देन होता है बट छोटो सा ब्रेक ब्रेक से वापस आते हैं थैंक यू जी, कैसी है? आपका ये से हैं? अल्लाह का शुक्रिया आप ठाक अच्छा जी हमारी मुझ तक, तक ये खबर पहुंची? जी कि वो जो कबाब कढ़ाई थी वो बहुत मजेगी जजाक अल्लाह थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया थैंक यू और राइट जी आज हम मौजूद हैं, अगेन हमारे साथ मौजूद है लाइव बॉय और लाइव बॉय हमें देता है हंड्रेड परसेंट जम प्रोटेक्शन वो भी जस्ट टेन सेकेंड्स में और इस बार अगर आप चाहते हैं कि आपका रमज़ान बहुत अच्छा सा गुजरे बीमारियों से बचत होकर गुजरे कोई बीमार ना हो और बच्चों की रोज़ा कशाई वो अपनी इन्जॉय कर सकें किसी किस्म का कोई डाउट ना रहे तो आपने यूज़ करना है लाइफ बॉय का हैंड वॉश ठीक है जी और आज हम आ गए हैं अपने किचन में और किचन में हम क्या करने वाले हैं आज आप लोगों ने बहुत तरह के पेटीस खाए होंगे और पेटीस में यूजअली क्या होता है कि जब आप बना रहे होते हैं पैटिस तो उसके लिए आपको चाहिए होता है शॉटनिंग चाहिए तो उसके साथ आपको जो है ना बहुत सारी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं पफ लाई पेस्ट्री लाई। जो मेन चीज़ है वो चाहिए होती है बट यहाँ हम आपके लिए कितनी आसान और क्विक रेसिपी लाए हैं जिसपे ना आपको कोई शॉटनिंग चाहिए ना आपको पफ़ पेस्ट्री चाहिए हम ये बनाएंगे जनाब ब्रेड से और हमने उसके लिए क्या किया था मैंने कहा चलें हम ब्रेक में कर लेते हैं थोड़ा सा काम यह किया था मैंने इसमें थ्री टू तो फोर टेबल स्पून इसमें मैंने ऑयल डाला था ऑयल डालने के बाद मैंने इसके अंदर जो है एक दरम्याने साइज़ की जो प्याज़ है वो मैंने इसके अंदर चॉप करके ऑमलेट वाले साइज़ की फ़ाइन चॉप वो डाल के मैंने इसको थोड़ा सा डाल दिया था इसके अंदर अच्छा हमें इसको सिर्फ पिंक करना है हमें इसको गोल्डन ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना ठीक है जी मीन बॉइल हम क्या करते हैं हमारे यहाँ ऑयल गर्म है हम इसके साथ साथ भी आ, काम शुरू कर देते हैं क्योंकि हमें जल्दी जल्दी से अपनी रेसिपी कंप्लीट करनी है ये मैं फ्राई कर रही हूँ फाइनल लुक है लेकिन मैं आपको पूरी रेसिपी अभी इसकी देती हूँ कि हम इसमें करने क्या वाले हैं ठीक है जी हमने क्या किया ये प्याज थोड़ी सी जब हमारी पिंक हो गई तो फिर आपने इसके अंदर क्या करना है कि आपने जो है यहाँ पर ये दूध लेना है एक कप कोई सा भी ले सकते हैं टेट्रा पैक ले लें फ्रेश मिल्क ले लें कोई सा भी दूध ले लीजिए और उसके अंदर आपने एक टेबल स्पून जो है वो कॉर्नफ्लर ऐड करना है इसके अंदर ठीक है जी और आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है मिक्स कर लीजिए इसके लम्ब्स बिल्कुल नहीं रहने चाहिए इसके अंदर ठीक है जी इसको मिक्स कर लीजिए अच्छे तरीके से और मिक्स करने के बाद जब इसका कलर आपका थोड़ा सा हो जाए पिंकिश सा हो जाए यानी कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए प्याज आपकी तो फिर आपने ये वाला जो मिल्क है ना ये आपने इसके अंदर ऐड कर देना है ठीक है जी ये आपने मिल्क ऐड कर दिया एक कप मिल्क और एक टेबल स्पून उसमें मैंने कॉर्नफ्लावर ऐड किया था अब हम इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पे पकाते भी जाएंगे और हैंड टू हैंड हम सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डालते जाएंगे यहाँ पर मेरे पास मौजूद है जिंजर गार्लिक पाउडर है मेरे पास लहसुन का भी पाउडर है और अदरक का भी पाउडर है नहीं है नो वरीज़ आप पेस्ट यूज़ कर सकते हैं हाफ टी स्पून मैंने डाला जिंजर पाउडर और हाफ टी स्पून मैंने डाला अदरक पाउडर इसके साथ हम वन टी स्पून हम इसमें डाल रहे हैं काली मिर्च इसके साथ जा रहा है वन टी स्पून इसके अंदर जा रहा है सॉल्ट ठीक है जी ये डाला अच्छा मैं ये देख लूँ ये हमारा ऑयल हो गया है गर्म ठीक है जी ये डाला और उसके बाद देखिए सब चीज़ें आप डालते जाएंगे लेकिन साथ साथ इसको मिक्स कीजिएगा क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लार है ना तो वो क्या होगा कि वो थिक होना शुरू हो जाएगा ठीक है जी इसके साथ मेरे पास यहाँ रखा हुआ है ज़ीरा पाउडर ये मैं डाल रही हूँ ये भी मैं डाल रही हूँ वन टी इससे बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है और यहाँ मेरे पास फ़्रेश ज़ीरा मैंने इसके साथ क्या किया था इसको मैंने अभी तवे पे भून लिया था इसको आपने हाथ से फ्रेश क्रश करना है इस तरह से और फ्रेश क्रश करके फिर आपने इसको ऐड करना है ठीक हो गया इसको पकने दीजिए थोड़ी सी देर के लिए इतना पकाना है आपको कि सारे जो मसाले हैं ये इसके अंदर ऐड हो जाएँ अच्छी सी से खुशबू आने लगे ये मिक्स हो जाए फिर आप क्या करेंगे कि इसके अंदर अब आप डालेंगे इसमें मेरे पास है हरी मिर्च का पेस्ट मैंने क्या किया था तीन से चार हरी मिर्चें लेके उसमें थोड़ा सा एक टेबल स्पून मैंने सिरका डाला था और उसको जो है ना मैंने क्या किया था ब्लेंड कर लिया था इससे भी बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाता है एंड में हम क्या करेंगे पहले हम इसको ऐड करेंगे मिक्स मिक्स करेंगे अच्छे से ठीक है जी इस पोजीशन पे आके आपने इसमें क्या करना है यहाँ पे मेरे पास मौजूद है चिकन और हम कैसे भूल सकते हैं कि हमारे साथ है सब्रोसो जिसकी चिकन हम डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे होते हैं मैंने इनकी रॉ चिकन ली थी और उसको लेकर के मैंने जो है क्या किया था बॉईल किया था बॉईल करने के लिए मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है कि आपने अगर एक किलो चिकन है उसमें एक टेबल स्पून आपने डालना है जिंजर गार्लिक पेस्ट और उस पेस्ट के साथ तीन से चार लौंग तीन से चार काली मिर्च वो डालें और बॉईल करने के लिए रख दीजिए फिर इसको मैंने क्या किया श्रेड कर लिया ठीक हो गया जी ये श्रेड किया अब हम क्या करेंगे लास्ट में बिल्कुल ठीक है जी लास्ट में हमने डाला वन टेबल स्पून सोया सॉस वन टेबल स्पून इसमें हमने ऐड किया सिरका ठीक है जी ये हमारा हो गया यहाँ पे कंप्लीट अच्छा अब हम इसको सिर्फ इतना पकाएंगे कि इसमें ये जो लिक्विड है ना ठीक है ये जो है ये हमारा ख़त्म हो जाए लिक्विड ठीक है जी इसको हमने इस तरह से करके मिक्स करना है अच्छा यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं ये जो मैं आपको बता रही हूँ ब्रेड पैटीज इनको आप बना कर ना बड़े आराम से इसको फ्रीज भी कर सकते हैं सही है जी वालेकुम वाले सलाम कैसे हैं आप जी अल्लाह का शुक्र आप सुनाइए तो जो है वो शायद समरीन से कुछ सवाल करने थे के थ्रू मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ और वो मुझे बहुत पसंद है उनकी रेसिपीज मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे उनसे ये पूछना था कि सर जो हम चिकन जो है वो हम फ्रीज करते हैं और जो hmm. उसके फ्रोजन आइटम्स हम बनाते हैं hmm. तो कोई ऐसी के ऐसी कोई ट्रिक है जो हम जो है उसको डे टाइम के लिए फ्रीज कर सकें जी बिल्कुल बहुत सारी पहल पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप रेसिपीज़ लाइक करती हैं और प्रोग्राम देखती हैं बहुत शुक्रिया अब मैं आपको बता देती हूँ बड़ी क्विक सी रेसिपी कि एक ही रेसिपी को आप आई I मीन mean एक ही चिकन को इससे आप मल्टीपल चीज़ें कैसे बना सकती हैं आप एक काम ये कीजिए कि आप एक किलो बोनलेस चिकन ले लीजिए उसमें आप तकरीबन जो बना हुआ आता है तिक्का मसाला उसका एक पैकेट ले लीजिए या तंदूरी मसाला जो आपको फ़्लेवर पसंद है वो ले लीजिए और वो लेने के बाद उसमें मिक्स कीजिए बोनलेस चिकन में उसके साथ एक टेबल स्पून लहसुन अदरक डालें एक से दो टेबल स्पून आप उसमें लेमन जूस डालें वो डालने के बाद आप उसको मिक्स करें पका लीजिए उसको जब वो बन जाए आपकी बोटियाँ तैयार हैं उसमें आप जो है चाहें अगर आपको अच्छा लगता है तो कोयले कदम दे दीजिए उसमें अब ये पैकेट आपने क्या किया छोटे छोटे पैकेट्स आपने बनाए जितनी आपके यहाँ एक वक्त में इस्तेमाल होती है अब इसी चिकन से आप क्या कर सकते हैं कि आप इससे मायोगार्लिक रोल्स बना सकते हैं उसमें आप क्या कर सकते हैं पराठा लिया आपने मेो गार्लिक सॉस लगाई यही चिकन लगाई रोल्स बना लिए इसी से आप इंस्टेंट पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं इंस्टेंट पिज़्ज़ा में आप क्या करेंगे कि आप ले लीजिए नान या ताफ्तान जो हमें आराम से मिल जाते हैं ट्रस्ट मी ताफ्तान पता ही नहीं चलता कि जो है वो पिज़्ज़ा का डो नहीं है वो ले लें और उस पर जिस तरह कैचअप लगता है वो लगाइए सॉसेज लगाएँ और लगाने के बाद पिज्ज़ा बना लें और इवन आप उससे सैंडविचेस भी बना सकती हैं आ, जैसे आप बनाते हैं का क्लब सैंडविच बनता है वो भी इस तरह बनेगा तो एक ही चिकन से आप मल्टीपल चीजें बना सकती हैं थैंक यू फॉर कॉल और मैं एक एलईडी ओजी डेवलपर्स की जानिब से जो जा रही है आप सबसे पहले आपको मुबारकबाद दे दूं ओजी डेवलपर्स का कहना है क्रिएटिंग एक्सेप्शनल स्पेसेस दैट इंस्पायर एंड एलिवेट तो आज की हमारी एलईडी गई है सखर जनाब सखर जारी हमारी आज की एलईडी समीना जी को कांग्रेचुलेशन आपकी रेसिपी भी यहाँ शेयर की जाएगी और हम कोशिश कर रहे हैं हमारे शेफ़ साहिबान जो हैं अब वो आप लोगों की रेसिपीज बनाना शुरू कर दें मेरी बात इतनी सुन रही है बात हो रही जी। <laughs> so, so, है जी कॉन्ग्रेचुलेशन से जमीना आपको बहुत बहुत मुबारक <laughs> अच्छा जी यहाँ हमारी जो है ना ये जो मिक्सचर है हमारा ये रेडी है इस पोजीशन पे मैं आपको बताती हूँ क्या करना है हमारे पास एज यू नो का टाइम शॉर्ट होता है तो हम इसको एज इट इज़ यूज़ कर रहे हैं आपने इसको थोड़ा ठंडा होने का टाइम देना है या आपने ब्रेड स्लाइसेस लिए किसी भी बॉटल का कैप ले लीजिए ग्लास ले लीजिए कोई भी आपके पास बोल है वो ले लीजिए उसके बाद आपने इसको गोल गोल कटिंग कर लेनी है कटर नहीं है नो टेंशन एट ऑल या आप इस पर स्प्रेड करें ठीक है जी ये स्प्रेड करें अच्छा इसको ना आप दो तरह से बना सकते हैं अभी मैं सिंगल लेयरिंग कर रही हूँ इसकी ये आपने बनाया इस पर आपने इस तरह रखा इसी के ऊपर दोबारा यही चीज़ रिपीट करें अगर आपको उसका लुक भी वैसे ही चाहिए जैसे पेटीस का होता है ठीक है जी आपने ये इस तरह लगाना है अच्छा सा क्वांटिटी ज़रा ज़्यादा अच्छी रखिएगा इसकी कि आप जब इस पर लगा रहे हो ना तो अंदर अच्छी क्वांटिटी हो जब इसको खाएं तो बिल्कुल देखें बिल्कुल वैसी फीलिंग नहीं लग रही जैसी पेटिस में होती है जब आप इसको फ्राई करेंगे ना तो इसका बिल्कुल लुक जो है वो वैसे ही आ जाएगा ठीक हो गया ये है अच्छा अब यहाँ हम क्या करने वाले हैं कि हमारे पास रखा हुआ है बीटन एग मैंने एग लिया था उसको सिंपल मैंने बीट कर लिया था चाहे तो थोड़ा सा सॉल्ट एंड पेपर ऐड कर दें ताकि इसमें थोड़ा सा फ्लेवर और आ जाए अब इसको अच्छी तरह से अंडर एंड ओवर आपने इसको मिक्स करना है ठीक है जी उसके बाद आपने ये लेने हैं क्रम्स और ये लगा दें एक यहाँ टिप देती चलूँ आपको कि अगर आपके पास एग नहीं है या आपको लग रहा है कि जी हमारी बहुत क्वांटिटी में हमने बनाना है और एग तो बहुत ज़्यादा हमारा लग जाएगा तो उसमें आप क्या कर सकते हैं आप स्लरी बना लीजिए आप ले लीजिए मैदा मैदा जो है उसमें पानी डालें और पतला पतला सा लेकिन ज़्यादा थिन नहीं कीजिएगा कंसिस्टेंसी देख लीजिएगा वो ले लें और उसमें कोट करके और फिर इस तरह बनाएं और जनाब ये हो गया तैयार ये देखिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए फ़्राई करके रखा हुआ है अब हम क्या कर रहे हैं कि हम आ जाते हैं अपनी डिप की तरफ इसके साथ हम बनाने वाले हैं एक बड़ी ही सी डिप उसमें हम क्या कर रहे हैं हमने लेना है यहाँ अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप लेंगे चिली गार्लिक सॉस जो मैं यहाँ ले रही हूँ ठीक है क्योंकि थोड़ा सा इसमें चीनी आई मीन I mean, मिर्च इसके अंदर कम है तो मैंने यहाँ पे चिली गार्लिक सॉस लिया है हाफ कप ठीक है इसके अंदर हम डाल रहे हैं थ्री टू फोर टेबल स्पून औरेंज जूस मैंने फ़्रेश लिया है अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो टाटा पैक का यूज़ कर लीजिएगा थोड़ी सी तकरीबन वन टेबल स्पून हमने इसमें शुगर डाली वन टी हमने इसमें सॉल्ट डाला सॉल्ट कम डाला है क्योंकि ऑलरेडी ये सॉल्टी है और इसके साथ हम डाल रहे हैं वन टी ब्लैक पेपर ठीक है जी ये डाला और आपने इसको करना है अच्छे से मिक्स मिक्स ये थोड़ी रनी रनी सी और बड़ी मज़ेदार सी क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो चिकन है ना वो हमारे पास वाइट सॉस के साथ है तो हमने यहाँ पे ये रेड सॉस बनाई और अब हम क्या करेंगे यहाँ मैंने ऑरेंज ऑरेंज क्योंकि जूस इसमें डाला है तो ये मैंने ऑरेंज ही ले लिया था और ये मैंने इसके अंदर इसको फिल कर दिया थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच वेलकम हमारे कराम खा के आपको थैंक यू बहुत शुक्रिया अल्लाह खुश रखे आपको आमीन और थैंक, थैंक यू असद भाई थैंक यू सो मच मैं ब्रेक पे जाऊंगा ब्रेक से वापस आता हूँ तो सोबत इलम का सिलसिला जो है वो शुरू कर सोबत में आप सबको खुश आमदेद कहते हैं हमारे उलमाए कराम यहाँ पे पहुँच चुके हैं मेखाज सिर्फ शहरियाज साहब रह गए बाकी तमाम पैनल जो है वो मौजूद है आज एतकाफ़ के हवाले से मैंने आपको शुरू में ये बताया था कि हम गुफ्तगू करने वाले हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एतकाफ़ फरमाया करते थे और ये सिलसिला अल्लाह पाक के और करीब होने की एक छोटी सी कोशिश है ज़ाहिर सी बात है पूरा रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह हमें बरकतों का मिलता है इतनी सारी बरकतों का मिलता है इतनी सारी इबादतों के फ़वाद हमें मिलते हैं तो अल्लाह ताला से और करीब और मेहनत है थोड़ी सी एतकाफ में बैठने की सो हज़रत कहाँ से शुरू करें जवाब साहब आज से आज बिसम्ला करते हैं एतकाफ के हवाले से अगर कर बात करते हैं तो कितने दिन क्योंकि नॉर्मली लोग जो है वो बीस रोज़े की अवतार के बाद या उन्नीसवें रोज़े की के बाद चले जाते हैं मसाजिद में अहतकाफ़ में बैठ जाते हैं सो कितने दिन के लिए बैठ सकते हैं दस दिन ही है या कम भी हो सकते हैं बसमल रिम एहतिकाफ़ में कम से कम जो मुद्दत है वो तीन दिन है अच्छा हाँ जी तीन दिन और ज़्यादा से ज़्यादा जितने आपको तोफ़ी मिले उतने हिसाब से आप बैठ सकते हैं और एहतिकाफ़ के लिए सबसे अफजल तरीन जो वक्त है वो रमज़ान मुबारक का है और रमज़ान मुबारक में भी आखिरी जो अशरा है जो लोग दस दिन मसतिकाफ़ में अगर बैठना चाहते हैं तो वो रमज़ानबारक के आखिरी दस दिन जो है एतराफ़ में एहतिकाफ़ में बैठे इसलिए कि रसूल अक्रम सम की ये सुन्नत थी आप रमज़ानबारक में हर साल जितने साल भी आप मदीन मरव्रा जब हिजरत फरमाए ना तो उसके बाद हर साल आप रम़ानबारक के आखिरी महीने में आखिरी अशरे में एहतिकाफ़ में मस्जिद नबी के अंदर आप तशी फ़रमा होते थे बाज़ रवायात के अंदर हमें मिलता है कि हजरत के दूसरे साल चूँकि जंग बद्र की खातिर आप निकले हुए थे ज़ाहिर है तो गजवे बदर में मसरूफियात की वजह से एहतिकाफ़ में आप नहीं बैठ सके तो अगले साल आपने उसकी कज़ा बजा लाई अगले साल पिछले सर सा रमज़ान के जो दस दिन के एहतिकाफ़ की जो मद्दत नहीं मिली थी तो अगले दिन अगले साल आपने इसको पूरा किया एहतिकाफ़ असल में अल्लाह रबुल्ज़त की खुशनुदी हासिल करने के लिए उसके तकरब को हासिल करने के लिए खालस अल्लाह तेश नज़र रख कर लोगों से दूर रहकर एक इलाके की जाम मस्जिद के अंदर जो है वहाँ पर सुबह से लेकर यानी शाम तक और इसी तरह तीन दिन तक कम अज़ कम और ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप रह सकें रहना जो है ये एहतिकाफ़ है और इसके अपने मखसूस एयाम भी हैं अगर हम तारीख़ी तौर पर इसके हवाले से बात करना चाहें कि इसका आगाज़ कब हुआ तो हमें इस्लाम से पहले भी एहतिकाफ़ नज़र आता है हज़रत इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़माने से ही एहतिकाफ़ का तस्करा मिलता है जैसे कुरान करीम के अंदर है वाहिद ना इलाब्राहिम व इसमायल अनतःराबैतफ़ीआफ़ी वर्रुक सजूद कि हमने हज़रत इब्राहीम हज़र इसमाइल आलाम से यह अहद लिया कि वह इस बैतल् को पाक व पाकिज़ा कर लें किन लोगों के लिए तवाफ़ करने वालों के लिए और एहतिकाफ़ करने वालों के लिए और रुक वजूद बजा लाने वालों के लिए तो यहाँ से मालूम ये होता है कि उस जमाने में भी एहतिकाफ़ का तस्वूर था लोग जहाँ मस्जिद हराम में खाने क़बा का तवाफ़ करने आते थे तो वहाँ पर बाज़ लोग ऐसे थे कि जिनको ये तोफ़ी मिलती थी कि वो इस अल्लाह रब्ज़त के घर में बैठ कर तवाफ़ करें तो एहतिकाफ अमल है कि जिसके ज़रिए इंसान अल्लाह रबुल्जत का तकरुब हासिल कर सकता है यानी अपने मकसद ख़िलकत के करीब हो सकता है अल्लाह ताली ने हमें खल इसीलिए फ़रमाया है ताकि हम उसका तकरब हासिल कर लें और उसकी क़ुरबत हासिल करें जितना इंसान अल्लाह रब्जत का तकरब हासिल करेगा उतना इंसान का अपना मकाम और मरतबा बुलंद होता चला मेरा, जाएगा। मेरा इस पर एक छोटा सा सवाल यह है कि ये सुन्नत है फ़राइज में शामिल होता है या नफली इबादत में कि मतलब अगर कोई नहीं कर पा रहा तो ये फ़र्ज नहीं है ये फ़र्ज़ नहीं है सुन्नत है ठीक सुनत है और इसकी अलबत् ताक़द है काफ़ी ताक़द है कि इंसान जो है उनको अगर फुर्सत मिले ज़ाहिर है जिंदगी के मशाने के एक, एक दफ़ा तो आप एक दफा कम अज कम कर लेना चाहिए इतिकाफ़ और इतिकाफ का अगर आप तजर्बा अगर कर लेते हैं ना तो इंसान जो है वहाँ पर जाने के बाद वाकई महसूस कर लेता है कि उसके अंदर एक मानवीयत पैदा हो रही है क्योंकि ज़ाहिर है दिन रात आप अल्लाह रबुल्जत की मस्जिद के अंदर बैठे हैं और अल्लाह तला के साथ राज कर रहे हैं अपने बीवी बच्चों से आप दूर हैं और मुकम्मल तौर पर एक इलाही मंजर वहाँ पर होता है जिसकी वजह से इंसान की मानवियत में इजाफ़ा होता है तो, तो कम अज़ कम ज़िंदगी में एक बात तो कर बार। ले इंसान सो तो ये इस पर हमारे तमाम मसालिक जो हैं वो अग्री करते हैं नहीं फर्ज नहीं है। आ, आ, के हां और दिगर के हाँ अहतकाफ़ की तीन सूरतें एक सूरत तो ये है कि नफली अहतकाफ़ है जो डॉक्टर साहब ने जिसका जिक्र कर दिया कि कम से कम अहतकाफ़ आप जितना करना चाहें तीन दिन का भी कर सकते हैं दो दिन का भी कर सकते हैं एक दिन का भी कर सकते हैं एक सूरत यह है कि आ, एतिकाफ जो है सुनत किफाया है नबी पाक अली अलीसलातम ने जो हर साल मुबारक के आखिरी अशरे में जो एहतिकाफ किया तो इसको सुन्नत किफाया करार दिया गया कि अगर मोहल्ले में से एक आदमी भी सोसाइटी में से एक आदमी भी बैठ जाता है तो पूरी सोसाइटी के मर्द वन की तरफ से वो सुन्नत अदा हो जाती है अल्लाह यानी कि वो आप सबका तर्जमान होता है आपका वफद होता है वहाँ पर जिसको आप डेलीगेशन कहते हो इस तरह का वो उसका एक किरदार होता है अब ये एक जमनी बात कर दूर इसे गुफ्तु भी करें कर तो फिर मैं एक एक जमनी बात कर दूँ की अब वो सबका तर्जमान होता है अब उसको अल्लाह तला की बारगाह में जो मस्जिद में हाजिर है उसको सबकी तर्जमानी करनी है अब ये सारा बोझ उसके कंधे के ऊपर है कि वो किस तरीके से तर्जमानी करता है तीसरी सूरत यह है कि एहतिकाफ़ की वाजिब की सूरत है वो वाजिब की सूरत दो दो सूरतों में है एक सूरत यह है कि अगर खुदा नखास्त किसी ने एहतिकाफ़ सुन्नत किया था और खुदा नखास्ता वो अहतकाफ़ उससे टूट गया किसी वजह से ज़्यादा बीमार हुआ अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि भाई इसको हॉस्पिटलाइज नहीं करो इसको एहतिकाफ़ ही मरने दो नहीं शरण शरीफ यहाँ पर रुख्सत देती है अब ये जा सकता है लेकिन चूँकि ये नफली इबादत है यह नफिल के तहत ही आती है चूँकि अब इसने इसको शुरू कर दिया था तो फ़क़ाय अहनाफ़ के हाँ क़ायदा यह है कि जो नफली इबादत शुरू कर दी जाए अब उसको तकमील पर पहुँचाना वाजिब हो जाता है मसला अगर किसी ने नफिल पढ़े नफिल नहीं पढ़े तो कोई मसला नहीं लेकिन अगर नफिल की नीयत कर ली तो अब नीयत के बाद इन नफिलों को मुकम्मल करना उसके लिए वाजिब है ठीक है अच्छा इस... मैं आ रहा हूँ हज़रत में इस पे इस बात आप बढ़ा लें बात सिर्फ इसमें यह ऐड कर दीजिएगा कि अहतकाफ़ तक पहुँचने की शरात क्या है टूट इस, गया तो अब इस पर साल एतिकाफ करना ये वाजिब हो जाएगा एक, बीमार हो जाता है घर में कोई बीमार हो जाता है या कोई बड़ा काम करना चाहता है किसी भी काम के लिए मन्नत मान लेता है कि मैं इतने दिन का एहतिकाफ करूंगा तो अब उस पर उतने दिन का एहतिकाफ करना वाजिब हो जाता है एहतिकाफ में जाने की सिंपल शराय है कि पूरे हमारे यहाँ फ़ुका अनाफ के यहाँ पूरे मुबारक के उसके रोज़े प्रॉपर मुतवातिर तवातुर के साथ चलते हुए आए और एतिकाफ के अंदर भी ये जो एतिकाफ सुन्नत एतिकाफ है मैं ये इसकी बात कर रहा हूँ इसके अंदर भी इसके रोज़े तवातुर के साथ चलते हो को रोज़ा उसका मिस ना हो पहली शर्त यह दूसरी शर्त यह है कि एतिकाफ में बैठने के लिए वो तमाम शरात मलूज़ खाते रखी जाती हैं जो पाकि नापाकि की नमाज़ के लिए रखी जाती हैं हमारी बहनें भी बैठती हैं तो वो इन दिनों के अंदर बिलखसूस इस चीज़ का ख्याल करती हैं तीसरी शर्त यह है कि होता यह है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे जा कर एहतिकाफ में बैठ जाते हैं और वो मस्जिद के तकदस को पामाल करते हैं अब तो मादरत के साथ फैसल भाई बड़े भी मस्जिद के तक़दस को पामाल करते हैं मेरी मस्जिद में जो एहतिकाफ़ में बैठने के लिए आता है जहाँ पर मैं जुमा पढ़ाता हूँ तो मैं वहाँ पर पहली शर्त यही रखता हूँ एहतिकाफ से दो दिन पहले हमारे यहाँ तरबियती नशस्त होती है एहतिका में बिठाना कमाल नहीं है एहतिका में बिठाने से पहले तरबियत करना कमाल है ये बड़ा मुश्किल काम है हमारे यहाँ पहली शर्त यही होती है वो अमल करे या ना करें हम पहली शर्त ये रखते हैं कि मोबाइल अपने घर पर रख के आएगा भाई ये जो सारी दुनिया से तेरे रबते हैं यूट्यूब देख रहे हैं फेसबुक देख रहे हैं और ये सब ट्विटर चल रहे हैं इंस्टाग्राम ये उसको घर पर अब वो रख के आए या ना आए एक अलहदा बात है लेकिन हमारी पहली शर्त यही होती है क्योंकि आप एक छोटी सी बात ऐड करना चाह रहा हूँ

दूसरी हमारे जो मैं बात अर्ज़ करता हूँ हमारे शर्त यह होती कि भाई अगर तू सिगरेट छोड़ सकता है दस दिन तक तो फिर हमारे आएंगे हो मदरत के साथ ये एक उसको यूं समझिए कि हिंदी में कहते चेतावनी होती है, होती तर्वीब, है। तर्वीब, तर्वीब। छोड़ तरगीब होती है कि उसको शायद थोड़ा सा वो आ जाए एक रहम आ जाए कि यार मैं अब मस्जिद के अंदर बैठ के वजू खाना में बैठ के सिगरेट पी रहे होते हैं गुटके खा रहे होते हैं पान खा रहे होते हैं तो ये हमारे एक शर्त ये भी होती है कि आपने ये दो चीज़ें छोड़ सकते हैं तो अलहमदिल्ला मैं फिर आगे बात बढ़ाता हूँ यहाँ पर यह अर्ज़ कर दूँ अलहमदिल्ला सुबह अलहमदुल्ला ये अल्लाह का बड़ा करम है कि हमारे यहाँ जो लोग एहतिकाफ़ बैठते हैं कमस कम अज़ कम कोई दो ढाई सौ लोग होते हैं हमारे पास तो उनमें से अक्सर लोग जो होते हैं इतना तो होता है अगर मसलन पच्चीस लड़के ऐसे हैं बच्चे ऐसे हैं जो सिगरेट पीते थे तो उनमें से अल्लाह करता है पाँच छः बच्चे चार पाँच छूट हैं यहीं से से कंटिन्यू करते छोटा सा ब्रेक ब्रेक वापस जाए छ हजरत जलानी साहब बात बीच में हमारी रुक गई थी ख़त्म करें तो फिर हम आगे जी मैं यही अर्ज कर रहा था कि बच्चे के हवाले से आपने कहा था कि कम से कम इतना आकिल हो कि अच्छे बुरे की सूझबूझ रखता हो आम तौर पर होता है ये कि इस तरह के बच्चे अतिकाफ में बैठ जाते हैं मादरत के साथ और फिर क्या होता है कि वो पीछे जो है यूँ समझिए कि वो एक डब्ल्यू डब्ल्यू एफ़ का समा बना हुआ होता है सफ़ों के पीछे एक अजीब वो गरीब हमने तो देखा है इस तरह के मामला तो इसमें यह कि आप कोशिश ये करें कि मसाजिद के अंदर जो बच्चे बैठे वालदे उन बच्चों को पहले तो इतनी अवेयरनेस दें और फिर वो बाकायदा जाकर कर एहतिकाफ़ की जहाँ पर क्लासें होती हैं देखिए हर चीज़ का एक तरीका है हाँ, बिल्कुल सीखना लाइन नहीं है, है।, है। मसला एक आपको सिर्फ़ एक मिसाल दे दूँ कि मिसाल यहाँ पर एक दी जाती है फुकाहा के यहाँ कि जब हज फ़र्ज होता है तो फिर हज के मसाइल सीखना भी फ़र्ज़ हो जाता है इसी तरीके से जब नमाज़ फ़र्ज हो जाती है तो नमाज के मसाइल सीखना भी फ़र्ज़ हो जाता है बिल्कुं। इसी तरह जब अगर कोई सुन्नत एहतिकाफ करना चाहता है तो उसके लिए लाजमी है कि वो एहतिकाफ के मसाइल को पढ़ ले सुन ले देखिए एहतिकाफ का जो बुनियादी मकसद है एहतिकाफ का बुनियादी मकसद जो कुरान मजिद और फुर्क़ान हमीद ने बयान किया है वो ये बयान किया है कि जिसको आप यकसुई कहते हैं तनहाई कहते हैं मौलाना खान साहब रह ने रिशात फरमाया ना दिल में हो याद तेरी गोशा तन्हाई हो फिर तो खलवत में अजब अंजुमा न आरई हो वा, 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 वा। तो असल जो एहतिकाफ़ का जो मकसद है वो यकसुई है अल्लाह का कुर्ब है अल्लाज मजदूल करीम की रहमतों के मज़ीद नज़दीक जाना है ये असल एहतिकाफ़ का मकसद है आप देखिये कि शराह आराफ के अंदर हज़रत मूसाला नबीना सलाम के हवाले से इस तरह की यकसुई का जिक्र मिलता है और इसी तरीके से हज़रत आजम से लेकर नबी पाकलात तक जितने भी अम्बिया कराम तशरीफ लाए सब इस यकसुई के सिलसिले में एक अकेली तना जगह पर उन्होंने कुछ वक्त लाजमी गुजारा है आले इस्लाम के अकीदा के मुताबिक अम्बिया कराम को इस तरह की यकसुई के करने की हाजत नहीं थी

लेकिन फिर भी अम्बिया कराम ने इस इबादत को इतनी अजीज़ थी अम्बिया कराम को ये इबादत कि गाय ब गए अम्बीए कराम इस इबादत को बजा लाया करते थे और गुज्त शब ही मुझ पर यह राज खुला आपको बताऊँ कि आपको हैरत होगी बनु हाशिम के अंदर बाकायदा एहतिकाफ किया जाता था अच्छा। नबी पाकलाम की एलान नबूत से पहले जनाब अब्दुलमतलब भी गार हिररा में जा बैठ कर कुछ अयाम गुजारते थे वहाँ पर फिर नबी पाक सलात असलम का वहाँ पर जाकर गार हरा के अंदर रहना सूफिया ने लिखा है कि ये वही एहतिकाफ की एक सूरत थी तो कहने का मकसद ये है कि एहतिकाफ का जो बुनियादी ये इतनी सारी जो मैंने मिसालें थी एहतिकाफ का जो बुनियादी जो मकसद है वो यकसुई है अल्लाजल मजदूल करकरीम से लॉ लगाना है अल्लाह के कर्ब में जाना है अब वो यकसुई बाद लोग ये कहते हैं कि जी अब जो इजमाहीतिकाफ़ हो रहा है कि ये गलत है अब अगर वो यकसुई कि अगर आप अंजुम में बैठ कर यकसुई हासिल करते हैं अंजुमन में बैठ कर तो फिर भी आपके लिए वो वोसुई है क्योंकि सूफिया सूफिया के सुफिया के दो तबके रहे एक तबका वो रहा है कि इधर अल्लाह से वासिल उधर मखलूक में शामिल और एक तबका वो रहा है कि दिल में हो याद तेरी कोश है तन्हाई हो फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आ रही हो दोनों तबकों का हम इनकार नहीं करते तो जहाँ पर आपको अल्लाह का कुर्ब मिलता है आप वहां पर इतिकाफ करें नंबर एक नंबर दो ये कि एहतिकाफ के, के आदाब का बिलखसूस ख्याल करें मस्जिद में बू वाली चीज खा कर बैठकर गुटके भी खा रहे होते हैं पान भी खा रहे होते हैं और जो है वो नसवार भी लगा रहे होते हैं सिगरेट भी हाँ। पी रहे होते हैं ये सारे काम कर रहे थे तो भाई कुछ दिन के लिए अल्लाह की रजा के लिए आप ये काम नहीं छोड़ा बिल्कुल एक बात खातन के वाले सरस कर दू फिर दीगरों लम्हा बैठे गुफ्तगु करेंगे हमारी बहनें जो है वो व्या ये होता है कि वो जब सबका काम ख़त्म हो जाता है तो वो एक औरत जो है वो एहतिका में जो खातून बैठी होती है जो हमारी बेटी जो बैठी होती है या बहन बैठी होती है तो वो क्या करती हैं आठ दस औरतें आके बैठ कर उसके पास बैठ जाती हैं और वो जो है पूरे मोहल्ले की ये देखा हमने मैं अपना आपको हो सकता है किसी ने ना देखा हो मैं अपना मुशाह अर्ज़ कर रहा हूँ अब वो सारी बैठ कर जो है वो मोहल्ले के सारे जो मामलात हैं दुख दर्द कहानियाँ किस्से वो सारे

फैसल भाई सवाल से ये है कि रोजे की हालत में अगर हम महरम से गैर जरूरी बातें करते हैं तो क्या इससे रोजा मखरूब होता है आप किस तरह से से फरमा रहे हैं महरम फैसल भाई जैसे मतलब आज कल के नौजवान हैं जो मतलब गलत तालुका में होते हैं महरम के साथ तो क्या उनसे बात करने से हमारा जो रोज़ा है वो मखलू या बातिल हो जाता है जी अपना मैं कहता हूँ अपना साहब इन, 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 इन इस बात का जवाब आपका और आप यार तो तो पहले चाहे हैं बहुत सारे ना क्योंकि वो जरूरी बातें कर रहे हो वो गैर जरूरी बातों का बात कर रहे हैं जी सबसे तो कि भाई रोजा हो या रोजा ना हो टू बी इन अ रिलेशनशिप इच इज नॉट अलाउड या नॉट नॉट परमिसिबल वो तो जायज़ ही नहीं है अच्छा आपको वैसे ही नहीं करनी चाहिए तो रोजे की हालत में आकर के फिर और ज्यादा नहीं करनी चाहिए क्या मकर उसे है मकरू नहीं होता अब देखो ना मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ लाइटें है मैंने हाँ। अंधेरे में अब मैं अंधेरे में लाइटें ऑफ कर दूँ तो गड्डी कितने ना कितने जाकर टकराएगी ना वाह वाह तो रोजे का नूर खत्म हो जाता है अच्छी बात गाली दे दो अच्छी मिसाल दी गलत से सलत रिलेशनशिप में कायम हो जी मैं तो बड़े पकीजा हूँ बड़ी पकीजा मेरी मोहब्बत है हम तो सिर्फ बात करते हैं तो बात करते करते बातों में भी तो आदमी कहाँ कहाँ चला जाता है हाँ बिल्कुल तो भी नज़ले को रोको कि बुखारी ना आए छोड़ दो यार कम से कम रमज़ान में तो छोड़ दो यार ये बात अभी हो रही थी इस पर मैं थोड़ी सी और बात एक्सटेंड करूँगा मर्दों के लिए अलग शरायतें अहतकाफ़ में बैठने की खातिन के लिए अलग है ये ऐसा है देखें बिल्कुल ऐसा है ख़्वीन घर में बैठती हैं मर्द मस्जिद में बैठते हैं ठीक पहला डिफरेंस तो यही है इसमें हज़रत ने भी एक बात फरमाई ये मैं बात को कुछ एक्सटेंड कर रहा हूँ फिर हम आगे चलते जा रहे हैं कि नॉर्मली तो अहतकाफ़ में बैठने का मतलब है कि आप अकेले अहतकाफ़ में बैठे लेकिन हजरत ने उसका जवाब दे दिया कि मजलिस चूँकि हो जाती है छोटे छोटे कैम्प बन जाते हैं जिसके अंदर लोग रह रहे होते हैं लेकिन हमने भी कई दफ़ा ये एक्सपीरियंस किया है कि वहाँ पे फिर एक सोशलाइजेशन शुरू हो जाती है लोग आपस में बैठ के एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं चीज़ें चल रही होती हैं थोड़ी बहुत कराची में एक रोड है अकबर रोड मोटरसाइकिल मार्केट वहाँ एक मस्जिद है अक्सा वहाँ पर एक साहब बैठते हैं उनका नाम है अलता आ... नाम भूल गया था अलताफ़ भाई उनका नाम है मैं कमो बेश पैंतीस साल तो उनको इतकाफ़ में बैठते हुए अच्छा माशा और मुझे हसरत है कि उन्होंने मेरे सलाम का भी कभी जवाब दिया और चस्वी उनके हाथ में होती है बिल्कुल इमाम के पीछे बैठते हैं और ऐसा एहतिकाफ चुप का रोज़ा भी होता है उनका किसी से बात नहीं करते बस घर वाले आते हैं जो खाना वो थोड़ा बहुत खाते हो बस कुरान की तिलावत नवाफिल मैंने उनको हालांकि वहीं पर दावत इस्लामी वालों के तहत इज्तमी तौर पर वहाँ सैकड़ों लोग बैठते हैं वो उनकी महफिल में नहीं जाके बैठते वो अलग बैठते हैं बोले यार मेरी एक अलग सोच है ईद के बाद जब बात होती है वो कहते हैं यार मेरी एक अलग सोच है मैं आया हूँ अपनी बख्शिश कराने के लिए ठीक है ये सारे लोग बैठे इज्तमी तौर पर कर रहे हैं ये भी हसन है अच्छा काम है लेकिन मेन मकसद क्या था एहतकाफ का उसकी रूह क्या थी लेकिन चूंकि वही वाली बात है दो तबकात हैं सूफिया के कहते हैं कि जी हाथ कार दी तरफ ते, दिल यार यारधी तरफ वाह वाह हाथ काम में लगा हुआ है रिस्क भी कमा रहे हैं दिल यार की तरफ लगा हुआ है तो वो भी ऐसे वो भी सही है कहने का मतलब ये है कि एहतक का जो जड़ या उसका मंबा जो उसका हम उसका बेस मालूम करना चाहें ना, ना? मफहूम हाँ. ये है कि यार बस रब को राज़ी करना है और देखें देखेंत से भी बचना है चुगरी से बचना है तोमत से बचना है तमाम गुनाओं से बचना है ना, भिल्कुर, भिल्कुर। तो जितना कम बोलेंगे मन फोमाता जो खामोश रहा उसने नजात पाई वाह तो हम जितना खामोश रहे इतका के अंदर उतना अच्छा है, कुरान की तिलावत करें जिक्र करें दुरुत बात बढ़े लोगों से बातचीत तो सारा साल करते ही रहते हैं ना यार मर तो नहीं जाएंगे अगर दस दिन बात नहीं करेंगे तो डोंट भी सो सिविलाईड डोंट भी सो सोशलाइज ठीक है कि उस सोशलाइजेशन सो, के अंदर आप गुना से ना बच सकें तो बेहतर है कि यार चुप ही रहो वाह क्या बात है जी ये बात तो क्लियर हो गया शिकायत की तरफ में आ रहा था उसमें हम कुछ लोगों ने शिकायत भी की मैं पहले कॉल ले लूँ फिर मैं सवाल की तरफ आता हूँ असला भाई मैं कराची से साइबा सूरी बात कर रही हूँ जी आप ना भी बताती मुझे पता चल गया था हाँ, जी। मेरा सवाल ये है कि हम लोग मतलब मेरी तो एक माशाल्लाह से पचास साल की हो गई है और जब से रोजे रखने शुरू किए हैं तो मतलब यही सुना है कि रोजा अफ्तार करने में जैसे जल्दी करो तो अल्लाह अकबर होता है हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं रोजा अफ्तार कर लेते हैं लेकिन आजकल जब से ये सोशल मीडिया का है इसकी वजह से मतलब बहुत हमें मालूम भी हो रही है बहुत अच्छी अच्छी चीजें पता भी चल रही लेकिन अब इतने सारे मुफ्ती कराम हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किसकी सुने किसकी ना सुने अब आजकल जैसे एक वीडियो चल रही है उसमें काफी मुफ्ती है वो रोजाफ्तार कर ये कह रहे हैं कि रोजा अफ्तार करने में देर करो कि मतलब दस मिनट बाद अंधेरा हो जाए अब हमें ये समझ में नहीं, नहीं आ रहा है कि हम वो सही कर रहे थे या ये सही कर रहे मतलब कंफ्यूज हम मतलब ये जितने उल्मा कराम है ना ये मतलब अच्छी बातें तो कर रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा भी कर रहे हैं तो इसमें हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम सही है ये तो ये है अच्छा है तो तो अच्छा, मैंने तो तो ये इसलिए पूछ लिया कि ये भी जानना जरूरी है ना तो मुफ्ती साहब ने कह दिया डॉक्टर साहब दोनों तीनों चारों बैठे हुए आप पाँचों कोई एक जवाब दे दें बहन को डॉक्टर साहब आप देखिए मुख्तर इसका बिसमान मुख्तर जवाब मैं देना चाहूँगा कि सुन्नत में तो यही हुक्म है कि फुम आतिमस्याल कि जैसे ही सूरज गरूब हो और रात का आगाज़ हो जाए तो रोज़ा इफ़ार कर लिया जाए और आप सल्ह वसम ने इसी बात का हुक्म दिया है इसको खैर की अलामत करार दिया है और इसे इस्लामी शार भी करार दिया है लेकिन अहले तशय के यहाँ क्योंकि जब तक रात शुरू ना हो उसका यकीन ना हो जाए उस वक्त तक वो रोज़ा इफ्तार नहीं करते उनके यहाँ फ़िकम में यही है की लहर जब तक ख़त्म तो नहीं हो इसलिए ये ख़ातून क्योंकि अहले सुन्नत में से हैं तो उनको चाहिए कि वो अपना वो रोज़ा जैसे ही अजान होती है आम मसाजिद में तो अपना रोज़ा इफ्तार कर लें ठीक है मोहम्मदी साहब कुछ शिकायत भी हम तक पहुँची कि कुछ लोग अतकाफ़ में जा कर बैठ जाते हैं और फिर वो चांद रात को उठते हैं और उन्हें बहुत लोगों के पैसे देने होते हैं और वो बेचारे फ़ोन करते रहते हैं और उनका फ़ोन जो है वो बंद होता है और साहब जो हैं वो अहतक में बैठे होते हैं सो क्या ये सही है मतलब आपको लगता है ये उन शराइत में शामिल हो जाती हैं अहतकाफ़ की जो प्रोटोकॉल्स हैं जो शराइ हैं उनमें ये चीज़ आ जाती है कि ठीक है उसको माफ़ी मिल जाएगी क्योंकि वह रही कुरान करीम का हुक्म है अपने वादों को अपने पैमान को पूरा करो और हकूक से इसका गहरा ताल्लुक़ है और जिस बंदे ने किसी को पैसे देने का वादा किया है जिस बंदे ने किसी को कपड़े देने का वादा किया है अमून जो लोग टेलरिंग के शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं या इस किस्म के जितने भी शोबाजात हैं उन तमाम शोबाजात में अगर वादा है और उस वादे को पूरा करना ज़रूरी है तो ये लाजिम है कि आप अहतकाफ़ को मौख़र करें और उनकी जो डिमांड है जो आपके सर पर है उसे आप पूरा करें अगर आप पूरा नहीं करते तो आप एक फ़र्ज़ की अदायगी के मुजरिम हैं और आप उस फ़र्ज़ को छोड़कर एक ऐसा काम जो सुन्नत कफाया है यानी किसी एक बंदे के एक मोहल्ले के चंद अफराद के करने से तब सब की सबकी तरफ से वो अदा हो चुका है दूसरी गुजारिश यह है कि अभी जो शरियार भाई से आपने सवाल पूछा था और इन्होंने कहा कम अज़ कम दस दिन तो बात ना करो हाँ तो मैं कहता हूँ कि अहतकाफ़ ऐसे अहतकाफ़ से क्या फ़ायदा जिससे अहतकाफ़ में बैठ के अल्लाह से यारी ना लगे वाह वाह और गैर अल्लाह और ना महरम से ऐसी दोस्ती हो कि वो वहाँ भी उसी को मांग रहा हो जबकि हुक्म तो यह है कि सब कुछ खुदा से मांग लिया एक तुझको मांग कर उठते नहीं हैं हाथ मेरे इस दुआ के बाद वाह यानी अगर अल्लाह ही आपको मिल रहा है तो अल्लाह की सारी खलक़त और अल्लाह की सारी खुदाई भी आपके हिस्से में आएगी तो मैं ये इजाफा करूँगा शरियार भाई ने बड़े प्यारे अंदाज में बात की कि देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है तखलीय से यानी कोई मर्द मुसलमान मर्द किसी औरत के पास खलबत में ना बैठे तखलीय में ना बैठे अमन हम पर ये एतराज़ किया जाता है अगर हम किसी ऐसे प्रोग्राम में जाते हैं जहाँ ख़ातून एंकर होती हैं कि ये मौलवियों को ये नहीं पता कि ये पर्दा करना ज़रूरी है और नक़ाब लगाना इस तरह की बातें कमेंट्स में लिखी होती हैं तो मैं आपकी वत से करना चाहूँगा कि ये मजलिस है और यहाँ पर सिर्फ़ वन टू वन किसी कमरे में नहीं बैठे होते खलवत में बल्कि कैमरे की आंख भी देख रही होती है और सब के सब लोग इकट्ठे बैठे होते हैं तो ये उस और लाइव अलग जा रहा है और लाइव अलग उस खलवत और तो तखलिया से बच जाता है ये मामला हाँ। दूसरी गुजारिश यह है कि जिस वक्त कोई फ़ोन पर बात कर रहा होता है तो ये भी वो तखलिया और वो खलवत होती है और जिस ज़माने में नए नए मोबाइल फ़ोन आए थे जब सिम दिल डलती थी सिर्फ यानी सिंपल जब मोबाइल फ़ोन था उस ज़माने में आज से तकरीबा पच्चीस साल बाईस साल पुरानी बात है ये तो हमने अपने मदरसे के की तालिबात को ये बात बावर कराई थी और समझाई थी कि देखिए जब आप फ़ोन अपने कान में लगाती हैं और वहाँ पर कोई नामहरम होता है और आप कुछ बोल रही होती हैं और वो कोई नामहरम सुन रहा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपके होंट नाउद बिल्ला किसी नामहरम के कान पर रखे हुए हैं और नाउद बिल्ला किसी नाम के लब आपके कान पर रखे हुए हैं ये शिद्दत पैदा करने के लिए हमने उन्हें एक तमसील दी थी ताकि इससे बचिए और जो आपके पास ऐसा नंबर आता है जिससे आपको वाकफियत नहीं है वो नंबर आप उठाएं नहीं क्योंकि जिस तरह शैतान के तीरों में से एक तीर नज़र है उसी तरह जब कोई आवाज़ महरम की बिलखसूस ऐसे रिश्ते में और ऐसी उम्र में जबकि बहकने का ज़्यादा ख़तरा होता है अगर आती है तो वह बहुत नुक़सानद होती है कॉल ले लूँ कंटिन्यू कर लें साहब हैं असल जी कम साहब फैसल भाई कैसे आप करा मैं लाहौर अच्छा, से बात कर रहा हूँ सर टीवी की आवाज बंद कर देना नहीम भाई डायरेक्ट हमसे बात करें अच्छा, जी टीवी, बात बंद कर। टीवी बंद कर। गी, हो गई हाँ जी हो गई हो गई हो गई अच्छा गया फैसल भाई सबसे पहले मैं आपको फन की कामयाबियों की बेशुमार मुबारकबाद देता हूँ दूसरा मेरा एक सवाल है जी सवाल ये है कि मेरी पचपन साल उम्र है मैंने आज तक यही सुना था कि रोजे अमत जब उठाया जाएगा तो माँ के नाम से उठाया जाएगा ठीक है अच्छा अभी तकरीबन छः सात दिन पहले जब शहरी के बाद हमारे इमाम साहब ने वह दरसे कुरान का एक सिलसिला शुरू होता है तो उसमें इमाम साहब ने फरमाया कि रोजे क्यामत माँ के नाम से नहीं बाप के नाम से उठाया जाएगा ठीक है

केस एक छोटी सी बात पे चला जाए इनका जवाब दे दें भाई इनकी बात का जवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बैतुल बैतुलमक़दस से रुख बैतुल्ला शरीफ की तरफ किया कद नारा तकलुबा वज्समा फ़ला नब्लियन का कबल तरदहा आपकी जहाँ पसंद है और जिस तरफ चाहत है आपकी हम भी आपको उसी तरफ फेर देते हैं तो ऐन नमाज़ की हालत में आपने यानी फिर मसूल कबीला के अंदर मामला हुआ तो ये जो यहूद थे इन्होंने मुसलमानों को तंग करना शुरू कर दिया कि तुम्हारी उन नमाजों का क्या हुआ जो तुम बैतुल बैतुलम की तरफ रुख करके पढ़ते थे और वो लोग जो तुम्हारे फ़ौत हो गए उनकी नमाज़ों का क्या होगा तो फिर कुरान ने जवाब दिया कि वो नमाज़ें कबूल हुई क्योंकि वो भी अल्लाह के हुक्म पर नबी के तरीके के मुताबिक थी तो जहाँ तक इस इन भाई के सवाल का जवाब है जो मौलवी साहब ने दरस में कहा वो बिल्कुल दुरुस्त जवाब है कि क़यामत के दिन भी बाप के नाम से ही उठाया जाएगा और पुकारा जाएगा और अगर ये बात इन्हें बाद में पता चली है तो इसमें कसूर इनका है कि इन तक मालूम देर तक पहुँची या ये उस तक देर तक पहुँचे लेकिन इससे इनकी नमाज़ों का रोज़ों का और दीगर इबादत का कोई ताल्लुक नहीं है ब्रेक पे जा रहा हूँ ब्रेक से वापस आके इस बात को जरा क्लियर करते हैं कि ये क्यों इस तरह से तो हाँ वो भी बात पूरी करनी है छोटा सा ब्रेक ब्रेक से जी हाँ वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक भाई बात यह है माँ भी आपकी है बाप भी आपका है टेंशन क्यों ले रहे हो साथ वाले के नाम से तो अल्लाह ने उठा रहा ना यार टेंशन मत लो भाई ये किसी भी किस्म की टेंशन नहीं है ये हमने गलत ग़लतुल चीज़ें सुनी होती हैं वो हम सुन रखते हैं और फिर हम पक्के हो जाते हैं मैं उस दिन अभी थोड़े दिन पहले यही बात कर रहा था कि होता ही है कि हमने सारी उम्रें लगाई होती हैं असल बात तक हम पहुँचे नहीं होते जब असल बात बच्चे बताते हैं तो हम उनसे लड़ पड़ते हैं भाई क्या बात कर रहा है हमने तो ये सुना था सुना नहीं पढ़ा क्या है इस पर ज़ोर लगाएँ इस पर ज़ोर लगाएँ कि पढ़ा क्या है अब अल्लाह जाने इनका प्लान क्या था वो इमाम साहब को अब इन्होंने जाके जो है अच्छा खासा जद वकोप करना था अगर हम ये कह देते कि जी माँ के नाम से ही पुकारा जाएगा तो तो फिर तो इन्होंने मस्जिद से हजरत साहब का बोरी बिस्तरा उठा के दम लेना था अगर ये वहाँ पर कोई साहब असर रसूख आदमी था अगर कोई इमाम साहब ने खुदा न खासा गलत बयान किया होता तो लेकिन भैया कुछ इमाम साहब भी बड़े सही होते हैं आप पढ़ लें मैं ये कहता हूँ आराम आराम से यार पूरा साल होता है एक एक दो दो किताबें पढ़ते रहा करें बहुत कुछ पता लगता रहता है जी हज़रत बात ख़त्म करते हैं जी फजल भाई अहतकाफ़ की बात हो रही थी कुरान करीम फुरक़ान हमीद ने अहतकाफ़ के हवाले से एक हुक्म जारी फरमाया है और वो कुरानी नस है वला तबा शुरू होना व अन तुम आके फूना तो इससे ये बात साबित होती है कि अहतका जो बिलखसूस रमज़ानुल मुबारक का अहतकाफ़ है जिसे अहतकाफ़ सुन्नत कहा जाता है और बास के उसे अहतकाफ़ नफिल भी कहते हैं क्योंकि बहरहाल नफली इबादत तो है तो ये मस्जिद में किया जाएगा अब यहाँ फ़काय अहनाफ का और हमारा थोड़ा सा एक अख्तिलाफ़ होता है हदीस का और वो ये है कि हमारे यहाँ ख़वातीन भी मस्जिद में ही अहतकाफ़ करेंगी ठीक है। और उसकी एक और दलील सहीबारी की जो किताब अहतकाफ़ है में भी होता है मसाजद मसाजिद तो हाँ बिल्कुल जो अहतकाफ़ के अवाब हैं उनमें आता है कि नबी अलैहि वसल्लम ने हमेशा रमज़ान के आखिरी अशरे में अहतकाफ़ किया अलबत्ता एक दफ़ा आपने दरमियान में भी अहतक किया था फिर आपको बताया गया कि ये जो शब कदर है वह आखिरी अशरे में है तो आपने फरमाया जिन लोगों ने मेरे साथ अहतक किया था वो आखिरी अशरे में भी मेरे साथ एहतिक करें तो आप सल्ह वसम की वफ़ात और आपली व्ल्लम के दुनिया से रुखत होने के बाद आपकी अजवाज मतहरात ने भी मस्जिद में ही अहतक किया एक रिवायत यह आती है जिसमें नबी करीमल व्म ने मस्जिद में अहतकाफ़ के लिए खेमा लगवाया तो आपकी एक जोजा महतरमा ने भी इजाज़त मांगी आपने उनको इजाज़त दी फिर जब आपने देखा तो सारी की सारी बीवियों ने अजवाज मतहरत अमातलमिन ने अपने अपने खेमे लगा लिए थे तो आपको ये बात बहुत नागवार गुजरी कि तुम तो मेरीबत ये तो अल्लाह कीबत हासिल करने का मौका है तो मेरी र्बत के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए ये सारे काम कर रही हो तो आपने मना फरमाया और फरमाया क्या ये अल्लाह की रजा के लिए किया जा रहा है कि इससे अल्लाह की रजा हासिल होगी और आप खुद भी उस साल अहतकाफ़ में नहीं बैठे फिर अगले साल आपने बीस दिन का अहतक फरमाया और बाज कहते हैं कि शवाल में फिर आपने अहतक किया उन दस दिनों के कजा के तौर पर अब हमारे जो हजरात हैं वो इस पर एक राय ये कायम करते हैं बड़े बड़े क्राम ने भी लिखा है कि नबी करीम्ल्लम ने ख़ात का अहतकाफ़ में मस्जिद में बैठना पसंद नहीं फरमाया इसलिए आपने उसको रोक दिया लेकिन हम ये समझते हैं कि नबी करीम्ल्लम ने जिस तरह अपनी अजवाज मतारात के आपस के बाद मामला पर एक दफ़ा कसम खाली थी कि मैं शहद नहीं इस्तेमाल करूँगा शहद नहीं पीऊँगा चुनाचे ये मामला चूँकि हिलत और हरमत का था तो अल्ला तयदा कुर करीम में हुक्म नादिल फ़रमाए कि आपको क्या हो गया है कि आप अपनी बीवियों की रजामंदी चाहते हैं अल्लाह की रजा आपको मतलूब है और आप हलाल को हराम कैसे फरमाते हैं लेकिन इसी तरह का आपने यहाँ पर भी मामला फरमाया क्योंकि आपको ये अदा पसंद नहीं आई कि तुम अल्लाह की रजा जो ही हासिल करने के हवाले से आपस में इस तरह का मुकाबला मुसाबा कर रही हो हालांकि दीन में मुसाबा करना ममदू है और मस्तहब है अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी मस्जिद जहाँ होने का खतरा हो वहां बिल इतफाक खातका नहीं करेंगी लेकिन जिस मस्जिद में खातन के लिए अलग पोर्शन मौजूद हो माइक दिल जी जी बैटरी चली गई अचानक से इस मस्जिद में खातन के लिए अलग पोर्शन मौजूद हो आमदोरफ़ का अलग रास्ता मौजूद हो और वहाँ कोई बारह साल दस साल के बच्चे की भी वहाँ पर रसाई मुमकिन ना हो वहाँ सारे मामलों खुतिन के हवाले हों वहाँ बिल इतफाक खवतिन एहतिकाप में बैठ सकती हैं क्योंकि हमारे यहाँ इस कदर बड़ी तादाद मसाजिद नहीं है बिल से क्या मुराद? बिल आप कल मुफ्ती तारिक मसूद साहब का भी यही फतवा है बिल इतफाक और दीगर करार की भी यही राय है अहले तशद की भी यही राय तारिक मसूद ने तो कहा है कि मस्जिद में औरत का बैठना जाहिद है बेहतर है लेकिन वो घर में बैठ सकती है हमारे हदीज़ की अक्सरियत औरतों के घर में बैठने को बिल्कुल जायद नहीं समझती लेकिन मेरा रुझान ये है कि नफल एहतिकाफने घर में कर सकती है जो लोग ये इस्तला लेते हैं कि ये चूंकि नफली इबादत है इसलिए औरत का तो नमाज़ पढ़ना जो है वो भी मस्जिद से बजाय घर में पसंदीदा करार दिया गया अबिल्तफाक़ चुनाचे इसे घर में करना ज्यादा मुस्तब है तो मैं ये अर्ज फिर मर्दों के लिए भी घर में होना चाहिए नफल नमाज तो मर्दों की भी घर में अफजल करीम ने इर्शाद फरमाई असल सॉरी इरफान आपको थोड़ा होल्ड करना पड़ा असल में बातचीत ऐसी थी मैं रोक नहीं सकता था जी 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 वाले क्या सवाल सबसे पहले तो मुझे इतनी खुशी हुई लाइफ में पहली दफा आपसे फोन पे बात हुई और मैं आपको बचपन में ऐसे देख रहा हूँ अपने अच्छा बंद करके दोबारा कर लो दो दफा हो जाएगी नहीं। <laughs> अच्छा और आपके जो ड्रामे हैं खासतौर पर शैला कोड वगैरह वो मुझे बड़े पसंद है ड्रामे थे बहरहाल मैं आज के टॉपिक पे बात कर रहा हूँ और तो खुशी है कि आपसे बात हो रही है और बचपन से मैं आपको सुन रहा हूँ देख रहा हूँ थैंक यू थैंक यू कहने का मतलब एक, सवाल मेरा ये था कि में ये होता है कि कि में, कि जैसे जैसे अगर फ्राइडे में आपने किसी मस्जिद में हमने एहतिकाफ किया hmm. अब जो है आ, अगर हम फ्राइडे की जो नमाज है हमारी वो रह जाती है अगर उस मस्जिद के अंदर तो क्या हम उसकी जो नमाज जो है उसकी फर्ज की जो अदायगी है वो क्या दूसरी मस्जिद में जाके कर सकते हैं मैंने ये कहीं सुना है कि हाँ कर सकते हैं लेकिन इस दौरान जो आप ट्रैवलिंग जो करते हुए जाएंगे उस मस्जिद के अंदर दर, मतलब उस मस्जिद तक के पहुंचेंगे तो किसी से बात नहीं कर सकते क्या आ, ये ये सही एक मिनट इरफान इरफान जिस, जिस मस्जिद में आप एहतक कर रहे हैं वहाँ जुम्मे की नमाज नहीं हो रही नहीं जुम्मे की नमाज छूट गई है मिसाल के कोई भी मतलब मसायल के तौर पे कुछ भी ऐसा मसला हुआ कि जो है ना हम रक़ात में रह गए क्या वजू टूट गया तो जाके जो है ना हमने जो है ना और वो वो नमाज रह गई फॉर एग्जांपल तो जो है अगर जो है अगर हमारी नमाज रह गई उस रहे तो मस्जिद हम, हम उस, में, अच्छा, में, क्या क्या तो में तो जाहिर सी बात अहतकाफ़ का हुए तो मस्जिद में ही दिया जाता है छोटी मस्जिद में एहतक होता भी नहीं है जी इसको अगर क्लियर कर देंता हूँ एहतकाफ की हालत में अपने मोतकफ़ से जिस जगह मोतकफ़ अहतकाफ़ करता है बग़ैर शरीय और तबय ज़रूरत के बाहर निकलने से अहतका टूट जाता है टूट जाता है जी मसला न अगर किसी ने वॉशरूम जाना है तो ये एक ज़रूरत है उसके लिए जाया जा सकता है इसी तरह फ़र्ज़ करें कि अगर कोई शख्स अहतकाफ़ में बिल फर्ज इतनी गफलत थी नहीं तो पहले बड़े अफसोस की बात है कि तो एक तो अहतकाफ़ में और मस्जिद में और वो मस्जिद जहाँ जुमे की नमाज़ हो रही है और शख्स सोता रहा या कोई और ऐसा उज़ुर हुआ कि वो जनाब जुमे की नमाज़ छूट गई तो ये तो बहुत बड़ी गफलत की बात है लेकिन बिलफर्श अगर मस्जिद गिर गई अल्लाह ना करे या वहाँ कोई हादसा लाइक हो गया या कोई और वजह ऐसी दरपेश हो जाती है तो अगर वो क़रीब तरीन किसी मस्जिद में जुमे की नमाज़ अदा कर ले फ़राज जाकर और वापस आ जाए तो अहतकाफ़ बाकी रहेगा इसी तरह अगर मस्जिद गिर जाती है अल्लाह ना करे तो वो करीब की किसी दूसरी मस्जिद में चला जाए तो अहकाफ़ बाकी रहेगा लेकिन जो सूरत के भाई बता रहे हैं तो मेरा ख़्याल है कि इसमें इस्तार करना भी ज़रूरी है कि इतनी बड़ी गफलत के मस्जिद में रहते हुए जुमे की नमाज निकल जाए तो इसमें तोबा इस भी करनी चाहिए ठीक है बात समझ आ गई होगी आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए उमर भाई आ, हमारी बड़ी लंबी चौड़ी बात हुई है अहतकाफ़ से एक जो इस वक्त बैन अवी इशू चल रहा है मैं उस पर आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ बिल्कुल इस टॉपिक से हट के विच इज़ आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट रेड हाइफ़र पे बात हो रही है जिसको कहा जा रहा है कि ईद ईदुल्फित्र पे इनका करने का प्लान है सो वॉट इज़ गोइंग ऑन इन फ़लस्तीन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वक्त मेरे खास ये इन्फॉर्मेशन भी पहुँचाना है हाँ जी।, जी फैसल भाई एक तो आपको बहुत शुक्रिया कि हम इस अहम मौजू पर आज बात कर रहे हैं और मैं ये चाहूँगा कि बिलखसूस हमारे जो अहल इल्म हैं अहल दानिश हैं और पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए लम्हे फिक्रिया है और मैं आज बड़ा अफसरदा हूँ क्योंकि जो बदतरीज तेज़ी के साथ पाकिस्तान के भी जो हालात हैं खत्म नबूत के हवाले से जो अपडेट्स मस्तिल आ रही हैं हमारे सफ़ों में बहुत इंतशार और अफ्तराक है और दुश्मन ने तो हमें मलिया मेट करने का पूरा मनसूबा बनाया हुआ है देखिए मेरी तश्वीश ज़्यादा इसलिए है कि टैम्पल इंस्टीट्यूट जो इसराइल के अंदर वाक़ है उन्होंने लास्ट वेनस्टे को एक कॉन्फ्रेंस की है प्रॉपर यानी गुज्त बुद्ध की मैं बात कर रहा हूँ सत्ताईस मार्च को प्रॉपर एक कॉन्फ्रेंस की है और उसमें जो रेड हाइफर से मुतल जो उनका अकीदा है या सुर्ख बछिया और गायन से मुतल जो उनका अकीदा है पहले ये समझ लीजिए कि यह है क्या जो जोश एस्कटोलॉजी है यहूदियों की मजहबी किताबों और अमामत क़्यामत के मुताबिक वो ये अकीदा रखते हैं कि किरब क़यामत में हम इस पर पहले भी आयजाये चैप्टर अलेवन फोटीन के तहत बात कर चुके हैं कि लिखा हुआ है कि सो अ न्यू किंग विल अराइज फ्राम अमंग डेविड्स डिसेंडेंट्स कि वो दाऊद साम के नसब में से एक मसीहा के मंतज़र हैं और जो फ़र्स्ट टैम्पल हज़रत सलमान के दौर में बना उसे बख्त नसर ने तबाह बर्बाद किया फिर सेकेंड टैम्पल बना तो उसे टाइटस के दौर में तबाह किया गया अब वो थर्ड टैंपल के दौर में दाखिल हो गए तो उनका अकीदा यह है कि किरब क़्यामत में जो तीसरा टेंपल है वो रीबिल्ट होगा और मस्जिद अक्सा को डिमोलिश किया जाएगा मुनदम किया जाएगा Allah. और उसके बाद वो ये नया टेंपल यहाँ पर तख्लीक करेंगे अब अगर ख़ास तौर पर आप इस तनाजुर में ये ख़बर पढ़ते हैं कि गुज्त सालों में टैक्सेस से वो उन्होंने बाकायदा वो पाँच सुर्ख गायें जिनके बारे में उनका अकीदा यह है कि जब तक जो जश रबाइज हैं उन उस उस सुर्ख गाय की राख उनके जिसम पर नहीं मली जाएगी वो पाक नहीं होंगे मैं उसका ज़िक्र अभी आगे करता हूँ कि जब तक वो पाक नहीं होंगे तो होली ऑफ होलीज़ में जिसको वो यानी टेंपल माउंट कहते हैं जो पूरा चार दीवारी का हिस्सा आपको इस वक्त बैतुलमक़दस में नज़र आता है जिसमें डूम ऑफ द रॉक और सिल्वर गुम्बद वाली दोनों मसाजिद वहाँ मौजूद हैं तो वो यकीदा रखते हैं कि जब तक उन जुश रबाइज के वजूद पाक नहीं होंगे वो उस मुक़दस तरीन मकाम में दाखिल नहीं हो सकते तो उस सिलसिले में उन्होंने बाकायदा टैक्सास से वो पाँच यानी जो सुर्ख गायें हैं जिनको ये रेड यानी हैफर्स भी कहते हैं वो बाकायदा यहाँ मंगवाई गई उनकी ब्रीडिंग पर ख़ास तवज्जो दी गई और ये अकीदे के मुताबिक जब तक वो दो या ढाई बरस की ना हो जाएं उनको ज़िबा नहीं किया जाएगा <laughs> अब आपने इशारा किया है इस बात की तरफ तो टेम्पल इंस्टीट्यूट की तरफ से ये ख़बर जारी की गई है कि उनकी कॉन्फ्रेंस में भी ये बात मुतयन की गई कि जो उनकी ईद फ़ी है जो बाईस अप्रैल से तीस अप्रैल तक का दिन आता है जब अल्लाह ताला ने यहूदियों को फ़िरौन के अज़ाब से निजात अता की और वो रेड सी को क्रॉस करके मदायन साले के अंदर आए तो ये वो दौर है कि जिसको अल्लाह ताला ने यानी जब फरिश्तों को उनकी तरफ़ भेजा तो यहूदियों ने ख़ास अंदाज से अल्लाह की इबादत की और जबरील अमीन जब उनके घरों पर से गुजरे तो फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड जो था हर फैमिली का वो मर गया सिवाय हिबरी के सिवाय यहूदियों के तो इसलिए कहा जाता है कि वो उनके घरों पर से पास ओवर वो गुजर गए लेकिन उनके पहले पहलोटी के बच्चों को उन्होंने जो रूह कब्ज़ को जबरील ने और मलाकुल मौत ने उनकी रूह को कब्ज़ नहीं किया तो वो उसको ईद फसी का दिन कहते हैं तो बाईस अप्रैल से तीस अप्रैल का दिन और दस अप्रैल जो हमारी ईद का दिन आ रहा है तो यहूदियों का मनसूबा यह है टेम्पल इंस्टीट्यूट का मनसूबा यह है कि वो पाँच सुर्ख गायें जो टैक्स से उनके अकीदे के मुताबिक यहाँ इसलिए मंगवाई गई कि एन बैतुलमकद्दस के सामने कोहे जैतून पर माउंट ऑफ ओलिव पर अल्टार यानी वो मकाम जहां उन्होंने कुर्बान गा बनाई है वहां उन सुरख गायों को बाकायदा ज़बह किया जाएगा उनके चमड़े को उनके गोबर को उनके गोश्त और खून को जलाया जाएगा और फिर उसकी राख को पानी में मिलाने के बाद जो टेंपल इंस्टीट्यूट के जो बड़े रबाइज हैं और नैतन याहू की आप वो बात ना भूलें कि उसको रेबे ने जो उसका

तो जेनेसिस एक्सोडस, लेविटिकस नंबर्स और ड्यूटोनॉमी तो गिनती नंबर का ये चैप्टर 19 है उसमें लिखा हुआ है और जो जो हैडिंग है वो है सुरख गाय की राख ये इसकी हैडिंग है और बाइबल में लिखा है कि शरा के जिस आइन का हुक्म खुदावन ने दिया है वो ये है कि तू बनी इसराइल से कह दे कि वो तेरे पास एक बेदाग बेऐब सुर्ख रंग की बछिया लाएँ जिस पर कभी जुआ ना रखा गया हो यानी जिसको कभी योग के कभी हल ना चलाया गया हो और तुम उसे लेकर एलिजर काहिन को देना और वो उसे लश्कर गाह के बाहर ले जाए और कोई उसे उसके सामने जबह कर दे मैं अब आगे से पढ़ रहा हूँ और कोई पाक शख्स उस गाय की राख को बटोरे और उसे लश्कर गाह के बाहर किसी पाक जगह में धर दे ये बनी इसराइल के लिए नापाकी को दूर करने के लिए कुर्बानी रखी गई है क्योंकि ये खता की कुर्बानी है और अलेजर काहिन अपनी उंगली से उसका कुछ खून लेकर उस खैमा इज्तमा गा के आगे सात बार छिड़के मुराद बैतुलम है कि वहाँ सात बार छिड़के और फिर कोई उसकी आंखों के सामने उस गाय को जला दे यानी उसका चमड़ा उसका गोश्त उसका खून और उसका गोबर सब का सब वहाँ पर जला दे अब बहुत काबिल तवज्जो बात फैसल भाई यहाँ पर यह है कि यहूदियों की इस पेश गोई का जिक्र बहुत ज्यादा यानी मैटर करता है आप याद करें कि जब हजरत मूसा सलाम ने रेड सी को क्रॉस किया और आप मदायन साले में आए तो कौम ने सोने के जेवरात से एक बछड़ा बना लिया था बिल्कुल और उस बछड़े की इबादत की कुरान ने सात मकाम पर उस बछड़े का जिक्र किया है और कहा वह शरीबू फी कुल ही उनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत जो है वो कर रह गई है इसीलिए जब एक कत्ल का मसला दरपेश हुआ तो मूसा सलाम ने फरमाया इन अल्लाह मरुकुमन तस बहु बकरा और उस बकरा के नाम पर कुरान में पूरी बकरा नाजिल की गई तो इनके यहाँ भी एक गोल्ड की बनी हुई जो गोल्डन काफ है उसका तस्करा यहूदियों के यहाँ भी है रेड काव का जिक्र उनके यहाँ मिलता है और वो बात मानते हैं कि जो हमने गुनाह किया था हमें बाद में इस सुर्ख गाय को ज़िबह करने के साथ खुदा ने हुक्म दिया है कि हम इसको अपने जिसम पर लगाएंगे तो हम पाक हो जाएंगे मैं यहां पर पूरी उम्मत मुस्लिम को यह पैगाम देना चाहता हूं कि जिन वक्त से इस वक्त हम औकात से हम गुजर रहे हैं यह बहुत क्रिटिकल मोमेंट है यहूदी अपनी अमामत क्यामत के तनाजर में अलल एलान ये बात कह रहे हैं यानी टेम्पल इंस्टीट्यूट की वेबसाइट को विजिट करें जाकर आप, आप नैतन याहू की गुफ्तगु सुयदा आप टी आर टी को देखें कि वो कह रहे हैं कि क्या एक गायें वो आर्मी गैडन की तरफ दुनिया को ले जा रही है क्या दुनिया में एक नई आलमी जंग छिड़ने जा रही है तो अगर यहूदी अप्रैल के महीने में और 10 अप्रैल या 22 से 30 अप्रैल के दौरान में वो इन रेड काउस को जबाह करते हैं अल्टार पर अपने जिसम को पाक करते हैं और होली ऑफ में दाखिल होते हैं टी, टी इस पर चीख रहा है इस पर इंटरनेशनल मीडिया चीख रहा है इस पर अबू उबैदा जो हमास का सरबरा है उसने बाकायदा इस पर कहा है कि भाई टेक्सास से ये गायें लाकर ये क्या करना चाह रहे हैं और इनके जुश रबाइस टेम्पल इंस्टीट्यूट में बाकायदा इस पर पूरा इदारा बनाकर रिसर्च कर रहे हैं और हमारे यहां रिसर्च किस बात पर हो रही है यानी हमें इस पर जो है ना अपना सर पीट लेना चाहिए कि पूरा आलम में मगरब पूरा आलम में कुफर एक होकर मस्जिद अक्सा को शहीद करने के लिए मंसूबा बना रहे हैं मुसलमानों का कुछ तो खून हो रहा है यानी छोटे छोटे बच्चों को सेटलर्स अगवा कर रहे हैं उनकी बॉडीज को काट कर उनके आजा निकाल रहे हैं मोर देन फोर्टी थाउजेंड रिपोर्टेडली फ़लस्ती का कुछ तो खून किया गया है लाखों लोग वो हैं जिनकी कबरों को यानी उनकी घरों को उनकी जिंदा कबर बना दिया गया भूख से लोग मर रहे हैं यानी बारह से पंद्रह लाख लोग स्टावेशन और फैमिन की वजह से लोग मर रहे हैं पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है लेकिन पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इतने बेहस हो चुके हैं उनके अंदर से शायद ईमान की जो हमारे अंदर कैफियत है, है वो ज़ाली का अदाफुल ईमान से भी नीचे पहुंच गई है और मैं मैंमा से ये गुजारिश करूंगा कि इस वक्त जो बाहम दस्तो गिरबाँ हैं इन ला उनकी बदतरीन गिरफ्त होने जा रही है और मुझे यह हदीस पढ़ लेने दें कि हज़ूर सलाम ने फरमाया कि किब क़्यामत में ला यब का मिनल इस्लामी लसम हो इस्लाम का सिर्फ़ नाम बाकी रह जाएगा आज मुख्तलिफ जमातों तंजीमों के नाम के सबक़ लाहे के देखें इस्लाम लिखा हुआ है लेकिन फरमाए इस्लाम का सिर्फ नाम बाकी रह जाएगा वला यब का मिनल कुरानी लस्म हो कुरान की सिर्फ राइटिंग बाकी रह जाएगी लोग हिदायत हासिल नहीं करेंगे मसाज आमिरतु उन बहिया खराब उन्नहुदा मसाजिद भरी हुई होंगी लेकिन हिदायत नहीं होंगी होगी और फरमाया उस दौर के उलमा आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक होंगे उन्हीं में से फितने निकलेंगे उन्हीं में लौट जाएंगे आज उमत मुसलमा में इतना इफ्तराक और इंतजार हो रहा है आलमी सतह पर आर्मी गैडन की तैयारी हो रही है हमारे यहाँ मुल्क के अंदर खत में नबूत के दिफा पर यानी मुसलमान बात कर रहे हैं और गिर बाँ हैं जो मीटिंग्स हो रही हैं एक दूसरे के खिलाफ बातें हो रही हैं मैं गुजारिश करूंगा वो अकाबिर के जिनके सर पर अल्लाह ने ताज रखा खुदा आप आगे बढ़ें उम्मत की सफों में पैदा करें हमारा मुल्क तबाह बर्बादी की तरफ जा रहा है हमारे माशी मसाइल हमारे सामने खड़े हुए हैं उम्मत को तोड़ने के बजाय जोड़ने की कोशिश करें आज पाकिस्तानी कौम को जोड़ने की कोशिश करें ना कि हमारी सफों में इश्तराक और इंतजार पैदा हो मैं हुक्मरानों से भी गुजारिश करूंगा कि यह वक्त है कि आप कौम को दीन के नाम पर एक करें वरना ऐसा ना हो कि हमारी दास्तान तक भी दास्तानों से मिटा दी जाए बिल्कुल जी दुआ भी करते हैं और दुआ ही कर सकते हैं और आपने इतनी बड़ी बात की है अल्लाह पाक बस सबको अपने हिफा अमान में रखे हम भी पहले दिन से सिर्फ यही बात किए जा रहे हैं मैं आज भी यही बात कह रहा था आ, मैं हमेशा रोज बैठ के यही बात शुरू करता हूँ कि खुदा के वास्ते इस असल भाई मैं अगर यहाँ से एक जुमला आपको पढ़ के सुना दूँ कि टेम्पल इंस्टीट्यूट के लोग क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि द कमांडमेंट ऑफ द रेड रेड रेडर टेक्स ऑन मोर एंड मोर सिग्निफिकेंस उट इट द डि सर्विस ऑफ द होली टेम्पल कैन नॉट बी रिज्यूम्ड देर इज स्परिअल टूडे इन आफ्टर ऑलमोस्ट टू थाउजेंड ईल इज क्लियरली मूविंग टूवर्ड्स द टाइम वेन द होली टेम्पल ऑन माउंट मौरिया द प्रोफिस थर्ड टेम्पल विल बी रीबिल्ट और हेजकील के अंदर अगर आप बायदा देखें यानी हर हफ्ते के यानी पूरे हफ्ते में बार-बार यहूदी क्या दुआ कर रहे हैं कह रहे हैं कि that the temple be rebuilt speedily in our days and give us our portion in your torah and there we will worship you with reverence as in ancient days and former years और बाकायदा तौर पर Ezekiel के अंदर यह लिखा हुआ है कि for i will take you out of the nations i will gather you from all the countries and bring you back into your own land i will sprinkle clean

इस इसरशलम में दुनिया के तमाम खितों से जमा होंगे तो मुसलमानों के लिए ज़रूरत इस बात की है कि हमारे नबी ने जो बताया कि एक आलमी जंग यहूदियों के साथ होगी अपने नबी पर ईमान लाएं अपनी किताबों को पढ़ें और उस आलमी जंग की तैयारी करें जी हाँ बिल्कुल और इस पर थोड़ी सी तैयारी करने की भी ज़रूरत है आपने बड़ी तफसीन ये बात बताई है मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तमाम इस्पॉन्स का ये मेरी मजबूरी होती है वरना इस वक्त टाइम बचा नहीं है थैंक यू ओजी डेवलपर्स वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क फोटाइल ख़ाले स्वीट्स पंच नत बाई जे डॉट हर बी ऑन कोस और एटियाम आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन मैं आप सबसे कहूँगा चूँकि अजान मग़रब का वक्त हो गया हमारा वक्त ख़त्म है आ, मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा खुदा के वास्ते आप लोग भी ज़रा इस पर बात करना शुरू करें थोड़ा सा पढ़ना शुरू करें हजरत दुआ करते हैं दुआ करवा दें मैं इनशाला फिर कल आपसे मिलता हूँ

الله اكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً محمد رسول الله أشهد, أشهد أن على الصلاة <سؤال> <سؤال> <سؤال>